आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे आज हम गुजरात जुडिशरी एंड अदर स्टेट जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं मुस्लिम लॉ को इन वन शॉट। अगर ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो स्टूडेंट्स एक बार थम्स अप दे देंगे कि यस मैम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, ताकि आज हम सेशन को अच्छे से स्टार्ट करें। सेशन शुरू होने से मैं आपको पहले बता दूं कि हम मुस्लिम लॉ के हर एक टॉपिक को कवर करने वाले, मैरिज से लेकर सक्सेशन तक कवर करने वाले, लेकिन सिर्फ टू द पॉइंट चढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इसके स्टेट जुडिशरीज के, चाहे प्रिलिमिनरी की बात करें या इसके मेन्स की बात करें, इन द पॉइंटर से ही क्वेश्चंस आता है, कुछ ज्यादा इनडेप्थ नहीं आता है। क्योंकि अगर आप मुस्लिम लॉ को देखोगे तो मुस्लिम लॉ भी क्या एक पर्सनल लॉ है, जहां पे हिंदू लॉ लगभग कोडिफाइड है, मुस्लिम लॉ के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कोडिफाइड नहीं मिलेंगे। जहां पर आपको फोकस करना है, जिन कोडिफाइड लॉज पर फोकस करना है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम जो दो कोडिफाइड लॉज कवर करने वाले हैं, उसमें से एक रहने वाला है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, जहां पे मुस्लिम मैरिज को कैसे डिवॉल्व कर सकते हैं 1939 में जो आपका एक्ट आया था, एक उसको कवर करने वाले हैं। और 2019 में दैट इज ट्रिपल तलाक के अबॉलिशन के बाद जो इम्पोर्टेंट एक्ट आया है, दैट इज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। मुस्लिम वुमेन का राइट मैरिज पर जो राइट्स है, मैरिज डिसॉल्व होने पे जो राइट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में एक्ट आया। इन दोनों पर फोकस करते हुए आज हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ओके बराबर, एक बार बता दो स्टूडेंट्स, थम्स अप करके बता दो कि यस ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, कोई ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम नहीं, हालांकि होती तो अभी तक आप मुझे बता चुके होते। चलिए सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और मैं आप सभी स्टूडेंट को एक और चीज बता दूं कि हम 6th ऑफ अप्रैल को, वी हैव, व्हाट डू वी हैव टुडे, इज इट्स 4th ऑफ अप्रैल टुडे, राइट? सो इट्स ऑन 6th ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू कवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड ऑन 8th ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू कवर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बराबर ये चीज? ओके, खुशबू जी, महेश्वर जी, ज्योति जी, सिद्धि जी, प्रिया जी, खुशबू जी, अनुराग जी, किंजल जी, थैंक यू एवरीवन। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ पे हम लगभग ये 19 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, 19 नहीं मैं प्लस वन कहूंगी, दैट इज 20 सेगमेंट्स, जिसमें हम मुस्लिम सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो मुस्लिम सक्सेशन के बारे में बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से टाइप्स ऑफ मुस्लिम्स, दैट इज शिया और सुन्नी, में कितने कितने शेयरर्स हैं और एग्जैक्टली वहां पे शेयर कितना होता है। और जनरली मुस्लिम लॉ से भी देखोगे तो शेयर पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए आपको पता जरूर होना चाहिए कौन कौन सी क्लासेस वहां पे है, एग्जैक्टली कितने मेल्स और कितने फीमेल्स है, दैट इज इट। ओके, अब सुनो मेरी बात, हमें ये 20 पॉइंटर्स पढ़ने, जहां सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ, व्हाट इज मेंट बाय इस्लामिक, कौन एक इस्लामिक पर्सन होता है, एक मुस्लिम कौन होता है, मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या है। जैसे हमने हिंदू लॉ में पढ़े थे, सोर्सेज पढ़े थे ना हमने, वहां स्मृतिज, आपके श्रुतिज, ये सारी चीजें पढ़ी थी, कमेंट्रीज, डायजेस्ट, कस्टम, वैसे के वैसे हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं कि मुस्लिम लॉ के सोर्सेस क्या हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। ओके, शियाज और सुन्नीज का डिफरेंस पढ़ेंगे, मैरिज के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, डावर, दैट इज डावर और मेहर, ये आपके कितने टाइप्स के होते हैं, कब दिया जा सकता है, कब वुमेन एंटाइटल होती है, कब वुमेन एंटाइटल नहीं होती है। तलाक के फॉर्म्स पढ़ने वाले हम, कितने टाइप के तलाक होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का एक्ट पढ़ेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है, ठीक है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी या एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मेंटेनेंस, खर्चाए पानदान क्या होता है, हिबा, दैट इज गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या है, मर्जुल मौत, दैट इज डेथ बेड गिफ्ट क्या होता है, वसीयत, विल, कब, कौन, कैसे, कितनी प्रॉपर्टी का बना सकता है, गार्डियनशिप के बारे में पढ़ेंगे, हिजानत, दैट इज कस्टडी के बारे में पढ़ेंगे, वक्फ और वक्फ का जो मैनेजर, दैट इज मुतावली के बारे में पढ़ेंगे, शूफा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, एंड फाइनली मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019 का एक्ट पढ़ेंगे, एंड देन फाइनली पढ़ने वाले हैं मुस्लिम सक्सेशन। तो शुरू करेंगे सेशन को हम, और ध्यान रखें ये सारे सेगमेंट्स कवर करने वाले हैं, तो जहां आपको इस सेगमेंट की जरूरत है अच्छे से ध्यान रख के सुनेंगे। टीपी एक्ट आई विल कवर ऑन लेटर, टीपी एक्ट अक्षय जी लेटर ऑन कवर करेंगे, हो सकता है कि मैं आपको टीपी एक्ट फाउंडेशन बैच में कराऊं, अदरवाइज डू नॉट वरी, कुछ और प्लेटफॉर्म से मेरी क्लास है वहां पर भी जाके देख सकते हो, बिकॉज टीपी एक्ट को मैं वन शॉट में इतना फटाफट नहीं कराना पसंद करूंगी, बिकॉज अभी फाउंडेशन बैच में मैं उसे चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चला जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखो आज मुस्लिम लॉ हमने कवर कर लिया, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, एनआई एक्ट चैप्टर 17, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ, इमोरल ट्रैफिकिंग, कंप्लीट एनआई एक्ट हो चुका है, एसआरए लिमिटेशन, जेजे एक्ट, हिंदू लॉ, ये हम सब कवर कर चुके हैं। आज मुस्लिम लॉ कवर कर लेंगे, उसके बाद 6th ऑफ अप्रैल को इंडियन पार्टनरशिप, एंड देन 12th ऑफ अप्रैल को हम करने वाले हैं 8th अप्रैल को सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, थैंक यू अंकिता जी,
चलिए, नो योर ऑर्डर, आई एम एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फाइन. अब शुरू करेंगे आज का सेगमेंट. पहले हमें ये समझना है कि एक मुस्लिम पर्सन होता कौन है. सिंपल चीज है, एक मुस्लिम पर्सन वो होता है स्टूडेंट्स जो इस्लाम में बिलीव करता है. किस में बिलीव करता है? इस्लाम में बिलीव करता है. क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, या मैं कहूँ इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग, इनका क्या कहना है? देर इज ओनली वन गॉड, एक ही गॉड है, दैट इज अल्लाह. किस में मानते हैं? अल्लाह में मानते हैं. अब देखो, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को उन्होंने नाम दे रखा है. अल्टीमेटली सब रिलीजन यही कहते हैं कि भगवान एक ही है. सबने उनको अलग अलग नाम दे रखे. जो मेरा भगवान है वही आपका भी भगवान है. तो हमने बस एक नाम अलग दे रखा है और भगवान के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका डेवलप कर रखा है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई या आत्मा का, परमात्मा से मिलन. अल्टीमेटली सबका गोल यही है. हर रिलीजन क्या टीच करता है स्टूडेंट्स? की आत्मा का, परमात्मा से मिलन. एट द एंड आपके लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, किस तरीके से यू हैव टू अटेन सेल्वेशन इन योर लाइफ. तो बेसिकली यही होता है. So, यहाँ पे क्या बोला गया है, इस्लाम में बोला गया है कि हमारा एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, दैट इज सेड टू बी अल्लाह. इस्लाम का मतलब क्या है? बेसिकली इस्लाम को जो फॉलो करते हैं उनका एम क्या होता है? उनका एम होता है सबमिशन टू विल ऑफ गॉड. कि जैसा भगवान कहे, जैसा हमारा अल्लाह कहे, बस हमें वही करना है. सो बेसिकली इस्लामिक रिलीजन में अल्लाह को माना जाता है और बोला जाता है जो अल्लाह के डायरेक्शंस होंगे, जो वो हमें कहेंगे हम बस वही करने वाले हैं, दैट इज ट्रू. हमारा जो भगवान हमें सही कहते हैं, दैट इज टू से हिंदू में क्या है, इट इज सेड टू बी धर्म. कि जो भगवान ने सही माना है, जो भगवान ने सही माना है, दैट इज राइटियस कंडक्ट ऑफ द पर्सन. जो किसी और पर्सन के राइट्स को हैम्पर नहीं करे, उसी को हमने धर्म कहा है. सो बेसिकली वहां पे विल ऑफ गॉड को इंपॉर्टेंस दिया जाता है. साथ ही साथ पीस में मानते हैं, प्योरिटी में मानते हैं, सेल्वेशन में मानते हैं और ओबीडियंस में मानते हैं. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें इस्लाम बिलीव करता है या इस्लामिक रिलीजन बिलीव करता है. और जो पर्सन इस्लाम में बिलीव करता है स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं मुस्लिम. क्लियर है? ओके. यस, लैंडमार्क जजमेंट भी होंगे रिचा जी इसमें. हमारे मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गए हैं, हमारे एक्ट से रिलेटेड हो गए हैं ना, आपके स्पेसिफिकली से रिलेटेड हो गए, किससे, इद्दत पीरियड से रिलेटेड हो गए, सब कुछ कवर करेंगे. ओके, डू नॉट वरी. ओके, ये सब रिकॉर्ड रह गया ना मैम, एग्जाम के टाइम फंड नीड नहीं होगी इन सबकी. ओके, ठीक है, ग्रेट. चलो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना. अगले 2.5 घंटे में हम मुस्लिम लॉ को कवर कर लेंगे. एंड अच्छा, मुझे एक चीज ना कमेंट सेक्शन में भी आप बाद में मेंशन करके बता सकते हो कि जो हमने मुस्लिम लॉ आज डील करने वाले, या लास्ट टाइम जो हमने हिंदू लॉ भी डील किया था, वहां से वन लाइनर्स क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं ना, और आप अटेम्प्ट कर पाते हो ना. ऐसा तो नहीं कि कुछ बहुत ही बाहर की ही दुनिया का आ रहा है, हम अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे, या ये वर्ड्स हमने कभी सुने ही नहीं है कि सेशन में वो यूज हो गए, या फिर हमारे एमसीक्यूज में ऐसा कुछ आ गया है. मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ को देखते हुए अगर इन दोनों ही सब्जेक्ट्स का रुझान देखो, कि चाहे पंजाब हरियाणा में देख लो आप, फॉर दैट पर्पज दिल्ली जुडिशरी में देख लो, गुजरात में देख लो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछी गई, बेसिक चीजें पूछी गई है. क्लैट में भी बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है. ठीक है, अब समझेंगे मुस्लिम कौन है. यू ऑल रिमेंबर कि हमने लास्ट सेगमेंट जब पढ़ा था तो हमने बोला था हिंदू कौन होता है. तो हमने क्या बोला, हिंदू टेरिटोरियल अगर आप उसका डेफिनेशन देखोगे तो हिंदू वो पर्सन है जो कि मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, वो हो गया हिंदू. और उसके बाद हमने पढ़ा अ चाइल्ड जिसके पेरेंट्स या तो हिंदू है, या ऐसा चाइल्ड जिसका एक पेरेंट हिंदू है, या फिर कन्वर्ट्स या रिकन्वर्ट्स. वैसे के वैसे मुस्लिम से बोला गया है कि कोई भी पर्सन अगर कन्वर्जन करता है, हिंदू से कोई मुस्लिम हुआ और वो इस्लामिक प्रोफेशन को, इस्लामिक रिलीजन को प्रोफेस करता है, क्या करता है, इस्लामिक रिलीजन को प्रोफेस करता है, हम उसे मुस्लिम कहेंगे. एंड कोई पर्सन जो कि बाय बर्थ भी क्या है, मुस्लिम है, दैट इज मुस्लिम पेरेंट्स को पैदा हुआ है, तो वो मुस्लिम है. मान लीजिए दोनों कपल्स में से एक पर्सन मुस्लिम है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर ली, बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा बिलीव किस में करता है, प्रॉफिट मोहम्मद में करता है. किस में बिलीव करता है? प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करता है. तो बोला जाएगा ही इज अ मुस्लिम पर्सन. अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव टू सी कि उस पर्सन की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उस पर्सन की अपब्रिंगिंग कैसे हुई है. क्लियर? नाउ वी विल सी द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ. अच्छे से सुनना, इनका वन वर्ड में मैं आपको आंसर लिखवाने वाली हूं कि इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है द मेजर सोर्स और द मोस्ट एंशिएंट सोर्स जो मुस्लिम लॉ में माना गया है, दैट इज कुरान. कुरान क्या होता है स्टूडेंट्स? कुरान इज द वर्ड्स ऑफ द गॉड. क्या है? वर्ड्स ऑफ गॉड, मतलब जो अल्लाह ने बोला है वो सब कुछ कुरान में डाला गया है. बिलीव टू बी द डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड एज रिवील टू मोहम्मद थ्रू एंजल्स. अब सुनो, अल्लाह ने क्या बोला है ये किसको बताया? प्रॉफिट मोहम्मद को बताया. किसको बताया? प्रॉफिट मोहम्मद को बताया. सुनना का मतलब क्या होता है? एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, कि हम कुछ सुन रहे हैं, दैट इज
द वर्ड्स एंड द एक्शंस ऑफ मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के जो वर्ड्स एंड एक्शंस थे एंड साइलेंट असर्शंस ऑफ हिम, कहते हैं अगर उन्होंने कुछ भी बोला है तो हम उन्हीं के एक्ट्स को या उन्हीं के वर्ड्स को फॉलो करने वाले हैं. क्यास क्या होता है? क्यास होता है लीगल डिडक्शंस. क्या होता है? लीगल डिडक्शंस, जिसे कह सकते हैं कि कोई रीजनिंग दे के अगर कुछ डेवलप किया गया है तो हम उसे बोलेंगे क्यास. जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा व्यक्ति, कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, कयास लगाया जा रहा है कि वैसा हो सकता है. मतलब आप अपना एक अनुमान दे रहे हैं. अकॉर्डिंग टू विच ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रंटेड विद एन अनप्रीसीडेंट केस बेस्ड ऑन हिज और हर आर्ग्यूमेंट्स. लीगल डिडक्शंस, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आप और मैं डिबेट कर रहे हैं और हमने अपना लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग लगा के कुछ अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस निकाले हैं, दैट इज सेड टू बी कयास. उसके बाद फाइनल आता है हमारे पास इज्मा. इज्मा इज व्हाट स्टूडेंट्स? इज्मा इज ओपिनियन. इज्मा इज व्हाट? इज्मा इज द ओपिनियन ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट. मुस्लिम ज्यूरिस्ट, जैसे वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स में अगर कोई लॉयर्स बैठे हैं तो वो क्या देते हैं? हमने सबने पढ़ा है ऑबिटर डिक्टा क्या होता है, ऑबिटर डिक्टा क्या होता है. तो वैसे के वैसे इज्मा होता है, दैट इज टू से जब मुस्लिम ज्यूरिस्ट अपना कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ओपिनियन फ्रेम करते हैं उसको हम इज्मा कहते हैं. विद इन 10 days, अंकिता जी, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, विद इन 10 days, है ना. आयुषी जी, मैंने आपका कमेंट भी देखा था, इट इज नॉट पॉसिबल इन पावर पॉइंट फॉर मी टू इंक्रीज द यू नो थिकनेस ऑफ द पेन. ठीक है, मैंने आपका कमेंट भी देखा था, इट इज नॉट पॉसिबल डियर. अगर पॉसिबल होता तो मैं डेफिनेटली ट्राई करती. सो आई एम लुकिंग फॉर अ गुड डैश व्हाइट डैशबोर्ड, जिससे कि मैं व्हाइट बोर्ड, जिससे कि मैं और कुछ नए फीचर्स एनहांस करके आपके लिए लेके आ सकूं. ठीक है, चलिए अब आगे सुनिए. नेक्स्ट है इस्तिहसन. क्या होता है? मॉडर्न सोर्सेज में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? इस्तिहसन है, जिसे बोला है ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंसेस. क्या बोला गया है? ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंसेस. जो मुस्लिम्स में ज्यूरिस्ट है उन्होंने किस चीज को मोर प्रेफर किया है, किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, दैट इज सेड टू बी इस्तिहसन. इस्तिसला क्या हो गया? इस्तिसला, सलाह एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट. जो चीज में पब्लिक का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है अगर वो प्रिवेल करती है ये, तो वो भी हमारे मुस्लिम लॉ का सोर्स बन जाता है. इच्छेदार मतलब क्या होता है? एक्सरसाइजिंग वन ओन्स रीजन टू डिड्यूस द रूल ऑफ लॉ. सो बेसिकली समवेयर यू विल रियलाइज की कयास और इच्छेदार सेम है. बस ये है कि टाइम पीरियड जब ये चीजें डेवलप हुई और जब इन चीजों को नाम मिला, बस वो थोड़ा डिफरेंट था. तो इच्छेदार भी क्या होता है? जब एक पर्सन खुद से अपना रीजन लगाता है, दैट इज टू से रीजनिंग लगा के कोई रूल ऑफ लॉ को समझता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई कस्टम प्रिवेल कर रहा है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग उस कस्टम की प्रेफरेंस या उस कस्टम की मॉरल वैल्यूज हो सकता है मेरे लिए अलग है, क्योंकि मैं अपना खुद का एक रीजन लगाऊंगी, और आपके लिए हो सकता है उस पर्टिकुलर कस्टम से रिलेटेड ओपिनियन आप अलग होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आप अपना ओपिनियन वहां डालेंगे, अपने प्रेफरेंसेस, अपने रीजंस के अकॉर्डिंग उसको सही या गलत ठहरा सकते हैं. ठीक है, तकलीद मतलब क्या? इट इज लॉ ऑफ प्रीसीडेंट्स. प्रीसीडेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन हिंदू लॉ ऑल्सो. प्रीसीडेंट्स मतलब जो पहले कोई केस लॉ आ चुका है, अगर पहले किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे किसी भी पर्सन ने या उनके मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने कोई ऐसी गाइडलाइन दी या कुछ भी ऐसा डिसीजन दिया, सो दैट इज गोइंग टू प्रिवेल इन फ्यूचर ऑल्सो, एंड दैट विल बी प्रेफर्ड इन फ्यूचर ऑल्सो. एंड लास्ट इज फतवा, दैट इज द डिसीजंस ऑफ द मुस्लिम जजेस. डिसीजंस ऑफ मुस्लिम जजेस. सो बेसिकली इनकी कम्युनिटी में जो जजेस हैं, जैसे हमारी कम्युनिटी में होता है कास्ट वगैरह में, हिंदूज में जो जजेस होते हैं, हालांकि दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, बट ठीक है, हर किसी की कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं, पंच होते हैं ना, जैसे वैसे कि वैसे अगर यहाँ पर भी मुस्लिम जजेस है तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर डिसीजन किसी के विरुद्ध ऐसा कोई डिसीजन निकाला है तो क्या बोला जाता है? उसको फतवा बोला जाता है. ओके, क्लियर है? ओके, यस यस आयुषी जी, आई अंडरस्टैंड. आप नोट्स बनाते हो ना, डू नॉट वरी. देखो ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाला, पीडीएफ को आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो. ओके, यस, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज इन केस इफ यू फाइंड एनी डाउट. रिचा जी, आयुषी जी, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी थिंग दैट आई एम टीचिंग यू ऑन यूट्यूब, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मैंने डील किया है स्पेसिफिकली किसी और प्लेटफॉर्म पे भी, तो यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी. और इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे. मेरी क्लासेस से रिलेटेड जो भी अपडेट है, कोई शॉर्ट नोट्स हो गया, ऐसा कुछ शेयर करना हुआ, तो वो मैं अपने ग्रुप पे करने वाली हूँ, दैट इज शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है, ओके, डेफिनेटली
लक्षिका जी, डेफिनेटली लक्षिका जी, आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हरियाणा में हमें ये चीज जो है वो जरूरी है। देखो हरियाणा जुडिशरी में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों आता है, तो यू कैन डेफिनेटली यू नो स्टडी दीज टॉपिक्स। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे हो सकता है कभी कुछ मैं वन शॉट एमसीक्यूज लेके आ जाऊँ ना, तो एक ही साथ में हम काफी सारे एमसीक्यूज भी डील कर लेंगे। अब लास्ट है दैट इज कस्टमरी सोर्सेस। कस्टमरी सोर्सेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, कस्टम्स, जो मुस्लिम्स में कस्टम्स प्रिवेल हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वॉट, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। यू रिमेंबर जब हमने हिंदू लॉ की बात की थी तो हमने क्या बोला था, सपिंडा रिलेशन एंड प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी नहीं होगी। तो ये हमारे कस्टम्स भी तो हैं, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे कस्टम्स है जैसे पंजाब में, अगर आप कस्टम देखोगे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद चादर ओढ़ाना या ऐसा कुछ, आप मुझे बता सकते हो लक्षिका जी, है ना, जहां पे कुछ केसेस में प्रोहिबिटेड डिग्री में भी शादी होती है। हमने बोला कि एक भाभी की देवर के साथ शादी नहीं हो सकती है अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, बट देयर सर्टेन कस्टम्स इन सर्टेन स्टेट्स या सर्टेन कंट्रीज जहां पे दिस इज अलाउड। तो हमारे कस्टम्स में कुछ चीजें अलाउड है तो कुछ चीजें नहीं भी अलाउड है। तो हमारा कस्टम क्या कहता है, बाप बेटी की शादी नहीं होगी, माँ बेटी की शादी नहीं होगी, वैसे के वैसे उन्हीं कस्टम से क्या चीजें प्रिवेल होके आई है, उन्हीं कस्टम से हमारा लॉ बना है, क्योंकि वो कस्टम्स क्या है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस है, सर्टन है। तो हमारे कस्टम्स के विरुद्ध भी लॉ नहीं है और लॉ भी हमारे कस्टम्स के विरुद्ध नहीं है, कस्टम्स भी क्या है, रीजनेबल है, दैट इज टू से लॉ के अगेंस्ट हमारे कस्टम्स भी नहीं होने चाहिए। तो वैसे के वैसे मुस्लिम लॉ में भी कुछ कस्टम्स हैं, इफ दे हैव अ कस्टम ऑफ हिजाब सो दे हैव इट। अब ऐसे कस्टम्स को रीजनेबली रीजनेबल ग्राउंड पे आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज तो कर सकते हो, बट इट इज कंप्लीटली अप टू द कोर्ट इफ दे फाइंड कि नहीं ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो है रिलीजियस प्रैक्टिस है और हिजाब को पहनना उनके रिलीजियस कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, तो दैट विल बी अलाउड। सो इट इज कंप्लीटली अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट्स, दैट सब कुछ एनालाइज करने के बाद दे माइट यू नो दे माइट डिसाइड सर्टन कस्टम टू बी रीजनेबल एंड सर्टन टू बी अनरीजनेबल। सो व्हाट इज अ कस्टम, कस्टम हैज टू बी कंटिन्यूस, कुछ फीचर्स हैं, सर्टन होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबने समान रूप से कस्टम को फॉलो करना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, दैट इज विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं और ऐसी कस्टम बन गया, ऐसे नहीं होता। वी ऑल नो कि अगर कोई भी कस्टम इवॉल्व हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो उसके पीछे हमेशा से कोई ना कोई रीजन रहा है, कई बार वो रीजन खत्म हो जाता है लेकिन कस्टम चला आता है। तो कस्टम अगर टाइम इमेमोरियल से चलता आ रहा है जिसका आप बैक डेट से ट्रेस नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट था जब ये कस्टम स्टार्ट हुआ है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टाइम इमेमोरियल कस्टम। क्लियर है? ओके 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 अंकिता जी, मैम आपने जो नोट्स बना रखे हैं वो शेयर कर देना जो आप सीएपीसी। ओके अर्जुन जी, देखो आप उसके लिए मुझे ना टेक्स्ट कीजिए, मैं ऐसे ग्रुप पे ऑब्वियसली शेयर नहीं कर पाऊंगी, है ना, तो आप जिन स्टूडेंट्स को ऐसा कोई चार्ट चाहिए कि मैम ने ये वाला जो चार्ट दिखाया था प्लीज शेयर कर दीजिए, मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी, है ना। एंड हाउ टू मेक नोट्स फॉर जुडिशरी पर भी मैं एक आपके लिए छोटा सा अच्छा सा वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो नोट्स बनाना है। क्लियर अलिखेंद्र जी बताइए, अखिलेंद्र जी चलिए आगे चलेंगे, दैट इज स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अब स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ से ज्यादातर आपको क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा पता जरूर होना चाहिए कि सुन्नी लॉ और शिया लॉ की कौन कौन सी स्कूल्स हैं। तो कुछ आपकी एंशियंट स्कूल्स थी, उसके अंदर हमको कुछ फिलहाल ऐसे कुछ नाम नहीं दे रखे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है मॉडर्न स्कूल्स, जिसमें सबसे पहले आती है सुन्नी एंड देन आते हैं शियाज। सुन्नीज और शियाज क्या होते हैं, इसका डिफरेंस हम यहाँ पढ़ने वाले, लेकिन सबसे पहले सुनो सुन्नी में कौन कौन सी स्कूल्स हैं। सुन्नी में है हमारे पास हनफी स्कूल, मलकी स्कूल, शफी स्कूल एंड हनबल स्कूल। सो अगर हम हनबली स्कूल को देखें तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे अब्बू हनीफा। अब देखो आप बोलोगे कि मैम ये स्कूल्स क्या है, स्कूल्स आर नथिंग, दे आर जस्ट आइडियोलॉजीज। अलग अलग फाउंडर्स आए, अलग अलग इमाम्स आए, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कुछ आइडियोलॉजीज को क्या किया था, आइडियोलॉजीज निकाली और वो आइडियोलॉजी स्प्रेड होती गई। तो जिन कम्युनिटीज के बीच में आइडियोलॉजी स्प्रेड हो गई उन्होंने क्या मान लिया, उसको एक पर्टिकुलर स्कूल मान लिया। क्लियर? अगर हम बात करें मलिकी स्कूल की, किसकी बात करें, मलिकी स्कूल की, इनको किसका कहां से मिला था, दिस स्कूल गेट्स इज नेम फ्रॉम मलिक बिन अनास। मलिक बिन अनास, आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली ये स्कूल के फाउंडर्स कौन थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था, इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया सुन्ना और हदीस को, कौन से सोर्सेस को, सुन्ना और हदीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। फिर आती है हमारी शफी स्कूल, इस स्कूल के फाउंडर कौन थे, इनको इनका नाम मिला था मोहम्मद बिन इद्रिस अस शफी, मोहम्मद बिन इद्रिस
अस शफी। देखो हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ सके, है ना, सबका अलग अलग प्रोनाउंस करने का तरीका है, सो आप प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा जज मत करना, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू हनबली स्कूल, हनबली स्कूल को कहां से इनका नाम मिला था, अबू अब्दुल्ला अहमद इबिन हनबल, अ डिसाइपल ऑफ इमाम शफी, वॉज द क्रिएटर ऑफ द स्कूल। तो हमारे जो इमाम शफी थे उनका कौन था, एक डिसाइपल थे, दैट इज अबू अब्दुल्ला अहमद इबिन हनबल। तो इन्होंने क्या किया था, इस स्कूल को फाउंड किया था, क्रिएट किया था, और इसको क्या माना जाता है, बहुत ही रीसेंट स्कूल माना जाता है, और इनके आपको सबसे ज्यादा लीस्ट सबसे ज्यादा कम फॉलोअर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्लियर है। बस कोशिश करना कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके फाउंडर्स के नाम याद रखें, और सुन्नी स्कूल और शिया स्कूल के नीचे कौन कौन सी स्कूल है, दैट्स इट। कोई भी एमसीक्यू आप उठा के देखोगे, कभी आपसे इनके इनके बारे में इनडेप्थ नहीं पूछा गया, ना ही आपको यूजीसी नेट में पूछा जाता है, ठीक है। कस्टमरी कस्टम्स इज कंसिस्टेंट प्रोसेस रूल, ओके, प्रोस रूल्स विच आर फॉलोड बाय पब्लिक, क्लियर। अब देखो शिया स्कूल में कौन कौन सी स्कूल्स थी, शिया स्कूल में सबसे पहले थी इतना अशारिया स्कूल, क्या थी, इतना अशारिया स्कूल। दीज स्कूल्स आर बेस्ड ऑन इतना अशारिया लॉस, द मेजोरिटी ऑफ शियाज, मेजोरिटी ऑफ शिया किसको फॉलो करते हैं, इतना अशारिया स्कूल को फॉलो करते हैं। पीपल हु फॉलो द इतना अशारिया स्कूल बिलीव दैट द लास्ट ऑफ द इमाम्स डिसअपियर्ड एंड टू बी रिटर्निंग टू मसीहा। सो बेसिकली इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो लास्ट इमाम थे वो डिसअपियर हो गए थे व्हाइल ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम मसीहा, रिटर्निंग एज अ मसीहा, ओके। इस्लामिया स्कूल के बारे में अगर बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, इनको दो में डिवाइड किया गया, एक है खोजाज और दूसरा है बोहराज। अब खोजाज कौन है, जो कि वेस्टर्न इस्लामियाज है, वेस्टर्न इस्माइल्स है, नॉट इस्लामियाज, इस्माइल्स है। इस्माइल स्कूल में आपको एक खोजाज मिलेंगे, दूसरे बोहराज मिलेंगे। खोजाज कौन होते हैं, जो कि वेस्टर्न इस्माइल्स हैं, एंड दीज ग्रुप्स प्रेजेंट्स द फॉलोवर्स ऑफ आगा खान, हु दे कंसिडर्ड 49th इस्लाम, 49th इमाम। ये 49th इमाम किसको मानते थे, आगा खान को मानते थे। जैदिया स्कूल की बात करें, सो दे वर द फॉलोवर्स ऑफ जैदी स्कूल, नोन एज द नोन फॉर देयर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। बेसिकली ये क्या थे, ये बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिव थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे, मतलब इनकी एक्टिविटीज को अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्प्रेड थे या पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व थे। द स्कूल इज मोस्ट डोमिनेटिंग अमंग ऑल इन येमन। तो जैदिया स्कूल आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलने वाली है स्टूडेंट्स, ये आपको यमन में मिलने वाली है। अब आए अगर हम बात करें इबादी स्कूल और अहमदिया स्कूल की, जो कि आपके कौन सी टाइप ऑफ स्कूल्स है, अदर स्कूल्स है, दैट इज शिया या सुन्नी लॉ के अंडर नहीं आती है। तो इबादी स्कूल ना तो शिया है ना ही सुन्नी है, ये बेसिकली किसको सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुरान में बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम नो अदर सोर्स ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कुरान। बेसिकली ये किस टाइम पे इवॉल्व हुई थी या किस टाइम की स्कूल है, दिस वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द फोर्थ खलीफा अली, फोर्थ खलीफा अली के टाइम की ये स्कूल है, उस टाइम पे ये प्रिवेल कर रही थी। देखो जब भी कोई स्कूल प्रिवेल करती है, कोई आइडियोलॉजी प्रिवेल करती है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद अगर वहां पर से कोई लीडर क्या होता है, अराइज होता है, और वो पर्सन कोई और नई आइडियोलॉजी निकालता है, तो उनसे पहले वाली स्कूल क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, या उनकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बन जाती है, और कोई नया पर्सन या कोई नया लीडर है उसने कोई न्यू आइडियोलॉजी निकाली तो उसके साथ एक न्यू कम्युनिटी बन जाती है, और वहां से कोई न्यू स्कूल हम कह सकते हैं डिराइव होती है। जैसे हिंदू लॉ में हम पढ़ चुके हैं मिताक्षरा एंड दयाभागा। सो स्कूल्स का मतलब सबने एक पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी को रिलेटेड को लेकर कुछ नई आइडियोलॉजीज फ्रेम कर ली है एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंटरप्रेट करने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग रिलीजन के, नहीं, दे ऑल आर मुस्लिम्स, बट सबकी आइडियोलॉजी अलग है, सबको भगवान की तरफ देखने का नजरिया या भगवान की तरफ कनेक्ट होने का, प्रेयर्स ऑफर्स ब्लेसिंग्स का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्लियर। बात करें अहमदिया स्कूल की, तो ये खुद को एज अ मुस्लिम्स क्लेम तो करते हैं, एज अ मुस्लिम्स क्लेम तो करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे डू नॉट फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद। दे आर सेट टू बी ऑफ ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन, क्या है, ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन के हैं, एंड इनके फाउंडर कौन है, इनके फाउंडर है मिर्जा गुलाम खैदियानी, ठीक है। सो बेसिकली खुद को मुस्लिम तो मानते हैं, ये क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद में ये बिलीव नहीं करते हैं, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज
जम्मू एंड कश्मीर पीसीएस पीओ पेपर, ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली हम धीरे धीरे इन चीजों पर भी आएंगे. पहले थोड़े कॉमन सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को भी हम कवर करेंगे. ठीक है मैम, हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हिंदू मुस्लिम लॉ, बट हाँ, अरे हाँ खुशबू जी, पता है गुजरात वालों के साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था? मैंने बड़ा इनको एक्साइटमेंट से पढ़ाया था कि मुस्लिम लॉ पढ़ो, हिंदू लॉ पढ़ो, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से क्वेश्चन आने थे. अब देखो क्या होता है कि जब माइनर लॉ की क्वांटिटी बढ़ा देते हो तो जाहिर सी बात है ना कि स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करेगा कि वहां से क्वेश्चन आएंगे, जबकि ऐसे बहुत सारे पिटीशन लगाए जा रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट के अगेंस्ट कि जब आप सिलेबस इतना बड़ा देते हो तो वहां से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं. जैसे इस बार हुआ यूपी में, क्या माना जा रहा था कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे माइनर लॉ से. कितने सारे वहां माइनर लॉज थे इस बार, इनफैक्ट इन्होंने ऐड किया जानबूझ के माइनर लॉज. तो जब आप न्यू माइनर लॉज ऐड कर रहे हो तो इंसान क्या सोचेगा कि वो आएगा ही आएगा. आपने वो सब्जेक्ट में डाला क्यों? ताकि हम पढ़े. तो अगर हमसे वो पढ़वाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछो, अगर नहीं पूछना है तो सिलेबस में ऐड ऑन मत करो, और अगर सिलेबस में ऐड ऑन कर रहे तो वहां से क्वेश्चंस डालिए. इसीलिए स्टूडेंट क्या करता है, अपना वहां टाइम इन्वेस्ट करता है, उस चीज को इंपॉर्टेंट समझता है, और कई बार जब स्टूडेंट उसको इंपॉर्टेंट ही नहीं समझता तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब इंपॉर्टेंट समझता है तो आप क्वेश्चन नहीं देते हैं. वैसे के वैसे गुजरात के साथ हुआ था कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, जबकि अच्छी खासी मेहनत करके गए थे. और यूपी पीसीएसजे में तो इस बार बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि मामला डेंजरस था कि माइनर लॉस को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ा, लेकिन माइनर लॉस से कुछ आया ही नहीं. इनफैक्ट नहीं, माइनर लॉस नहीं, स्पेशल माइनर लॉ से कुछ नहीं आया. मेजर लॉ से भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो है सीक्वेंस कुछ अलग हो गया था. इससे अच्छा क्लैट वाले कम से कम सर्टेनिटी तो है कि इंग्लिश से 30 to 38 क्वेश्चन पूछेंगे, लीगल रीजनिंग से इतने पूछेंगे, जीके से इतने पूछेंगे, लेकिन यहाँ कोई सर्टेनिटी नहीं है. इस मामले में फिर भी बोलूंगी कि राजस्थान जुडिशरी ने फिर भी थोड़ा जस्टिफाइड क्वेश्चन पेपर दिया था 2021 में, जहां पे उन्होंने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन अगर ऐड किया तो वहां से क्वेश्चन दिया था, पॉक्सो अगर ऐड किया तो पॉक्सो से क्वेश्चन दिया था ना, जो तीन माइनर लॉज ऐड किए गए थे 2021 में, तो वहां से क्वेश्चन आए थे. तो दो तीन क्वेश्चन दे दो, एटलीस्ट स्टूडेंट क्या करेंगे कि अटेम्प्ट तो कर पाएंगे, है ना? क्लियर है? ओके चलो, राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ज्योति जी, कोई बात नहीं. लेकिन देखो, भली आए हो नहीं आए हो, आपको सब कुछ पढ़ के जाना, बिकॉज वी नो दीज डेज एग्जाम्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. अरे एग्जाम छोड़ो, रिजल्ट कितना अनप्रिडिक्टेबल था इस बार गुजरात का. कहां आपके 300 पार सीट्स थे, कितने सिलेक्शन हुए एट द एंड, वी ऑल नो. सो रिजल्ट भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है स्टूडेंट्स. इसलिए कभी भी इतना परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज. कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, सो हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. बस एक चीज जो लाइफ में कभी नहीं छोड़ना, दैट इज नेवर लीव यू नो योर स्किल्स. अपनी स्किल्स को इग्नोर मत करो, उन पे वर्क करते रहो, बिकॉज एट द एंड अगर कोई भी जॉब देने से पहले आप में कुछ देखेगा, तो आजकल डिग्रीज नहीं स्किल्स ज्यादा देखी जाती है. ओके, सो कीप ब्रशिंग अप योर स्किल्स. चलो मीनिंग में चलेंगे, सुन्नी मुस्लिम्स कौन होते हैं और शिया मुस्लिम्स कौन होते हैं, मेजर अच्छे से डिफरेंस समझेंगे. सबसे पहले पॉइंट नंबर टू को पढ़ेंगे. देखो सुन्नीज वो होते हैं जो बेसिकली किसके फॉलोअर्स हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स हैं. दे फॉलोअर द प्रॉफिट्स क्लोजेस्ट कंपेनियन. प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोजेस्ट कंपेनियन कौन थे? अबू बकर थे. बिकेम नोन एज सुन्नी, द फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. प्रॉफिट्स एग्जाम्पल इज सुन्ना. सुन्नीज फोकस ऑन द फॉलोइंग सुन्नीस फोकस ऑन फॉलोइंग दी प्रॉफिट्स एग्जाम्पल. सुन्नीस का क्या मानना था? सुन्नीस का मानना था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला है हम उसमें बिलीव करते हैं. वो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के एक्ट्स हो गए, उनकी बोली हुई चीज, दैट इज सुन्ना में बिलीव करते थे. सो अगर प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ बोला है, उनके एक्ट है, उनके कंडक्ट है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वो सुन्ना होता है. सो सुन्नीस वर दी फॉलोअर्स ऑफ द सुन्ना. सुन्ना इज व्हाट? सुन्ना इज द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. सो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद में वो बिलीव करते थे, और प्रॉफिट मोहम्मद के जो क्लोजेस्ट कंपेनियन थे अबू बकर, ही केम टू बी नोन एज अ फेमस सुन्नी, और उसमें भी बिलीव किया जाता था. अब शियास की अगर बात करेंगे, दोज हु फॉलोड द प्रॉफिट्स कजन एंड सन इन लॉ, दैट इज अली, केम बिकेम टू बी नोन एज शिया. ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव नहीं करते थे. बिलीव तो ये भी प्रॉफिट मोहम्मद में करते थे, लेकिन बेसिकली ये फॉलो किसको करते थे? ये फॉलो करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के कजन एंड सन इन लॉ, दैट इज अली को फॉलो करते थे. जबकि सुन्नीस किसको फॉलो करते थे स्टूडेंट्स? अबू बकर. अब चाहे अबू बकर की बात करें या फिर हम अली की बात करें, दोनों ही प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते थे. सही बोल रही हूँ? यस और नो बताओ, बराबर है?
सो ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद ने बिलीव नहीं करते थे, शियाज यूज टू ऑल्सो बिलीव इन प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन फॉलोअर किसके थे? वो फॉलोअर थे प्रॉफिट मोहम्मद कजन एंड सन इन लॉ अली, हु केम टू बी नोन एज शिया. द फॉलोअर्स ऑफ द पार्टी ऑफ अली आर नोन टू बी एज शियातु अली. इनको बोला जाता है शियातुस अली, को क्या बोला जाता है? शिया बोला जाता है. शियास फोकस ऑन द लीनेज ऑफ मोहम्मद फैमिली थ्रू अ सिस्टर सीरीज ऑफ इमाम, थ्रू अ सीरीज ऑफ इमाम. सो बेसिकली शियास किस पे फोकस करते थे? मोहम्मद के जो लीनियस थे, दैट इज जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनमें फॉलो करते थे. मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद की जो फैमिली डिसेंडेंट्स आप कह सकते हो, उनमें बिलीव करते थे थ्रू द सीरीज ऑफ इमाम. तो मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो भी इमाम्स है, बेसिकली वो उनमें फॉलो करते थे, उनमें बिलीव करते थे, एंड दैट इज सेड टू बी एज शिया. क्लियर है? ओके चलो अब मीनिंग समझते हैं. मीनिंग में बोला सुन्नी इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेज अल सुन्ना. अल सुन्ना मीन्स द पीपल ऑफ ट्रेडिशन, पीपल ऑफ ट्रेडिशन. ट्रेडिशन वर्ड क्यों बोला गया? बिकॉज सुन्ना, सुन्ना का मतलब क्या? जो सुना, जो देखा, हम उसमें बिलीव करते हैं. हियर ट्रेडिशंस रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद सेड, व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद डिड, एग्रीड एंड कंडेम्ड. जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला, जो उन्होंने किया, दैट इज टू से एक्ट, जिस चीज को एग्री किया, मतलब जिस चीज को वैलिडेशन दिया, और जिस चीज को कंडेम किया, अप्रिशिएट किया, या किसी चीज को क्रिटिसाइज किया, उसी में सुन्नी कम्युनिटी जो है वो बिलीव करती थी. ओके अब शियाज को देखो क्या बोला गया है. शियाज भी प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते थे. शिया वर्ड केम फ्रॉम द मूवमेंट शियात अली, मीन्स द पार्टी ऑफ अली. सो बेसिकली शिया किस में बिलीव करते थे? अली. अली कौन थे? ही वॉज दी कजन एंड दी सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. शिया मुस्लिम बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद कजन एंड सन इन लॉ अली वॉज द राइटफुल सक्सेसर ऑफ मोहम्मद एज द लीडर ऑफ इस्लाम. सो बेसिकली सुन्नीस अबू बकर में मानते थे, जो कि किसके फॉलोअर थे? जो कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स थे. लेकिन शियाज के अकॉर्डिंग अली वॉज द राइटफुल सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. सो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखोगे, सो कैन आई से डिफरेंस लीडरशिप ग्राउंड्स पे है कि भाई अबू बकर शुड बी द परफेक्ट लीडर ऑफ द परफेक्ट यू नो फॉलोअर और द राइटफुल सक्सेसर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, जबकि शियास के अकॉर्डिंग इट हैज टू बी अली. ओके क्लियर है? यस दे आर द फाइट्स फॉर सक्सेसर. बराबर है? चलिए मोहन जी, मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट करवाया है. अभी इंडियन एविडेंस एक्ट को फाउंडेशन बैच में भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. इंडियन एविडेंस एक्ट को वन शॉट में स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि चैनल पे हमारे साथ थोड़े और स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, है ना, तो कि सेशन लेने में भी मजा आएगा. अब सुनो, इंडियन एविडेंस एक्ट के मैंने 3 कैप्सूल्स करा दिए हैं, चौथा कैप्सूल बचा हुआ है. वो ड्यू टू सम रीजंस फाइल करप्ट हो गई थी, तो हम उसको अपलोड नहीं कर पाए. आई विल रिकॉर्ड इट एज सून एज आई गेट सम टाइम. ठीक है, तो मैं हो सकता है कि अगले कुछ टाइम में इंडियन एविडेंस एक्ट का 4th कैप्सूल अपलोड करवा दूं. 3 कैप्सूल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा. जरूर देख लेना सारे स्टूडेंट्स. ओके ज्योति जी, हजरत अली, ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट बताओ मुझे इसका, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो. स्कूल्स की बात करें तो सुन्नी इस्लाम किसने में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स? 4 में डिवाइडेड है. अभी हम पढ़ के आए हनफी, मलिकी, शफी और हनबली. स्कूल्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना. अगर हम शियास की बात करें तो बेसिकली दीज आर सेपरेटेड इन टू मेजर सेक्ट्स नेम एज ट्वेल्वर्स, इस्लामियाज, इस्माइल्स एंड जैदियाज. ठीक है, अगर इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी है स्टूडेंट्स? सुन्नीज की है अक्रॉस द वर्ल्ड. शियाज बहुत कम है, इट इज ओनली 15-20% इन द होल वर्ल्ड. मैरिज की बात करें स्टूडेंट्स तो ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट करूंगी इस पॉइंट को, दैट इज मैरिज. सुन्नीज में विटनेसेस की जरूरत है, शियाज में विटनेसेस की जरूरत ही नहीं है. व्हेन इट कम्स टू सुन्नी लॉ तो डायवोर्स के वक्त विटनेस की जरूरत नहीं है, लेकिन शियाज में उल्टा है, शियाज में डायवोर्स के वक्त विटनेस की जरूरत है. डायवोर्स का मोड क्या होता है सुन्नी में? रिटन या ओरल भी हो सकता है, लेकिन शिया में इट हैज टू बी ऑलवेज ओरल. ठीक है, इट हैज टू बी ऑलवेज ओरल. चले आगे. चलो, सबको सुन्नी मुस्लिम्स और शिया मुस्लिम्स का मतलब समझ आ गया? अगर मतलब समझ आ गया है तो आगे हम चलेंगे जहां अब हम पढ़ने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज. एक चीज स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम मैरिज को क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है. क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्ट. दैट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ सैक्रमेंट लाइक अ हिंदू लॉ. इसको सैक्रमेंट नहीं माना गया है. क्यों सैक्रमेंट नहीं माना गया स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एसेंशियल्स आपको देखने को मिलेंगे. इनफैक्ट मुस्लिम लॉ में जब शादी भी होती है तो आपने देखा है कि सबसे पहले क्या पूछा जाता है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये तो चलो बाद की स्टेज है, लेकिन हम लोग मूवीज में देख रहे हैं, सीरियल्स में देख रहे हैं ना. और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, मुझे क्योंकि
अब देखो अगर कोई मुस्लिम रिलीजन का है तो उसको इस चीज की ज्यादा जानकारी होगी, बट मुझे उतनी ही जानकारी है जितना कि मैंने ये लॉ पढ़ा है या समझा है या बुक्स में पढ़ा है, बराबर। उस ग्राउंड्स पे मैं आपको इंटरप्रेट करके या मूवीज में जो देखा है या फिर हमने जो अगर कुछ शादियों को अटेंड किया है, अगर कोई मुस्लिम फ्रेंड है उसकी शादी को अटेंड किया, तो वहां से देख के जो बेसिक सबसे जो इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज लगती है, तो वे दे आस्क क्या आपको ये निकाह कबूल है, और सामने से आता है कबूल है कबूल है कबूल है, बराबर। तो दैट इज द मेजर एसेंस जहां माना जाता है कि अब यहाँ पे क्या हो गई, इनकी शादी कंक्लूसिव हो चुकी है, इनकी शादी डन हो चुकी है। तो अब ये सारे ग्राउंड्स हमको देखने हैं कि क्यों एक मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बोला गया, एंड कैन इन द एंड वी कंक्लूड, कैन वी कंक्लूड दैट यस मुस्लिम लॉ इज या मुस्लिम मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, यस अखिलेंद्र जी, इसका जो पीडीएफ है। हाँ अर्जुन जी, अर्जुन जी सुनो सुनो, ये जो बात कह रहे हो ना आप कि मैम इतना डेप्थ में नहीं, वो रैपिड रिवीजन है, वो नीति बैच में रैपिड रिवीजन कराया था। जो आप इन डेप्थ की बात कर रहे हो ना, जैसे सीआरपीसी खत्म होगा, मैं इंडियन एविडेंस एक्ट स्टार्ट करने वाली, सो अराउंड 10th of May में आपका सीआरपीसी खत्म हो जाएगा। 1 महीने अभी और सीआरपीसी चलेगा, अराउंड 50 लेक्चर्स है, 50 लेक्चर्स मतलब पूरा सीआरपीसी करवा रहे हैं यहाँ पे, टोटली फ्री है। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, हो सकता था मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की भी क्लासेस भेज देती साथ साथ में, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट, जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ोगे तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो पहले तीन मेजर लॉस पढ़ो, सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी। जब ये फिनिश हो जाएगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, टीपी, ये सब भी शुरू होगा। तो जो आपका ओरिएंटेशन लेक्चर है, दैट इज आपके फाउंडेशन बैच के जो ओरिएंटेशन लेक्चर में जो जो सब्जेक्ट्स को बोला गया, वो डेफिनेटली फाउंडेशन बैच में आपको इन डेप्थ कराए जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको सही बताऊं तो फाउंडेशन बैच से और भी ज्यादा इन डेप्थ को कराया जा सकता है, और भी ज्यादा इन डेप्थ कराया जा सकता है। अब उसको कब कराना है, दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय द टीम। अब सुनो फटाफट, और इस सेशन की पीडीएफ अखिलेंद्र जी कहां से लोगे, लॉ वाला टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हो सकता है या तो रात तक मिल जाए, नहीं तो फिर कल सुबह में मिल जाएगी। सुनो सबसे पहले इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक ऑफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ऑफर होना जरूरी है, और ऑफर होने के बाद, ऑफर होने के बाद यहाँ पे क्या स्टूडेंट जरूरी है, एक्सेप्टेंस। ऑफर को क्या बोला गया है, इजाब होना जरूरी है। जब सामने वाली पार्टी इजाब करेगी तभी तो दूसरी पार्टी उसको कबूल करेगी, दैट इज एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है, पहले एक ऑफर होना चाहिए, जब सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन ऐड हो जाता है क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और इसी एग्रीमेंट को जब लीगली एनफोर्सेबल करवा सकते हैं या लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिल जाती है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट कमिंग इज दैट प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अब हम ऑलरेडी बोल चुके हैं प्रेजेंस ऑफ विटनेस हमें दो पॉइंट से देखना है, एक देखना है सुन्नीज के अकॉर्डिंग, एक देखना है शियास के अकॉर्डिंग। तो सुन्नीज में क्या होना चाहिए, विटनेसेस वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन अच्छे से देखना, शियाज में विटनेसेस की जरूरत नहीं है। देयर मस्ट बी, सुन्नी लॉ में लिख रही हूं, देयर मस्ट बी टू मेल एंड वन फीमेल विटनेस। क्या होने चाहिए, टू मेल प्लस वन फीमेल विटनेस होने चाहिए सुन्नीज में, एंड एन एन अडल्ट मोहम्मद प्रेजेंट, मोहम्मदन प्रेजेंट एंड हियरिंग ड्यूरिंग द मैरिज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर है ये चीज, ये अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पे दो मेल और एक फीमेल होने की जरूरत है। There must be two males or one male and two female. एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने इसको उल्टा लिख दिया ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन की तरफ दिमाग जाता है तो गलती हो जाती है। सुनो अच्छे से, यहाँ पे बोला गया है या तो टू मेल्स हो सकते हैं, अगर दो मेल है तो डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर एक मेल है, सिर्फ एक पुरुष विटनेस है, तो वहां पे साथ में दो फीमेल विटनेसेस की जरूरत है। क्या है, वन मेल एंड टू फीमेल विटनेसेस हो सकते हैं या फिर टू मेल्स हो सकते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या हो गया ऋचा जी बताओ? मैम मेरे दिमाग में हॉचपॉच हो गया है, सीपीसी भी एंड सीआरपीसी भी, आईपीसी भी, तीन सब्जेक्ट एक साथ। देखो ऋचा जी, जब एक बार पढ़ के हम छोड़ देते हैं ना तो होता है हॉचपॉच। पहले पढ़ो, पहले एक काम करो, क्योंकि आपके पास टाइम टेबल नहीं था, पहले एक काम करो, टीचर जो पढ़ा रहा उसको पढ़ो, सिर्फ एकदम पढ़ो अच्छे से, ठीक है, फिर अपना डायरेक्ट वापस पढ़ो, और जो पीडीएफ है टीचर की उससे मैच करते जाओ, उससे क्या करते जाओ, मैच करते जाओ, फिर अपने नोट्स बनाओ, और जिस तरीके से टीचर ने लिख रखा है उसी तरीके से नहीं, अगर टीचर ने पैराग्राफ में लिखा मत लिखो पैराग्राफ में, आप अपने तरीके से नोट्स बनाओ, सबका अलग अलग तरीका। हो सकता है आप इस मुस्लिम लॉ से चार्ट बनाना सीखोगे, कहीं से कुछ सीखोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से नोट्स इकट्ठे कीजिए, बेशक सबको पढ़ के फिर एक फाइनल एग्जॉस्टिव अपना नोट्स बनाइए, जिसको मैं कोड बोलूंगी। जैसे सीआरपीसी क्या है, कोड है ना,
आपका आईपीसी क्या है, कोड है, सीपीसी क्या है, कोड है, तो व्हाट आर दीज, अलग अलग लॉस को हमने कलेक्ट करके एक कोड बनाया है जो कि समान रूप से पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है. वैसे ही आपको अपने नोट्स का एक कोड बनाना पड़ेगा, ठीक है. मुझसे भी पूछोगे तो मैं ज्यादा रेफरेंस बुक्स अप्लाई नहीं करती. हाँ, जब बनाया था मुस्लिम लॉ के नोट्स, आपको एक पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है. तो बहुत अलग 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 सोर्सेस से बनाया और अपना फाइनल नोट्स बना के रख दिया. अब आई डू नॉट सी एनी अदर नोट्स अंटिल एंड अनलेस कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं या कोई लैंडमार्क जजमेंट आ गया, तो आई सी. बाकी आपको ज्यादा सोर्सेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. देख सारे लो अपने, जब नोट्स बना रहे हो खुद के, तो सबको रखो टेबल पे और फाइनल अपना एक नोट्स बनाओ, वही काम आएगा. और किसी के कई बार होता ना, अरे उसके मेरे उसके नोट्स एडवांस्ड है, मेरे कम एडवांस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सबका अपना अपना तरीका है चीजों को देखने का. क्लियर है? ओके. अरे फ्रॉम ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलो अब आगे सुनो, मतलब क्लैट से देख रहे हो मुझे, है? चलो ठीक है. नेक्स्ट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज. अब देखो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें बता रखा है सेक्शन नंबर 10 में कि पार्टीज केपेबल होनी चाहिए. सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 में हम पढ़ रहे हैं कि भाई माइनर कौन है, मेजर कौन है, साउंड माइंड पर्सन कौन है, डिस्क्वालिफाइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टी नहीं बन सकता है. तो वैसे के वैसे यहाँ पे बोला है पार्टीज केपेबल होनी चाहिए, मतलब कि पार्टीज क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉम्पिटेंट होनी चाहिए. इन्होंने कॉम्पिटिसी के मामले में बोला है कि दे मस्ट बी मेजर एंड दे मस्ट बी साउंड माइंड, दैट इज इट. मेजर होने चाहिए एंड साउंड माइंड होने चाहिए मुस्लिम मैरिज के लिए. ऐसा नहीं है कि एक माइनर की शादी नहीं करवाई जा सकती मुस्लिम्स में, करवाई तो जा सकती है, लेकिन फिर वहां पे कंसेंट कौन देते हैं, उनके गार्डियन देते हैं. एंड दिस इज कंप्लीटली अप टू द पार्टीज कि जब वो प्यूबर्टी की एज पे रीच हो, है ना, कैरोल बुलक जब वो प्यूबर्टी की एज पे आए, एट द ऑप्शन ऑफ द प्यूबर्टी, ये पार्टीज के ऊपर है कि वो उस मैरिज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं. कंसेंट कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, फ्री होनी चाहिए, मतलब यहाँ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए या कोर्जन नहीं होना चाहिए. ठीक वैसे ही जैसे हम किस में पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं. कोई भी लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. लीगल डिसेबिलिटी का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं होना चाहिए. लीगल डिसेबिलिटी का पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है कि अगर ये पॉइंट है आपके लीगल डिसेबिलिटी में तो क्या कोई पर्सन शादी कर सकता है. आंसर इज नो, ऐसा नहीं किया जा सकता है. ठीक है, क्लियर है? ओके बिल्कुल बिल्कुल रामजी शुक्ला. मैं ना हिंदी को भी और इंक्लूड करूंगी. मैं समझ पा रही हूँ कि मैम आप लैंग्वेज तो हिंदी यूज कर रहे हो, लेकिन टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी थोड़ी हिंदी के जरूर लेके आए, तो वक्त के साथ साथ मैं थोड़ा वो भी इंक्लूड करूंगी, है ना. क्लियर? अब सुनो, नो लीगल डिसेबिलिटी में सबसे पहले बोला है कि दो व्यक्तियों के बीच शादी प्रोहिबिशन में नहीं होनी चाहिए. जिस तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा रखा है कुछ पर्टिकुलर रिलेशन में. तो पहले यहां बोला प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में कभी भी शादी नहीं होगी. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स, 1, 2 एंड 3. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब दो पार्टीज कॉन्सैंगुइनिटी से रिलेट नहीं होनी चाहिए, उनके बीच एफिनिटी से रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए या फॉस्टरेज नहीं होना चाहिए. कॉन्सैंगुइनिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब कोई रिलेशन मैरिज से अराइज होता है. एफिनिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब ये रिलेशनशिप किससे अराइज होता है, ये रिलेशनशिप अराइज होता है ड्यू टू ब्लड. एम आई राइट, यस और नो? ड्यू टू ब्लड अराइज होता है. नेक्स्ट बोला है फॉस्टरेज से अगर कोई रिलेशनशिप अराइज हो रहा है तो वहां पे शादी नहीं होगी. तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब कॉन्सैंग्विनिटी, मैरिज से कोई रिलेशन उत्पन्न हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड ने एक वाइफ से शादी की, तो उस वाइफ से शादी करने की वजह से जो वाइफ की बहन है वो साली बन गई, वाइफ का जो भाई है वो क्या बन गए, साले साहब बन गए, मतलब यहाँ पे ब्रदर इन लॉ बन चुके, और उसकी सिस्टर क्या बन चुकी है, सिस्टर इन लॉ बन चुकी है. तो सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ से रिलेशनशिप किस वजह से अराइज हुआ स्टूडेंट्स, मैरिज से अराइज हुआ. तो कहने का मतलब है यहाँ पे सिस्टर इन लॉ से शादी नहीं कर सकते. वाइफ से शादी करने पर वाइफ की मदर क्या बन गई, मदर इन लॉ बन चुकी है, तो उससे आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एक शादी की वजह से किसी पर्सन से रिश्ता जगा है ना, रिश्ता बना है, तो उससे शादी नहीं की जा सकती. एफिनिटी का यहां पे है मैरिज इज, मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी फीमेल ड्यू टू रिलेशनशिप नियरनेस ऑफ द रिलेशनशिप. एक मिनट स्टूडेंट्स, मैंने उल्टा लिखा है ना,
क्या लिखा है यहां पे, उल्टा लिखा है। एक मिनट स्टूडेंट्स, ओके देखो आपको ना एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, क्या है ना आपको एग्जाम्पल डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से रिलेशंस जो है आपके यहाँ पे अराइज होते हैं आपको। हालांकि ये लिस्ट तो याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप लीगल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, कौन सा रिलेशनशिप लीगल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, ओके, यस यस यस, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिखा है ना, देखो सुनो अच्छे से। यस, कॉन्सैंग्विनिटी मीन्स व्हाट, कॉन्सैंग्विनिटी मीन्स ब्लड हो गया, एंड एफिनिटी मीन्स मैरिज की वजह से रिलेशनशिप अराइज हो रहा है। ब्लड से कौन कौन से रिश्ते होंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गलत है। ए बी सी, ये मैंने थोड़ा ट्रिक बनाया था, ए बी सी, तो बी फॉर ब्लड होता है तो वो ए के पास होता है तो उस वजह से, लेकिन थोड़ा उल्टा था, बी फॉर ब्लड होता है लेकिन वो सी के पास है तो बी और सी का रिश्ता है, दैट इज कॉन्सैंग्विनिटी मीन्स ब्लड से कोई रिलेशनशिप है। ब्लड से कौन कौन हो सकता है स्टूडेंट्स, मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, तो इन सबसे किससे कैसे रिश्ता है, खून से रिश्ता है, किसी विमेन से किसी का खून का रिश्ता है, उससे शादी नहीं हो सकती। एफिनिटी मीन्स मैरिज की वजह से रिलेशनशिप अराइज हुआ है, जैसे मैंने बोला कि वाइफ की सिस्टर के साथ शादी नहीं हो सकती, अगर कोई हस्बैंड है उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ की बहन के साथ किसी पर्सन की शादी नहीं होने वाली है। फॉस्टरेज है, फॉस्टरेज मतलब मिल्क से अगर कोई रिलेशनशिप अराइज हो रहा है, माना जाता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको किसी और लेडी ने दूध पिला दिया है तो माना जाता है कि वो भी उसकी क्या होगी, मदर होगी। तो अगर किसी विमेन ने किसी चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड किया है तो ऐसा माना जाएगा कि वो भी उसकी मदर है, उसको क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, उसको फॉस्टर मदर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, फॉस्टर मदर बोला जाएगा। क्लियर है रिचा जी, खुशबू जी, किसी को कोई डाउट कॉन्सैंग्विनिटी और एफिनिटी में, कॉन्सैंग्विनिटी और एफिनिटी में किसी को कोई डाउट, बराबर। अब देखो अगर फॉस्टर मदर की कोई डॉटर है और उस फॉस्टर मदर ने किसी और के सन को दूध पिला दिया तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो भाई बहन हो जाएंगे, उन लोगों के बीच कभी शादी नहीं होने वाली है। नाउ देयर आर सर्टन रिलेटिव्स, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनमें शादी को क्या कर रखा है, प्रतिबंध कर रखा है, मतलब कि यहां पर कौन कौन से रिलेशंस में शादी नहीं होगी। पहले अनलॉफुल कंजंक्शंस, अनलॉफुल कंजंक्शंस का मतलब ये है कि अगर आपका किसी पर्सन से रिलेशनशिप अराइज हो रहा है ड्यू टू एफिनिटी, कॉन्सैंग्विनिटी या फॉस्टर एज, मतलब कि यहाँ पे अगर वाइफ की सिस्टर है तो उससे शादी नहीं होगी, खुद की सिस्टर है उससे शादी नहीं होगी। मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ नॉट अलाउड, नो विटनेस, अगर बिना विटनेस के शादी की, किसमें, सुन्नी लॉ में, तो मैरिज क्या होने वाली है, या सुन्नी मुस्लिम्स में मैरिज आपकी बिल्कुल ही नल एंड वॉइड होगी, वहां पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो विदाउट विटनेस शादी करने से क्या हमारी शादी बटल मैरिज कहलाएगी या फसद मैरिज कहलाएगी, ये हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैरिजेस, दैट इज टू से इररेगुलर मैरिज होगी या वॉइड मैरिज होगी। क्लियर है, पॉलीएंड्री पे आती हूं मैं, ओके। नेक्स्ट इज मैरिज ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, अब इद्दत पीरियड क्या होता है कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स मेंशन कराएंगे, दिस अ वेरी बेसिक थिंग जो शायद हम मुस्लिम लॉ पढ़ते ही सबसे पहले या फिर सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी पढ़ते हुए भी हमारे दिमाग में आते हैं, व्हाट इज द इद्दत पीरियड। यहाँ पे विमेन इद्दत पीरियड एब्जॉर्ब नहीं ऑब्जर्व करती है, और क्यों करती है ये कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स बताएंगे। अब बात रहा हमारा डिफरेंट रिलीजन, कोई भी मुस्लिम को अगर मुस्लिम लॉ में शादी करनी है तो जरूरी है कि दोनों पार्टीज क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, आती हूँ रिचा जी, दोनों दोनों पार्टीज क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, दोनों पार्टीज यहाँ पे मुस्लिम्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, मुस्लिम्स होने चाहिए। अगर एक पार्टी हिंदू है तो क्या मुस्लिम मैरिज में शादी हो सकती है क्या मुस्लिम लॉ में, आंसर इज नो, उनको कहाँ जाना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा स्पेशल मैरिज एक्ट में। कमिंग टू पॉलिएंड्री, पॉलिएंड्री मींस दैट अ वाइफ हैविंग हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा अगर किसी विमेन का हस्बैंड है तो इट इज सेट टू बी पॉलिएंड्री, जो कि मुस्लिम लॉ में अलाउड नहीं है। मुस्लिम लॉ में अ वुमेन कैन हैव ओनली एंड ओनली वन हस्बैंड, बट अ मुस्लिम पर्सन कैन मैरी फोर टाइम्स एट अ टाइम, बराबर है, यस और नो, मुस्लिम हस्बैंड इज अलाउड टू मैरी फोर टाइम्स, ओके ओके, यस, वेरी गुड आयुष जी।
दिस टाइम पीरियड, दिस इद टाइम पीरियड इज सेट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दी और ड्यूरिंग द डाइवोर्स पीरियड और आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व वेदर द विमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट. क्लियर है? ओके. प्योरिटी का टाइम पीरियड एक तरीके का ये डिटरमाइन करते हैं वेदर द विमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट एंड इफ शी इज देन हु इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड. ओके, ये मैं आऊंगी इस टाइम पीरियड पे. सबको क्लियर पॉलियंड्री का मतलब? ओके चलो, अब चलेंगे हम इद्दत पीरियड. इद्दत पीरियड से कई बार सवाल आया है, नेट में भी सवाल आया है और जुडिशरी में भी पीवाईक्यूज में देखने को मिला है. इद्दत पीरियड तीन टाइप्स में आपको देखना और तीनों टाइम में अलग अलग इद्दत पीरियड दे रखा है, अलग अलग इद्दत पीरियड दे रखा है. पहला बोला है कि अगर मैरिज को टर्मिनेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स ड्यू टू दी, वेरी गुड खुशबू जी, ड्यू टू दी डाइवोर्स. अगर डाइवोर्स की वजह से मैरिज खत्म हो रही है तो जब डाइवोर्स के लिए अगर ऐसा कोई हस्बैंड बोल रहा है तो वो डाइवोर्स कंक्लूड हो उससे पहले 3 लूनर मंथ्स के लिए वो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी. नाउ व्हाट इज मेंट बाय 3 लूनर मंथ्स स्टूडेंट्स? इट मींस 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज. द वुमेन हैव टू अंडरगो 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज टू मेक श्योर दैट शी इज नॉट प्रेग्नेंट. ओके क्लियर है? ओके अखिलेंद्र जी, सब में अलग अलग मामला है, सब में अलग अलग है. 45 डेज कहां से बता रहे हो मुझे, थोड़ा सा बताओ, सोर्स बताओ. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज विडो. विडो का मतलब क्या है कि हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हो गई है. स्टूडेंट्स क्या हुआ, हस्बैंड की अगर डेथ हो गई तो हस्बैंड की डेथ के बाद भी विमेन को क्या करना है, एक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना है. एंड वो इद्दत पीरियड कितने टाइम के लिए होगा अखिलेंद्र जी? दैट विल बी 4 मंथ्स एंड 10 डेज. 4 मंथ्स एंड 10 डेज लिख के ले लेना. डाइवोर्स का मामला है 3 लूनर मंथ्स, विडो का मामला है 4 मंथ्स एंड 10 डेज. एंड इफ विमेन इज प्रेग्नेंट, अगर विमेन प्रेग्नेंट है तो उसको इद्दत पीरियड कब तक ऑब्जर्व करना है, चाहे हस्बैंड की डेथ हो या फिर डाइवोर्स हो, शी हैज टू ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड टिल द डिलीवरी. मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, इस टाइम पीरियड को क्या माना जाएगा, इद्दत पीरियड माना जाएगा, ताकि ये पता चले कि द लास्ट पर्सन विद हुम शी कंज्यूमेटेड वॉज द हस्बैंड एंड उसी से उसको वो बेबी बॉर्न हुआ. दैट इज टू से द चाइल्ड बॉर्न इज द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हर हस्बैंड. क्लियर है? बराबर. ओके, किसी को कोई भी डाउट पीरियड ऑफ इद्दत में? अब हमने बोला कि कभी भी इद्दत पीरियड में स्टूडेंट्स देखो शादी नहीं होगी. हालांकि हमने यहाँ पे नो लीगल डिसेबिलिटी में कुछ ग्राउंड्स पढ़े हैं, कुछ ग्राउंड्स हम पढ़ेंगे इररेगुलर एज वेल एज वॉइड मैरिज में, जो आपको अच्छे से याद रखने. जैसे मुझे कई बार कंफ्यूजन हो जाता था और कई बार वॉइड मैरिज और इररेगुलर मैरिज में हमने गड़बड़ी की है, तो अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स में मैरिज इररेगुलर होती है, कौन कौन से ग्राउंड्स में मैरिज वॉइड होती है. उसमें से एक ग्राउंड है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, क्योंकि उस टाइम पीरियड को विमेन ऑब्जर्व कर रही है. एंड वाइल ऑब्जर्विंग दिस पीरियड एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस पीरियड, इफ विमेन इज सेट टू बी नॉट प्रेग्नेंट, तो माना जाएगा दैट द टाइम पीरियड वाज अ प्योर टाइम पीरियड. ठीक है, मतलब शी इज नॉट हैविंग एनी प्रेगनेंसी फ्रॉम एनी अदर पर्सन और फ्रॉम हर हस्बैंड. बराबर है ये चीज? अब देखो, अगर सुन्नी लॉ में आपने शादी की ड्यूरिंग इद्दत पीरियड, विमेन वॉज ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड, बट सुन्नी लॉ में अगर शादी हो गई, दैट सुन्नी मुस्लिम्स में अगर इद्दत पीरियड के दौरान शादी हो गई है, मैरिज को स्टूडेंट्स इररेगुलर माना जाएगा, बट इट विल नॉट बी वॉइड. वॉइड नहीं होने वाली है, कंप्लीट कैंसिल नहीं होने वाली है, नो इफेक्ट नहीं होने वाली है, बट डेफिनेटली इररेगुलर होगी. मतलब कुछ राइट्स वहां रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. ओके क्लियर. अगर बात करें हम शिया लॉ की, दैट इज शियाज मुस्लिम्स की, तो वहां पे इद्दत पीरियड में शादी करने पे मैरिज वॉइड हो जाती है. ये चार्ट अच्छे से याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है. क्लियर है? कुछ फैक्चुअल चीजें, अब देखो यहाँ पे हम अपना कंसेप्ट नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे हमें कुछ फैक्चुअल चीजें जो जाननी है. क्लियर? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिजेस. मुस्लिम में 3 तरीके की मेजर शादियां होती है, या जो शादी हुई है उसमें किस हद तक कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉलो किया गया है, उसके बेसिस पे 3 मेजर टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर. बट एक मैरिज है जो कि मैरिज नहीं होकर भी एक मैरिज का आप कह सकते हो उसको दर्जा दिया गया है, बट दैट इज ओनली टू फुलफिल सर्टन सेक्सुअल डिजायर्स. सो बेसिकली अगर हम देखें तो मुस्लिम मैरिज कितने टाइप्स की है स्टूडेंट्स? दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. अभी कोई कंफ्यूजन है अखिलेंद्र जी? बताइए. डेफिनेटली आयुष जी, डेफिनेटली है ना. अभी देखो मैं थोड़ा आराम से चल सकती हूँ तब तक जब तक क्लैट की क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती हैं. द मोमेंट क्लैट क्लासेस बिगन्स, तो फिर देखो आप यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्लॉट रहने वाला होगा, क्योंकि हर टीचर कोई ना कोई यहाँ पे आके क्लास लेना पड़ेगा, है ना. तो मुझे भी स्लॉट खाली करना पड़ेगा, तो
तो आई एम एंजॉइंग राइट नाउ टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन द चैनल बिकॉज आई एम ओनली टेकिंग द लाइव क्लासेस, है ना. बाकी सारी क्लासेस क्या आ रही है, रिकॉर्डेड आ रही है. एंड आई लव टेकिंग लाइव क्लासेस क्योंकि आप स्टूडेंट से क्या हो जाता है, आप स्टूडेंट से, कोई बात नहीं आयुष जी ये लीजिए, ताकि आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट हो जाए, इंटरेक्शन हो जाता है, वरना रिकॉर्डेड में इंटरेक्शन नहीं होता. आप स्टूडेंट्स की डाउट नहीं समझ आ पाते, जैसे अभी आयुष जी ने बोला मैम थोड़ा सा स्लो जाइए, तो आई गॉट टू नो कि कुछ स्टूडेंट का पेस फास्ट होता है, कोई जल्दी पकड़ लेता है, कोई धीरे पकड़ रहा है, किसी के लिए टॉपिक कंप्लीटली न्यू है, किसी को कंफ्यूजन है, किसी को कोई पर्टिकुलर वर्ड का मतलब जानना है, या हो सकता है कि अभी मुझसे छूट जाता है, जैसे मैं कौन सा सैंग्विनिटी और आपको ब्लड का कुछ कंफ्यूजन हो जाता है टीचर के पार्ट पे भी, राइट. सो यू नो व्हेन एनी पर्सन व्हेन टीचिंग और व्हाइल द स्टूडेंट इज लर्निंग देयर टाइप्स ऑफ अटेंशन, है ना. ऑल्टरनेटिव अटेंशन होता है, डिवाइडेड अटेंशन होता है, हमारा फोकस्ड अटेंशन होता है. तो उसमें क्या होता है, आपके अटेंशन अलग अलग चीजें जगह डिवाइड हो जाता है, तो उस वजह से काफी बार आप कुछ छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हो. बट ठीक है, चलो आगे चलेंगे. अरे वेलकम टू द क्लास दीपू जी. ओके बराबर है. तो पीरियड ऑफ इद्दत अच्छे से समझ आ चुका है. अगर पीरियड ऑफ इद्दत समझ आ गया है तो हम आगे चले आयुष जी. अब सुनो, टाइप्स ऑफ मैरिज में सबसे पहले है सही मैरिज या वैलिड मैरिज. वैलिड मैरिज का मतलब क्या होता है, सारे एसेंशियल्स हमने क्या कर लिए स्टूडेंट्स, फुलफिल कर लिए. कौन से एसेंशियल्स, जो हमें यहां दे रखे थे, ये सारे एसेंशियल्स हमने फुलफिल किए हैं. तो हमारी मैरिज कैसे हो जाएगी, हमारी मैरिज सही मैरिज होगी, दैट इज वैलिड मैरिज होने वाली है. ओके नेक्स्ट मैरिज आती है फसिड मैरिज. अब देखो सही मैरिज अगर मैं कहूं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो चाइल्ड है उसको उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, उसको लेजिटिमेसी का राइट मिलेगा. क्या मिलेगा, लेजिटिमेसी का राइट मिलेगा. वाइफ को यहाँ पे मेंटेनेंस मिलने वाला है, और वाइफ को प्लस चाइल्ड को प्रॉपर्टी राइट्स मिलने वाले हैं, बराबर. तो सही मैरिज का यही फायदा है कि चाइल्ड को प्रॉपर्टी राइट्स, वैलिडेशन या हम कहें लेजिटिमेसी, वो सारे राइट्स यहाँ पे मिल जाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट फसिड मैरिज या जिसे कहते हैं इररेगुलर, चार ग्राउंड्स पे हो सकती है. एक और ग्राउंड है, दैट इज फायर वर्शिपर से अगर शादी की जाती है तो. ओके फायर वर्शिपर से अगर शादी की जाती है तो इन पांच ग्राउंड्स पे मैरिज क्या होती है, इररेगुलर. अगर बिना विटनेस से शादी की, बताओ विटनेस की एसेंशियल्स कहाँ है, विटनेस कहाँ चाहिए और विटनेस कहाँ नहीं चाहिए. विटनेस कहाँ चाहिए स्टूडेंट्स, सुन्नी लॉ में चाहिए, दैट इज सुन्नी मुस्लिम्स में. और विटनेस कहाँ नहीं चाहिए, शियाज में नहीं चाहिए. ओके आतिव कुमार गौरव जी मैं बताती हूँ, है ना, इसका इफेक्ट क्या होता है मैं बताती हूँ, ठीक है, क्लियर है. इररेगुलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स इट इज वॉइडेबल. द मैरिज इज वैलिड, सुनो, मैरिज इज, दिस इज ऑल्सो सेट टू बी मैरिज, बट इट मे बी टर्मिनेटेड बाय वन ऑफ द पार्टी हु इज, जिस, जो कि आप कह सकते हो यहाँ पे सफरर है, जो कि यहाँ पे सफरर है. फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ वाइफ से शादी कर ली, तो यहाँ पे किसके ऑप्शन पे ये मैरिज को आप जो है वो कैंसिल करवा सकते हो या नल एंड वॉइड करवा सकते हो, एट द ऑप्शन ऑफ द अदर वाइफ्स. इफ विमेन इज ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड और उस दौरान शादी कर ली, तो मैरिज स्टूडेंट्स सुन्नीज में कैसी होती है, सुन्नीज में इरेगुलर हो जाती है. लेकिन अगर बात करें शियास की तो क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है. क्लियर है. अनलॉफुल कंजंक्शंस, अनलॉफुल कंजंक्शंस मतलब व्हाट स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा, अगर किसी पर्सन का रिलेशन है किसी रिलेटिव से बाय एफिनिटी, कॉन्सैंग्विनिटी या फिर फॉस्टरेज से, तो ऐसे पर्सन के साथ शादी की तो मैरिज कैसी होने वाली है, मैरिज हो जाएगी यहां पर इरेगुलर. क्लियर है, क्लियर है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका समझो, जब भी इरेगुलर मैरिज हुई, अच्छे से सुनना, नहीं, करवाऊंगी निकी जी. हालांकि ये मैं आपको क्लियर बता दूं, हालांकि ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं, जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कराएंगे स्टूडेंट्स तो आपको वहां पे आंसर राइटिंग प्लस क्वेश्चन का सैंपल्स लेके आएंगे, ठीक है. अभी ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब सुनो, यस यस इट कैन बी एग्रीव्ड. देखो एग्रीव्ड पार्टी जो है वो चाहे तो इस मैरिज को एक्सेप्ट भी कर सकती है, वो चाहे तो इस मैरिज को डिसॉल्व भी कर सकती है, बट एक्सेप्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे. अच्छे से पॉइंट सुनना, अच्छे से. यहां पे लिखा है कि इस मैरिज का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, नो लीगल इफेक्ट, बट अंटिल व्हाट, अंटिल द मैरिज इज कंज्यूमेटेड, अंटिल द मैरिज इज कंज्यूमेटेड. व्हेन द मैरिज इज कंज्यूमेटेड इट गिव्स राइज टू द राइट्स एंड लाइबिलिटी. जैसे ही मैरिज क्या होती है, कंज्यूमेट होती है, एंड कंज्यूमेशन का मतलब आई होप यू ऑल नो. ओके देयर आर सर्टेन रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अगर वो रिलेशंस सब्सिस्ट हो जाते हैं या एग्जिस्ट कर जाते हैं तो उस मामले में हम कहेंगे मैरिज क्या हो गई है, वैलिड मैरिज हो गई है, उसको सही मैरिज का दर्जा मिल जाता है. क्लियर है स्टूडेंट्स,
इज इट क्लियर? सबको समझ आया? यस, बिल्कुल। लेकिन लेकिन किसने पूछा है? अंकिता जी, ये फिफ्थ मैरिज भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाइफ के रहते रहते कर ली ना, तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन अब ये क्या हो गई? नल एंड वॉइड हो गई। फर्स्ट मैरिज की डेथ के बाद अगर फिफ्थ मैरिज करते तो इट इज अलाउड। हिंदू लॉ भी क्या कहता है कि बाइगैमी नहीं होनी चाहिए, दैट इज टू से लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। अगर एक स्पाउस को आपने डाइवोर्स दे दिया या स्पाउस की डेथ हो चुकी, तो उसके बाद आप शादी करो ना। एक व्यक्ति के जीवन काल में एन नंबर ऑफ शादी कर सकते हैं, बस जब वो शादी कर रहा है किसी भी पर्सन से, तो उस वक्त उसका पहले वाला स्पाउस उसका लीगली वेडेड स्पाउस नहीं होना चाहिए, मतलब कि अब उससे डाइवोर्स हो चुका है, या वो लिविंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो डेड हो चुका है। क्लियर है? ओके, डन। निक्की जी, बराबर समझ आया? अंकिता जी, सो फसद मैरिज इरेगुलर मैरिज का इफेक्ट यही है कि कोई लीगल इफेक्ट नहीं है तब तक जब तक कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं कर ली जाती। जब मैरिज कंज्यूमेट कर ली जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच या फिर फिफ्थ वाइफ के साथ भी, तो वो मैरिज क्या कहलाएगी? वो मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज बटल मैरिज या वॉइड मैरिज। अब यहां पर क्या क्या ग्राउंड है स्टूडेंट्स? यहां पर ये ग्राउंड है कि अगर फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड से, फोर्स कंसेंट लिया गया है, विदाउट कंसेंट लिया गया, फोर्स मतलब अनलॉफुल तरीके से लिया गया है, कोर्जन किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जितने भी हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एसेंशियल्स हैं, मिस्टेक के अंडर या मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत, मतलब कहने का ये पॉइंट है कि फ्री कंसेंट नहीं है, यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, मैरिज वॉइड होने वाली है। प्लूरालिटी ऑफ द हस्बैंड्स, वर्ड बताओ। अभी पूछा था मुझसे ऋचा जी, वर्ड बताओ, मैंने आपको बताया था प्लूरालिटी ऑफ द हस्बैंड्स। इफ अ वाइफ इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड, देन उसको क्या बोला जाता है? कॉन्सैंग्विनिटी, एफिनिटी, फॉस्टरेज हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके। कॉन्सैंग्विनिटी मतलब जिसका ब्लड के साथ रिलेशनशिप है, एफिनिटी मतलब जिसका हमारा मैरिज के साथ रिलेशनशिप है, एंड फॉस्टरेज मतलब जिसका हमारे साथ हमारा मिल्क के साथ रिलेशनशिप है। ठीक है, फुल कवरेज कराओगे भी? नहीं नहीं स्टॉप नहीं करेंगे रिचा जी, राइट? गौहर जी, बतल मैरिज तो है ये, बराबर है। यस, इट विल बी एनफ। उत्तराखंड का पेपर हमने लास्ट टाइम भी वेदांत जी किया था, सॉल्व भी करवाया था, एंड वी रियलाइज कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं आता, बट यस अच्छे एवरेज लेवल का पेपर आता है, अच्छे से पढ़ के जाओगे आराम से कर पाओगे। उत्तराखंड का वेदांत जी 2021 आई गेस या 2022 में हुआ था पेपर, है ना, प्री का। एक बार उठा के देखना और ये क्लास देखने के बाद देखना कि इसमें से क्वेश्चन आपको वहां दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, ना 100% श्योर कि आपको दिखेंगे। ठीक है, ओके, यस, वेरी गुड। पॉलियंड्री, प्लुरालिटी ऑफ द हस्बैंड्स क्या वर्ड होता है? पॉलियंड्री होता है। ओके, क्लियर है, चले आगे। सो दीज आर द ग्राउंड्स, बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको ये सारे ग्राउंड्स। चलिए आगे चलेंगे, जहां अब हम पढ़ेंगे डावर एंड मेहर। अब देखो, अगर डावर की बात करें तो ये बोला जाता है कंसिडरेशन फॉर द मैरिज। क्या बोला जाता है? मैरिज के लिए जो कंसिडरेशन दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी मुस्लिम मैरिज डावर के बिना नहीं होती है। आप चाहे 1 रुपया ही दो, लेकिन डावर आपको देना पड़ेगा। मेहर इज वॉट? मेहर इज ऑल्सो Somewhat like dower, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि ये बेसिकली विमेन को दिया जाता है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ टोकन ऑफ लव। ये कंप्लीटली हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डावर बिकम्स एन एसेंशियल एलिमेंट। इन दोनों को अगर आप सर्च करोगे तो कई जगह बोला है कि डावर और मेहर सेम है, कई जगह बोला है डिफरेंट है। बस इनको देने के पीछे के इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि ये डावर कहलाई जाएगी या मेहर कहलाई जाएगी। जो शादी के वक्त दिया जाता है, दैट इज सेड टू बी डावर। इसको डावरी नहीं मान लेंगे स्टूडेंट्स, इसको डावरी नहीं मान लेंगे। यस, बिल्कुल कुमार गौरव जी, डेफिनेटली। बट वहां पे प्रिजम्पशन कैसी होगी? 112 की प्रिजम्पशन कैसी है कुमार गौरव जी, बताइए। कंक्लूसिव प्रूफ की है, कंक्लूसिव प्रूफ है या शैल प्रूफ है? तो इट इज अपॉन द हस्बैंड टू प्रूव दैट व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीगॉटन ही वाज नॉट हैविंग द एक्सेस टू द वाइफ। ओके, डावर देखो, पहले ये समझना है कि डावर दिया क्यों जाता है। अब देखो, डावर कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन फॉर्म ऑफ गहने, ज्वेलरी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दिया क्यों जाता है? व्हाट इज द पर्पस? इट इज सेड टू बी द टोकन ऑफ लव, कि भाई विमेन को, एक वाइफ को, एक हस्बैंड प्यार कर रहा है, इसलिए वो देता है ना, कि हमारी यू नो अर्धांगिनी है, जैसे हम हिंदू लॉ में पढ़ रहे हैं, गृहिणी है, सखी है, और ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि शादी करके आप किसी लड़की को अपने घर पे लेके आ रहे, पूरी लाइफ वो आपके साथ रहने वाली, तो उस पॉइंट से रिस्पेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डावर देते हैं। ऑब्लिगेशन है हस्बैंड का
कि वाइफ को आपको देना पड़ेगा इतना अमाउंट ताकि वो खुद को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, सब्सिस्टेंस ऑफ द वाइफ, ताकि वाइफ खुद को खुद के सब्सिस्टेंस के लिए उस अमाउंट को यूज कर सके. अब देखो डावर और मेहर बेसिकली डाइवोर्स पर भी दिया जाता है. एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि जब भी ऐसा डाइवोर्स किया जाएगा तो वहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा. अच्छा मूटा मैरिज हम लोगों ने नहीं किया, मूटा मैरिज मुझे कवर करवाना पड़ेगा. ठीक है, यस वेरी गुड खुशबू जी एंड गौरव जी, इट इज कंक्लूसिव प्रूफ अंडर योर 112. अब देखो डावर कितने टाइप के, एक स्पेसिफाइड है, एक अनस्पेसिफाइड है. क्या है? एक स्पेसिफाइड है एंड एक अनस्पेसिफाइड है. स्पेसिफाइड का मतलब क्या हो गया है? मेहर ए मौसम्मा, ये सवाल पूछा जा सकता है. स्पेसिफाइड मतलब मेहर ए मौसम्मा, अनस्पेसिफाइड मतलब मेहर ए मिसल. स्पेसिफाइड मतलब यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है दैट द डावर हैज बीन एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ मैरिज. जब शादी हो रही थी स्टूडेंट्स तभी पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर अमाउंट क्या है ये दिया जाएगा, लेकिन मैरिज के वक्त ही डिसाइड कर लिया गया. प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? इमीडिएटली. प्रॉम्प्ट रिप्लाई करता है ना कोई, इमीडिएटली एट द मैरिज इस अमाउंट को वाइफ को दे दिया जाता है. डेफर्ड मैरिज क्या होता है स्टूडेंट्स? ये दिया जाता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, लेकिन शादी के वक्त इसका अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है पार्टीज के द्वारा. राइट, एब्सोल्युटली दीपू जी. तो कैन आई से इट इज समथिंग लाइक प्री न्यूप्टल एग्रीमेंट्स, है ना? प्री न्यूप्टल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि आपको पहले से बता दिया जाता है कि अगर शादी तोड़ी तो ये सारी चीजें होगी, इस तरीके से शादी की जाएगी, इतने टाइम की सगाई होगी, यहाँ यहाँ पे शादी होगी, ये खर्चा होगा, लड़के वाले ये देंगे, लड़की वाले ये देंगे. तो दिस इज कॉल्ड टू बी प्री न्यूप्टल एग्रीमेंट्स. अगर शादी डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड की ये लाइबिलिटी होगी, उसको बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे प्री न्यूप्टल एग्रीमेंट्स का पूरा एलिमेंट नहीं देख के बस इतना पता चल रहा है कि शादी के वक्त हमने ये अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि अगर मैरिज डिसॉल्व हुई तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा. एंड एक होता है शादी होते ही आप उस पर्सन को जो अमाउंट दे देते हैं, वो क्या होता है? प्रॉम्प्ट. ओके, अनस्पेसिफाइड का मतलब ये अमाउंट डिसाइड नहीं किया गया है. क्या नहीं किया गया स्टूडेंट्स? डिसाइड नहीं किया गया है बेसिकली अमाउंट और कब पे करना है, दिस इज ऑल्सो नॉट डिसाइडेड. क्लियर है? ओके, आगे चले. यस, बुक से समझ नहीं लग रही तो बुक्स मत पढ़ो, कोई बात नहीं. यस, इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल कंडीशन. अखिलेंद्र जी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं. पहली बात, हस्बैंड का फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे हम, जो वाइफ है उसका एजुकेशन देखेंगे हम, कितनी एजुकेटेड है वो. कई बार ये भी देखा जाता है हाउ ब्यूटिफुल शी इज, हाउ एजुकेटेड, व्हाट आर हर लिविंग स्टैंडर्ड, सब कुछ देखा जाता है और उसके बाद फाइनली एक मेहर या डावर का अमाउंट डिसाइड किया जाता है. क्लियर है ये चीज? देखो कई बार स्टूडेंट्स को बुक समझ नहीं आती, बुक्स हमने ग्रेजुएशन के दौरान बहुत पढ़ ली है. अभी भी जुडिशरी के वक्त भी बुक्स पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स आपको जुडिशरी काफी डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो इतनी सारी मोटी बुक्स पढ़ी थी वो 5 साल या 3 साल में पढ़ी है. अब आप वो सब कुछ कोशिश कर रहे हो एग्जाम में पढ़ने की, तो पहली बात भी पढ़नी भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए जुडिशरी क्रैक करने का एक द होल सोल सोर्स होना चाहिए, तो वो है आपका बेरेक्ट. बस बेरेक्ट आपकी क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? भगवत गीता होनी चाहिए. इसी के बिहाफ पे, इसी के आधार पे आप अपने नोट्स बनाएंगे एंड आपको रेफरेंस बुक सिर्फ तभी, देखो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने बोला है कि रेफरेंस बुक्स आपको कब रेफर करनी है, जब कोई पर्टिकुलर सेक्शन समझ नहीं आ रहा है, जब कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको बुक में नहीं दे, कन्फेशन की डेफिनेशन दे ही नहीं रखी, तो जाओ इंडियन एविडेंस एक्ट की बुक उठा के देख लो, वहां पे स्टॉपल की डेफिनेशन अगर कुछ देखनी है, टाइप्स ऑफ स्टॉपल दे रखे तो वो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं बता रहा कितने टाइप्स के हैं, बाय रिकॉर्ड है, बाय कंडक्ट है, तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, तो वो कहां मिलेंगे हमें? तो वो हमें बुक्स में मिलेंगे. कोई केस लॉ ढूंढना है तो रेफरेंस बुक ले लीजिए, और आजकल केस लॉज रेफरेंस बुक्स में इसलिए नहीं जाते हैं स्टूडेंट, बुक्स पुरानी हो जाती है, न्यू एडिशन नहीं आता, इसलिए स्टूडेंट्स लाइव लॉ और बार बेंच को फॉलो कर लेते हैं, इंडिया कानून को फॉलो कर लेते हैं. बराबर, कोई लीगल मैक्सिम्स है तो वो आपको बुक्स में मिल जाएगा. कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप चाहते हो कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना, तो उस मामले में आप बुक्स को रेफर कीजिए, अदरवाइज बुक्स को रेफर मत कीजिए. सिर्फ अपना नोट्स बनाते वक्त आप बुक्स के कुछ कुछ पॉइंटर्स या कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स का चुनाव जरूर कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा अच्छा आंसर फॉर्म करने में. रोज रोज बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्लियर है? चलिए अब सुनो, चलिए अब आगे चलेंगे. अच्छा, एक मोटा मैरिज डिसाइड करना था स्टूडेंट्स, हमने मोटा मैरिज को नहीं पढ़ा है. मोटा मैरिज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ो, समझो. इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है टू यू नो
सैटिस्फाई सम ऑफ दी सेक्सुअल डिजायर्स, जहां पे एक आदमी क्या करता है, एक औरत से मूटा मैरिज करते हैं. अब देखो यहां पर ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ शियाज में रिकॉग्नाइज्ड है. दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सुन्नी लॉ. A Shia of a male sect may contract a muta marriage with the women professing the Mohammedan, Christian or Jewish relationship, or even with a woman who is a fire worshipper, but not with anyone. देखो यहाँ पे किस 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 के साथ भी ऐसी मैरिज की जा सकती है, मुस्लिम, ज्यूज एज वेल एज क्रिश्चियन या फिर फायर वर्शिपर. फायर वर्शिपर क्या होता है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है कि फायर वर्शिपर कौन होता है. ये भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, धर्म को मानने वाले लोग हैं, बस थोड़ा सा इनका जो रिलीजन है वो अलग हो जाता है. इनका बेसिकली काम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. एक बार फायर वर्शिपर जस्ट जाके इमेज देख लेना, आपको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली फायर वर्शिपर होते कौन है. क्लियर है ये चीज? ओके, थैंक यू हिमांशु जी. यस, मैंने आपके देखे सारे रिकॉर्डेड क्लासेस पे आपके कमेंट्स है ना, सारे टीचर्स के. थैंक यू फॉर ऑल द एप्रिसिएशन एंड फील्स रियली गुड दैट यू कनेक्ट विद अस इन लाइव क्लासेस ऑल्सो. तो कभी कभार आप सबसे बात भी हो जाती है. ठीक है, क्लियर है? तो देखो मूटा मैरिज, अब देखो ये हिंदू से नहीं हो सकती, मूटा मैरिज हिंदू से नहीं हो सकती है. क्या बोला? मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियन या फिर फायर वर्शिपर से भी हो सकती है, बस इनके अलावा और किसी रिलीजन में क्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है, मूटा मैरिज नहीं होती है. ओके अंकिता जी, इफ यू कुड प्लीज एनलाइटन अस मोर ऑन दिस टॉपिक तो थोड़ा हमको अच्छा पता चल जाएगा, है ना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ कोहैबिटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मेंशनड होता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर मैरिज की जा रही है. डावर भी फिक्स्ड होता है यहाँ पे. नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अगर यहाँ पे हम इनहेरिटेंस की बात करें तो कुछ भी इनहेरिटेंस के बारे में नहीं बता रखा है. नो राइट्स ऑफ म्यूचुअल इनहेरिटेंस बाय द पार्टी, कि अगर एक हस्बैंड की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं कि उसकी वाइफ प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है. वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलने वाला है. लेकिन अगर बात करें चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन क्या होते हैं, मूटा मैरिज से बॉर्न चिल्ड्रन हमेशा लेजिटिमेट होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मदर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे. किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे? मदर की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, हस्बैंड की प्रॉपर्टी दैट इज फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करेंगे. तभी तो ये थर्ड पॉइंट आया हमारा यहां से. ठीक है, अच्छा, अग्नि, अग्नि और भगवान को जैसे हवन वगैरह में मानना, अग्नि देव को मानना, दे आर सेड टू बी फायर वर्शिपर्स. ओके, थैंक यू. चले आगे बराबर. ओके खुशबू जी, चलिए तो मूटा मैरिज हो गया, मूटा मैरिज का टॉपिक रह गया था. चलिए अब पढ़ेंगे हम क्या स्टूडेंट्स, तलाक. तलाक को अच्छे से पढ़ना है, देखना है तलाक उल बिद्दत, या जैसे हम कहते हैं कि ट्रिपल तलाक, इसका क्या स्टेटस है और एग्जैक्टली किस तरीके से तलाक दिया जा सकता है. तलाक से बेसिकली आपको एक एक्ट जो है वो अच्छे से पढ़ना है, और दूसरा तलाक उल बिद्दत ये थोड़ा सा अच्छे से समझना है. देखो तलाक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तलाक मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. ध्यान रहे तलाक अलग होता है स्टूडेंट्स एंड डाइवोर्स अलग होता है. बराबर समझ आया क्या? तलाक इज प्रोनाउंस्ड बाय हस्बैंड, मतलब जो मैन्युअली घर में ही बैठे बैठे जो दे दे वो होता है तलाक. लेकिन डाइवोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइवोर्स इज प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट. डाइवोर्स की क्या आती है? डाइवोर्स की डिक्री आती है. क्लियर? तो डाइवोर्स और तलाक के बीच फर्क है. अब अगर हम तलाक की बात करें सुन्नी लॉ में या शिया लॉ में, तो इनको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग है. हमने ऑलरेडी डिफरेंसेस में समझ लिया था कि सुन्नीज में अगर हमें डायवोर्स देना है तो वो रिटन भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू शिया तो ये हमेशा ओरली ही प्रोनाउंस किया जाएगा. वापस डिफरेंस वाला चार्ट खोल के देख लेना स्टूडेंट्स, वहां हमने मोड की भी बात की थी. किसकी बात की थी? मोड की भी बात की थी, और डायवोर्स कैसे होगा ये भी बता रखा था. तो हमने क्या बोला, सुन्नी लॉ में हमें डायवोर्स के वक्त विटनेसेस की आवश्यकता नहीं है, यहां पर विटनेसेस की आवश्यकता नहीं है. लेकिन शिया लॉ में डायवोर्स के वक्त, नॉट डायवोर्स सॉरी, तलाक के वक्त हमें विटनेसेस की आवश्यकता है. ओके, सुन्नी लॉ में बोला नो पर्टिकुलर वर्ड इज रिक्वायर्ड, कि कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड नहीं है कि आप ये वर्ड बोलोगे तो ही तलाक माना जाएगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं है. लेकिन आप जब ऐसा तलाक प्रोनाउंस करने का या तलाक देने का जब इंटेंशन रखते हैं तो यू हैव टू क्लियरली इंडिकेट, वर्ड आपके साफ सुथरे होने चाहिए कि आप दैट इज हस्बैंड की ये डिजायर है कि वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, अगर हम शिया लॉ की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है कि इट मस्ट बी प्रोनाउंस इन द प्रेजेंस ऑफ द टू कॉम्पिटेंट विटनेस. आ गया बराबर यहाँ पे, शियाज में मैरिज के वक्त विटनेसेस नहीं चाहिए, सुन्नीज में मैरिज के वक्त विटनेस चाहिए. और कितने चाहिए फटाफट बताओ,
या तो दो मेल हो सकते हैं, अगर दो मेल नहीं है एक ही मेल है तो साथ में दो फीमेल विटनेसेस लगेंगे, ये अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर। सुन्नीज में तलाक के वक्त हमें विटनेसेस नहीं चाहिए, शियाज में विटनेसेस चाहिए। विटनेस केस कौन होगा? मुस्लिम मेल होगा, एज ऑफ प्यूबर्टी होगी और साउंड माइंड होगा। और कितने चाहिए हमें? टू मेल विटनेसेस चाहिए यहाँ पे, कितने चाहिए? टू मेल विटनेसेस। मोर ओवर इन प्लेस ऑफ वन मेल टू अडल्ट फीमेल ऑफ साउंड माइंड मे बी सब्स्टिट्यूटेड, एक मेल की जगह पे आप दो फीमेल मतलब अगर एक मेल नहीं है तो दो फीमेल प्लस वन मेल हो सकता है। तो वही कंसेप्ट आ गया ना स्टूडेंट्स, यस और नो? यस और नो, वही कंसेप्ट आ गया। जैसे कि हमें शिया लॉ में मैरिज के लिए जितने विटनेसेस लग रहे थे उतने के उतने, सॉरी सुन्नी लॉ में जितने हमें विटनेसेस लग रहे थे उतने के उतने अब हमें यहां पे विटनेसेस लग रहे हैं, शिया में तलाक के वक्त लग रहे हैं, यस और नो? बराबर। तो इन्होंने बोला कि एक या तो दो मेल हो सकते हैं एंड मोर ओवर इन प्लेस ऑफ वन मेल, दोनों में से एक मेल की जगह क्या हो सकती है? दो फीमेल हो सकती है। तो दोनों में से एक मेल की जगह जब दो फीमेल हो गई तो दो फीमेल और एक मेल हो गया ना, बराबर, क्लियर है, समझ आ गया? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, उल्टा कर देना है कि यहां पे सुन्नी में दो मेल चाहिए किसके लिए? शादी के लिए। अगर दो मेल नहीं है एक ही मेल है तो उसके साथ दो फीमेल चलेगा, शादी के लिए। और ये कंसेप्ट शिया में कब अप्लाई हो जाता है? तलाक के वक्त, दैट इज इट। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन करूं, मैं बताती हूँ प्रिया जी, है ना। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला है? इट नीड नॉट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस, सुन्नीज में विटनेसेस की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे विटनेसेस बोल दे कि यहाँ पे विटनेसेस चाहिए। इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स, ये पॉइंट इससे कनेक्ट होगा। ठीक है, अब सुनो वापस से, मैं एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं क्योंकि यहां से आपको पूछा जा सकता है। ये हो गया कौन प्रिया जी? सुन्नीज। ये हो गए कौन? शियाज। बात करें अगर हम मैरिज की, हम बात कर रहे हैं किस चीज की स्टूडेंट्स? विटनेसेस की। कहां पे कितने विटनेस रिक्वायर्ड हैं? अगर हम बात करें सुन्नी की तो मैरिज में हमें विटनेसेस चाहिए, शिया में नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो कितने चाहिए? या तो दो मेल हो सकते हैं या फिर वन मेल प्लस टू फीमेल हो सकता है। अगर हम बात करें तलाक के वक्त की, किसकी बात करें? तलाक के वक्त की, तो सुन्नी में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? सुन्नी में तलाक के वक्त इन्होंने बोला है यहां पे कोई विटनेस नहीं चाहिए, शिया में चाहिए। कितने हो सकते हैं? या तो दो मेल होंगे या फिर वन मेल प्लस टू फीमेल हो सकता है। अगला क्या बोला है कि सुन्नी में जब हम तलाक की बात करेंगे, यहीं पे डिफरेंस समझ लो, जब हम तलाक की बात करेंगे सुन्नी में तो ये रिटन भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? हमेशा ओरल होने वाला है। कैसा होगा? हमेशा ओरल होगा। नो फॉर्मेट ऑफ एक्सप्रेशन की कोई पर्टिकुलर वर्ड्स नहीं दे रखे हैं, नो पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन, लेकिन यहां पे क्या बोला है? स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड्स में ही आपको तलाक प्रोनाउंस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ग्रेट ग्रेट, अरे ग्रेट मनीषा जी, वेलकम टू द क्लास मनीषा जी, कंग्रेचुलेशन, है ना। घर पे मिठाई भिजवा देना, बस सोन पापड़ी मत भिजवाइएगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सुन्नी लॉ एंड शिया लॉ, डन। चलो आगे चलेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये पॉइंट सेम है, बस ये किस वक्त चाहिए? ये यहाँ पे मैरिज के वक्त चाहिए, और इनके यहाँ पे ये कब चाहिए स्टूडेंट्स? तलाक के वक्त चाहिए। और प्रिया जी एक बात और अच्छे से ध्यान रख लेना, तलाक एंड डायवोर्स अलग होता है। डायवोर्स किसके फॉर्म में आती है? एक डिक्री के फॉर्म में आती है, और कौन देता है स्टूडेंट्स? कोर्ट देता है। बट व्हेन इट कम्स टू तलाक, तलाक इज प्रोनाउंस्ड बाय हस्बैंड। देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे वाइफ भी प्रोनाउंस कर सकती है। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे, जहां हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ तलाक, बहुत अच्छे से फोकस करना, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दो तरीके के तलाक होते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एंड दूसरा है जुडिशियल। जुडिशियल मतलब क्या? जुडिशियल मतलब कोर्ट में जाएंगे, तो फिर कोर्ट में ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? कोर्ट में ये डायवोर्स कहलाएगा, बराबर, जिसके लिए हमारे पास एक अलग से लॉ है, एक अलग से लॉ को हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939। 1939 का एक्ट यहां आ जाएगा, बराबर। यस, वन मेल इज मैंडेटरी अखिलेंद्र जी, ये वाला जो वन मेल है ना, ये कहां गया हमारा चार्ट, गायब हो जाता है ये, कोई बात नहीं, चलो। तो वो मैंडेटरी है, एक मेल जरूरी है, उसके साथ दो फीमेल हो सकती है लेकिन एक मेल तो जरूरी है ही है। अब सुनो, एक्स्ट्रा जुडिशियल क्या हो गया? मतलब आप कोर्ट के पास नहीं गए, विदाउट कोर्ट, घर में ही सुना दिया तलाक, घर में ही सुना दिया। अगर मैं वर्ड डाइवोर्स भी बोल दूं तो आप समझ जाना कि मैं तलाक बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जब इस एक्ट की बात करूंगी तब हमें वर्ड वहां डाइवोर्स यूज करना है। तो तलाक एक्स्ट्रा जुडिशियल कैसे होगा? तीन तरीके से सुनाया जा सकता है, एक तो हस्बैंड भी सुना सकते हैं, दूसरा वाइफ भी सुना सकती है,
एंड तीसरा म्यूचुअल कंसेंट से भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? म्यूचुअल कंसेंट से भी सुनाया जा सकता है. पहला है बाय हस्बैंड. अब हस्बैंड देखो, अच्छा आई होप जब मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर कुछ पर्टिकुलर एसेंशियल्स है जो आपको डाइवोर्स के लिए फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब क्या है कि वहां पर आपकी मैरिज होनी चाहिए, पहले मैरिज होनी चाहिए. अब यहां पर जो आपको एसेंशियल एलिमेंट देखना है कि यहां पर कोई जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए कुछ नहीं बोला है. यहां पे है तो सीधा तलाक है या डाइवोर्स है, बराबर क्लियर है. मतलब यहां पे अल्टीमेटली मैरिज क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस आयुष जी, है ना. आयुष जी ने क्वेश्चन पूछा है, मैम इज इट ओनली अ मुस्लिम मैन हु कैन इवोक द तलाक और इज इट ऑल्सो अ मेल? ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग हैं. देखो हस्बैंड अगर प्रोनाउंस कर रहा है तो हस्बैंड या तो क्या कर सकता है, इला कर सकता है, या फिर जिहर कर सकता है, या फिर तलाक दे सकता है. अगर मैरिज को डिसॉल्व कर रहा है थ्रू इला, इला का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर इला का ये मतलब है कि वो यहां पे उस वाइफ को क्या करता है, कंपेयर करता है. क्या करता है स्टूडेंट्स? कंपेयर करता है. अब कंपेयर करने का मतलब क्या है? यस, कंपैरिजन बेसिकली जिहर में होती है. क्या होता है? जिहर में कंपेयर किया जाता है, और कंपैरिजन यहां पे किया जा रहा है प्रोहिबिटेड डिक्री के साथ. लेकिन इला में वो ये शपथ लेता है कि ही इज गोइंग टू नॉन कंटिन्यू. नॉन कंटिन्यू व्हाट? ही इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एनी कोहैबिटेशन और इंटरकोर्स. और इसका टाइम किसी को पता है? इट इज फॉर 4 मंथ्स. फॉर 4 मंथ्स ही एब्सटेन्स फ्रॉम हैविंग एनी इंटरकोर्स विद हिज वाइफ. कि ही इज नॉट गोइंग टू हैव एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिज वाइफ फॉर द 4 मंथ्स. वहां क्या हो जाता है? तुरंत इला हो जाता है. ओके बात करें जिहर की, तो हस्बैंड बेसिकली वाइफ को कुछ प्रोहिबिटेड डिग्री के साथ, प्रोहिबिटेड डिग्री, डिग्री नहीं दीपू जी, डिग्री किसके साथ? डिग्री के साथ कंपेयर करता है. जो कोर्ट देता है वो क्या होता है? वो डिग्री होता है. तो यहाँ प्रोहिबिटेड डिग्री के साथ कंपेयर करता है. दैट इज टू से अपनी मदर के साथ कंपेयर कर लेता है, बहन के साथ कंपेयर कर लेता है, वाइफ को बोलते तुम तो मेरी बहन जैसी हो, डाइवोर्स खत्म. अब बात करें अगर हम तलाक की, किसकी बात करें? तलाक की. तो तलाक यहाँ पे 2 तरीके से दिया जा सकता है स्टूडेंट्स. एक है तलाक ए सुन्नत और दूसरा है तलाक ए बिद्दत. क्या है? एक है तलाक ए सुन्नत और दूसरा है तलाक ए बिद्दत. तलाक ए बिद्दत क्या है? दिस इज सेट टू बी द ट्रिपल तलाक. ये है हमारा ट्रिपल तलाक. और इसको क्या बोला गया स्टूडेंट्स? बैड फॉर्म ऑफ तलाक बोला गया. क्यों बोला गया है इसको बैड फॉर्म ऑफ तलाक स्टूडेंट्स? इसको बैड फॉर्म ऑफ तलाक इसलिए बोला गया बिकॉज इट इज इरिवोकेबल. इरिवोकेबल का मतलब क्या है आयुष जी? इरिवोकेबल का मतलब है कि अब एक बार प्रोनाउंस कर दिया, आई डाइवोर्स माई वाइफ, आई डाइवोर्स माई वाइफ, आई डाइवोर्स माई वाइफ, 3 बार बोल दिया, उसके बाद आपकी मैरिज कंटिन्यू हो ही नहीं सकती. मतलब इमिडिएटली मैरिज क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है. तो सोचो जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं लिया गया है, टाइम पीरियड नहीं लिया गया है, या स्टेट ऑफ तुहर ऑब्जर्व नहीं किया गया है, तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है वाइफ को. कभी कभी गुस्से में बोल दिया हस्बैंड ने आई वॉन्ट टू डाइवोर्स यू, तो मैरिज तो वहां खत्म हो गई ना, मैरिज तो वहां खत्म हो गई. ठीक है निकी जी, डोंट बी टेंस्ड, डोंट बी टेंस्ड. टेंशन लेने से क्या होगा? टेंशन लेने से चाहे कोई भी चीज हो, मेंस का एग्जाम है, प्री का एग्जाम है, टेंशन लोगे, दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसकी वजह से कभी भी लाइफ में आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, या जो चीज समझ आ रही है वो भी नहीं आती है. रिलैक्स रहो, और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस खुद पे, खुद की शक्ति पे, है ना, दिव्य शक्ति पे, और भगवान पे भरोसा रखो, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो नाइस, है ना. फिर भी टेंशन है, थोड़ी बहुत मंदिर घूम के आ जाओ, बैठो वहां 5-10 मिनट, एवरीथिंग विल गो फाइन, है ना. ज्यादा लोगों से बात करोगे, डिस्कशन करोगे, फ्रेंड्स को बताओगे, तो वहां 5 मिनट की बात जो 5 मिनट में सॉल्व हो सकती थी वो बहुत लंबी चौड़ी बात चली जाएगी, है ना, डिस्ट्रैक्ट भी होंगे. सो देर आर सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ और एम्स इन योर लाइफ जिसको आपको ही सॉल्व करना है, आपको ही ओवरकम आ रहा है. दुनिया में जाके ज्यादा बताएंगे तो सोल्यूशन मिलेगा भी नहीं और भटक जाएंगे. दे आर मेनी डिस्ट्रैक्शन, सो यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. खुद से बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता. इसलिए आई हैव ऑलवेज सेड, आप ही डिसाइड करो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस चीज के लिए जाना है, कौन से स्टेट को टारगेट करना है. आपको अपनी शक्ति पता है, क्षमता पता है. ठीक है चलो आगे सुनो. तो तलाक ए बिद्दत को सबसे बैड फॉर्म ऑफ तलाक माना गया है, और इसको क्या किया गया स्टूडेंट्स? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है. इसको क्या डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट्स? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, बराबर, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 14 को वॉयलेट करता है. क्लियर?
करवाती हूँ निकी जी, जल्दी करवाती हूँ। ओके चलिए, दे आर रिवोकेबल, नो नो दे आर रिवोकेबल आयुष जी, आ रही हूँ मैं इस पे, तलाक उल सुन्नत पे। एक तो ना स्टूडेंट्स, जल्दी मैम जल्दी जल्दी बता दो सब कुछ, बता रही हूँ सुनो। तलाक उल सुन्नत क्या होता है? तलाक उल सुन्नत इज रिवोकेबल फॉर्म ऑफ तलाक, मतलब इसको रिवोक कर सकते हैं। अगर एक स्टेज पे आपने बोल दिया तो बाद में इसको रिवोक किया जा सकता है। रिवोक मतलब कैंसिल किया जा सकता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिवोक होता है वैसे कि वैसे यहाँ पे तलाक भी रिवोक होता है। दो टाइप्स के यहाँ पे दे रखे हैं, पहला है तलाक है हसन और दूसरा बोल रखा है तलाक है अहसन। अगर हम तलाक है हसन की बात करें तो इसको मोस्ट अप्रूव्ड बोला है, मतलब जनरली अगर हस्बैंड तलाक देता है तो ये वाला तलाक देता है, दैट इज सेड टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द बेस्ट काइंड ऑफ तलाक। बेस्ट काइंड ऑफ तलाक प्रॉपर बोला गया है। क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर द हस्बैंड मस्ट प्रोनाउंस द फॉर्मूला ऑफ डाइवोर्स इन अ सिंगल सेंटेंस। The pronouncement of divorce must be done when the wife is in the state of तुहर, मतलब यहां पे जब वाइफ तुहर के स्टेट में है तो हस्बैंड क्या करेगा? सिंगल प्रोनाउंसमेंट करेगा, एक ही बार में उसको प्रोनाउंस करेगा। एंड उसके बाद जब उसने प्रोनाउंस कर दिया है, वाइफ इज गोइंग टू ऑब्जर्व दी इद्दत पीरियड, एंड दिस प्रोनाउंसमेंट इज रिवोकेबल ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। जब तक वाइफ इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है तब तक वो क्या कर सकता है? उसको रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। लेकिन ट्रिपल तलाक में तो एक बार प्रोनाउंस कर दिया, कोई इद्दत पीरियड विद्दत पीरियड ऑब्जर्व नहीं करना है, सीधा मैरिज खत्म। लेकिन तलाक है हसन में क्या है? वाइफ जब तुहर के पीरियड में, मतलब शी इज फ्री फ्रॉम मेंसेस, शी इज नॉट ऑब्जर्विंग एनी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है अंकिता जी, मैं बताती हूँ, है ना, बताओ क्या हुआ। यस सायरा बानो का केस है, ट्रिपल तलाक लो। क्या कहना चाह रहे हो अखिलेंद्र जी? हाँ, उसको पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ये वाला आ रहा है हमारे पास लॉ, ये वाला आ रहा है अभी। 2019 वाला लॉ भी पढ़ेंगे एंड में पढ़ेंगे, वो 2019 का जो लॉ है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है पहले ये सुनो कि हस्बैंड एक ही सेंटेंस बोलेगा, लेकिन बोलेगा कब? तुहर के पीरियड में। व्हाट इज तुहर पीरियड? अच्छे से सुनेंगे अंकिता जी, कुमार गौरव जी, खुशबू जी, अच्छे से सुनो। जब मैं ये बोल रही हूँ कि तुहर के पीरियड में हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस करेगा, मतलब वाइफ इज फ्री फ्रॉम मेंसेस, देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर इज नो पीरियड्स, क्लियर है? उस वक्त, दैट इज टू से जब वाइफ प्योरिटी की स्टेज पे है, तब हस्बैंड क्या करेगा? उसको ऐसा तलाक प्रोनाउंस करेगा। बट जब उसने ये तलाक प्रोनाउंस कर दिया, मैरिज को टर्मिनेट किया जा रहा है, किसके थ्रू? तलाक के थ्रू। तो वहां पे विमेन क्या करेगी? विमेन इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी, और हम ऑलरेडी इद्दत पीरियड टाइम पीरियड पढ़ के आए, कितना होगा? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स नहीं मैम, 3 लूनर मंथ्स, 3 लूनर मंथ्स और 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस और नो? क्योंकि यहाँ पे तलाक के थ्रू क्या किया जा रहा है? मैरिज को टर्मिनेट किया जा रहा है। अगर विडो होती, दैट इज हस्बैंड की डेथ हो जाती, तो 4 मंथ्स प्लस 10 डेज, एंड अगर प्रेगनेंसी ऑफ विमेन होती तो टिल द टाइम ऑफ द डिलीवरी शी हैज टू ऑब्जर्व द इद्दत पीरियड। बराबर, क्लियर है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। इट कैन बी चैलेंज्ड, है ना, इट कैन बी चैलेंज्ड। ओके, बात करेंगे तलाक ए हसन की। तो तलाक ए हसन को भी गुड फॉर्म ऑफ तलाक बोला गया है। इसको तलाक ए हसन को, एक मिनट स्टूडेंट्स, दिस इज अ हसन, ओके, दिस इज अ हसन एंड दिस इज हसन, ओके। अब अगर मैं हसन की बात करूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? हसन की बात करूं, दिस इज अ हसन, ओके। अ हसन को क्या बोला गया स्टूडेंट्स? मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ तलाक बोला गया है। अब अगर मैं हसन की बात करूं तो इसको भी गुड बोला गया है। क्या बोला गया है? गुड फॉर्म ऑफ तलाक बोला गया है। अब इसको गुड फॉर्म ऑफ इसलिए बोला गया है स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पे 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स होते हैं। यहां पे क्या हो रहा था? सिंगल प्रोनाउंसमेंट हो रहा था, ठीक है, क्लियर है? यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, बराबर सही बोल रहे हो, मैंने थोड़ा वर्ड ठीक किया ना। अहसन में क्या होता है? सिंगल प्रोनाउंसमेंट होता है, ठीक है, अहसन में सिंगल वन टाइम प्रोनाउंसमेंट होता है, एंड हसन में 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट होते हैं। कब? 3 सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट होते हैं 3 तुहर्स में, दैट इज 3 डिफरेंट मंथ्स में, एट 3 डिफरेंट स्टेजेस 3 बार सक्सेसिव प्रोनाउंसमेंट्स किए जाते हैं। एंड इन केस ऑफ नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ, द 3 प्रोनाउंसमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द सक्सेसफुल और द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ 30 डेज, मतलब हर महीने में जब विमेन 30 30 डेज बाद जब विमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल से फ्री है, तो उस टाइम पीरियड में आपको अलग अलग 3 अलग अलग बार में अगर ऐसा
प्रोनाउंस कर दिया जाता है दैट आई वॉन्ट टू डाइवोर्स दिस वाइफ, तो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे डाइवोर्स दिया जा सकता है. लेकिन इसको रिवोक कब किया जा सकता है, इसको रिवोक किया जा सकता है बिफोर थर्ड प्रोनाउंसमेंट. सो कैन आई से, यस और नो, लॉजिक लगाना, कैन आई से कि हस्बैंड के पास यहाँ पे इस तलाक को, दैट इज तलाक हसन को रिवोक करने के लिए कम से कम 3 महीने हैं, यस और नो, यस और नो, कम से कम 3 महीने हैं, क्योंकि हर महीने अलग अलग महीने में, पहले महीने में जनवरी फरवरी मार्च, 3 अलग अलग महीने में उसको ही प्रोनाउंस करना है आई वॉन्ट टू डाइवोर्स माई वाइफ, आई वॉन्ट टू डाइवोर्स माई वाइफ, आई वॉन्ट टू डाइवोर्स माई वाइफ. लेकिन वो 3 अलग अलग महीने में भी कब, वेन वाइफ इज फ्री फ्रॉम मेंसेस, दैट इज तुहर का पीरियड, शी इज प्योर, ऐसा कंसिडर किया जाता है. ओके ठीक है, तो उस वक्त प्रोनाउंस होगा. एंड कब तक रिवोक किया जा सकता है, इससे पहले कि वो थर्ड प्रोनाउंसमेंट करे, थर्ड प्रोनाउंसमेंट पे कंक्लूसिव हो जाएगा तलाक, थर्ड प्रोनाउंसमेंट करे उससे पहले हस्बैंड को क्या करना है, अगर वो रिवोक करना चाहता है तो किया जा सकता है बराबर. तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 महीने तो होंगे ही होंगे, एज वेल एज वॉट इज एसेंशियल कि ये 3 जो आपने तुहर के पीरियड ऑब्जर्व किए हैं, तुहर के पीरियड में देर हैज टू बी नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, there has to be no sexual intercourse during the 3 periods of tuhar. बराबर है, सबको समझ आया दीपू जी, सबको समझ आया, ठीक है. एक तो आपके लिए इमोजीज इतनी शानदार दे रखी है ना चैट बॉक्स में. चलिए अब चलेंगे हम तलाक के तफवीज पर, लियन पर, एंड डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज पर चलने वाले हैं. क्लियर? चलो बराबर, चलो हम केस डिस्कस करेंगे अभी, शायरा बानो का केस डिस्कस करेंगे. ओके, उससे पहले मैं चाहती हूं कि मैं आपको ये सारे टाइप्स ऑफ तलाक बता दूं, ताकि आपको ये पता रहे कि क्या क्या टाइप का तलाक आता है, एग्जैक्टली क्या मीनिंग है. लियान का मीनिंग बताओ, लियान का मीनिंग क्या होता है. तलाक के तफवीज की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली क्या होता है, हस्बैंड किसी को पावर डेलीगेट करता है. क्या करता है, हस्बैंड किसी को पावर डेलीगेट करता है, किसी थर्ड पर्सन को ये पावर देता है कि या तो हस्बैंड खुद डाइवोर्स दे सकता है, या थर्ड पर्सन को बोलता है कि तुम मेरे बिहाफ पे जाके मेरी वाइफ को तलाक प्रोनाउंस करके आ जाओ. सो द एग्रीमेंट मेड बिफोर और आफ्टर द मैरिज प्रोवाइडिंग दैट वाइफ इज एट लिबर्टी टू डाइवोर्स हरसेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड इन स्पेसिफिक कंडीशंस इज वैलिड. अब तलाक ए तफवीज में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच ये एग्रीमेंट होता है कि जब यहां पर वाइफ चाहे या हस्बैंड चाहे, वो क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को यहां पर तलाक देने के लिए. हस्बैंड में डेलीगेट हिज पावर टू तलाक टू एनी थर्ड पार्टी और इवन हिज वाइफ. सो बेसिकली वो वाइफ को ये पावर देता है कि तलाक जब हमारी लेने की इच्छा होगी तब तुम खुद से बता देना. तो बेसिकली वो वाइफ को पावर दे रहा है कि तुम तलाक ले सकती हो मुझसे, क्या कर सकती हो, तलाक ले सकती हो मुझसे. सो बेसिकली हस्बैंड दो तरीके के एग्रीमेंट कर रहा है, या तो थर्ड पर्सन को बोलेगा कि मेरी वाइफ को जाके तलाक दे के आ जाओ, या फिर वाइफ से ही एग्रीमेंट करता है कि तुम मुझसे जब चाहे तलाक ले सकती हो. सो कैन आई से कि यहां पर वाइफ का अधिकार बनता है डाइवोर्स लेने का. कैन आई से, क्या मैम ऊपर ये लिखा है कि ये 3 तरीके के जो डाइवोर्स है वो वाइफ ही, तलाक नहीं मतलब डाइवोर्स नहीं, तलाक जो है वाइफ ही प्रोनाउंस कर सकती है. ओके, लियान का मतलब क्या है, फटाफट से बताओ, व्हाट इज मेंट बाय लियान. एंड फिर आता है डिसोल्यूशन ऑन मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939. यहां पे कुछ नंबर ऑफ ग्राउंड्स दे रखे हैं, ये रहे हमारे ग्राउंड्स, यहां पे कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बिहाफ पे वाइफ कोर्ट में जाके डाइवोर्स ले सकती है. क्या ले सकती है, वाइफ यहाँ पे डाइवोर्स ले सकती है. म्यूचुअल कंसेंट से 2 तरीके के तलाक होते हैं, एक होता है खुला, दूसरा होता है मुबारक. क्या होता है, एक होता है खुला, दूसरा होता है मुबारक. खुला का मतलब ये है कि वाइफ रिलीज कर देती है, दैट इज टू से कि वो ओपनली आके दोनों डिस्कस करते हैं. खुला का मतलब क्या होता है, खुल के अपने मन की बात वाइफ हस्बैंड के सामने रखती है कि भाई देखो अपना तो नहीं जम रहा है, तो तुम तुम्हारे रास्ते, मैं मेरे रास्ते. तो बेसिकली यहाँ पे खुल के डिस्कशन होता है. तो आप इस तरीके से समझ सकते हो दैट वाइफ हैज राइट टू एक्सरसाइज हर राइट टू रिलीज फ्रॉम द मैरिज फ्रॉम हर हस्बैंड, बट प्रोवाइडेड कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए कि वाइफ यहाँ पे ऑफर करेगी हस्बैंड को कि चलो भाई तलाक लेते हैं, और यही ऑफर क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए हस्बैंड के द्वारा, तब कहेंगे हम कि ये क्या होता है, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है. ठीक है, 2 तरीके से हो रहा है आयुषी, इसमें तलाक के तफवीज में आप डेलीगेट कर रहे हो
यू आर गिविंग द पावर. तो यहाँ पे हस्बैंड एग्रीमेंट से वाइफ को पावर दे रहा है कि तुम जब चाहो तो मुझसे डाइवोर्स ले सकती हो. और दूसरा थर्ड पर्सन को ये पावर देता है कि इस थर्ड पर्सन को अगर मैं बोल दूं तो ये कभी भी जाके मेरी वाइफ को मेरी साइड से डाइवोर्स प्रोनाउंस कर देगा. तलाक के तफवीज का मतलब क्या होता है आयुष जी? इट मीन्स डेलीगेशन, डेलीगेटिंग ऑफ द पावर. अब हमको पता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को पावर्स डेलीगेट करती है तो मतलब वो अपने सबॉर्डिनेट को बोल रही है कि आप हमारे बिहाफ पे कार्य कर लीजिए. तो हस्बैंड ने बेसिकली अपना तलाक देने का पावर वाइफ को दे दिया है एग्रीमेंट के थ्रू कि तुमको जब इच्छा है तो डाइवोर्स ले लीजिएगा, ठीक है. एंड अगर वो थर्ड पर्सन को भी ऐसे एग्रीमेंट के साथ बोले कि मैं जब तुम्हें बोलूं तो तुम मेरे बिहाफ पे जाके क्या करना, मेरी वाइफ को डाइवोर्स प्रोनाउंस कर देना. तो यहाँ पे डाइवोर्स डाइवोर्स का तलाक प्रोनाउंस किया जा सकता है. कमिंग टू म्यूचुअल फॉर्म ऑफ तलाक, जहां पे हमें नेक्स्ट पढ़ना है मुबारत. अब यहाँ पे क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं. यहाँ पे कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टी म्यूचुअली कर रही हैं. लेकिन खुला में प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, वाइफ को प्रायोरिटी दी जा रही है कि वो हस्बैंड को ऑफर करे और ऑफर हस्बैंड क्या करे, वापस एक्सेप्ट करे. लियान का मतलब बताओ. वेरी गुड कुमार जी, वेरी गुड, दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर. लियान पे आती हूँ मैं, ठीक है. कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है या पहले मुझसे पढ़ चुके, दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग. जैसे पॉलियंड्री मैंने पूछा, लियान पूछा, आगे एक दो वर्ड्स और पूछने वाली, ठीक है, सुनो अच्छे से. सो खुला और मुबारक में डिफरेंस समझना. खुला में बेसिकली हस्बैंड वाइफ म्यूचुअली एग्री करते हैं, लेकिन तफवीज में तो वाइफ को बोलता है तुमको जब डाइवोर्स तलाक देना दे देना. लेकिन खुला में वाइफ पहले ऑफर करेगी आयुष जी, हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करेगा और तब डिस्कशन होगा प्रॉपर, उसके बाद वो डाइवोर्स कर देंगे. मुबारक में यहाँ पे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी ऑफर कर सकता है, हस्बैंड भी ऑफर कर सकता है, वाइफ भी ऑफर कर सकती है. और अगर हस्बैंड ने ऑफर किया और वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया ना म्यूचुअल, तो हो गया म्यूचुअल, दोनों में से कोई भी ऑफर कर सकते हैं. बस खुला में यह है कि हमने वाइफ को प्रायोरिटी दे रखी है कि तुम खुल के अपनी मन की बात बोलो और यहाँ पे तलाक दे सकती हो. क्लियर है, डन. इज इट नेसेसरी कि और कुछ भी एक्सप्लेन किया. चलो लियान पे आते हैं. अब लियान क्या होता है स्टूडेंट्स, लियान का मतलब ये है कि बेसिकली हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड कोई आरोप लगाता है, अनचेस्टेन आरोप झूठा है, वाइफ डाइवोर्स. यस, बेसिकली हस्बैंड वाइफ के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाता है. क्या लगाता है, कुछ एलिगेशंस लगाता है कि तुम अच्छे कैरेक्टर की नहीं हो, तुम अनचेस्ट हो चुकी हो. लेकिन जब प्रूफ की बात आती है तो वाइफ के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहां पे जाके वाइफ क्या कर सकती है, डिक्री ले सकती है. किस चीज की, डाइवोर्स की. तब यहां पे वाइफ क्या कर सकती है, डिक्री ले सकती है, डाइवोर्स डिक्री ले सकती है कि वाइफ के ऊपर आपने झूठा आरोप लगाया. क्या लगाया, वाइफ के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया है कि उसने ऐसा कोई कार्य किया है जबकि उसने ऐसा कोई कार्य नहीं किया होता है. सो लियान का मतलब ही आपको ये पता होना चाहिए, लाई है. जहां पे वाइफ के अगेंस्ट आप कुछ फॉल्स चार्जेस लगा रहे हो जो कि एडल्ट्री का भी चार्ज हो सकता है, तो इस ग्राउंड पे वो सेक्शन, नॉट सेक्शन बट एक्ट 1939 में वो क्या कर सकती है, कोर्ट के पास जा सकती है और डाइवोर्स ले सकती है. सो मैं यहां पे लिखूंगी लाई, हस्बैंड झूठा आरोप लगाता है, तब जाके विमेन 1939 के एक्ट में क्या कर सकती है, हस्बैंड से क्या ले सकती है, डाइवोर्स ले सकती है. प्रिया जी इज इट क्लियर, अगर सबको क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे जहां पे हमें पढ़ना है ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट. क्लियर है सबको, क्लियर. चलो अब सुनो, सेक्शन नंबर टू अगर हम देखें, मुस्लिम मैरिज रेजोल्यूशन एक्ट 1939, मुझे याद दिलाएंगे सारे स्टूडेंट्स ये पढ़ने के बाद हमें सायरा बानो का केस पढ़ना है. किसका पढ़ना है, सायरा बानो का, एक इंपॉर्टेंट केस पढ़ना है. पूरा हम फैक्ट समझेंगे अच्छे से. सायरा बानो, शाह बानो नहीं भूलेंगे ना, जीजेएस वाले दीपू जी सबको पता है सायरा बानो कब आई, शाह बानो कब आया, ठीक है. तो हम यहाँ पे किसका केस पढ़ेंगे, सायरा बानो का केस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज. चलो अब सुनो, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939 ने वाइफ को कुछ ग्राउंड्स दिए हैं. किसको दिए हैं, वाइफ को. सो कैन आई से 1939 सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में कुछ ग्राउंड्स सिर्फ और सिर्फ वाइफ को दे रखे हैं. यस और नो, यस और नो. हमने बोला रेप, सोडोमी, बेस्टियालिटी मेंटेनेंस है, लेकिन फिर भी मेंटेनेंस दिया नहीं. कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ डाइवोर्स ले सकती है, या फिर शी रिप्यूडेट्स द मैरिज बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 इयर्स.
क्लियर, वैसे के वैसे 1939 का जो एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को कुछ ग्राउंड्स देता है, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, कि वो इन ग्राउंड्स पे डायवोर्स डिक्री लेगी. क्या लेगी? डायवोर्स डिक्री लेगी. टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ टाइम पीरियड का अलग से मेंशन कर रखा है. इतना सा पढ़ लोगे आपको बाकी यहाँ पे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्लियर? सुनो अच्छे से. सेक्शन नंबर 2 ऑफ मुस्लिम मैरिज डायवोर्स एक्ट ये कहता है, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ये कहता है कि अगर हस्बैंड एब्सेंट रहा, हस्बैंड एब्सेंट रहा कितने टाइम तक के लिए स्टूडेंट्स? 4 इयर्स के लिए. कैन आई से इट इज अ टाइप ऑफ अ सिविल डेथ, जैसे कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जहां हमें 7 इयर्स दे रखा है, मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में कितना दे रखा है? कितना दे रखा है यहां पे? 4 इयर्स दे रखा है. क्लियर? आती हूँ खुशबू जी. ओके, यस यस यस. इसमें सक्सेशन भी कराऊंगी. सक्सेशन सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर याद रखना है, और वो भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का शेयर याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है, क्योंकि नहीं पूछा जाता है इतना डिफिकल्ट एग्जाम में. ओके, क्लियर है? ड्रीम्स ऑफ डेली लाइफ. ओके, सो अगर हस्बैंड 4 इयर्स के लिए एबसेंट है, अब देखो ग्राउंड क्या है. डिग्री पास ऑन दिस ग्राउंड विल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ पासिंग इट. जिस दिन डिग्री पास हुई उसके 6 महीने बाद इफेक्टिव होगी. एंड अगर हस्बैंड उन 6 मंथ्स में आ गया, देन ही कैन रिक्वेस्ट द कोर्ट टू सेट असाइड द डिग्री. तो 6 महीने के अंदर अंदर जिस दिन डिग्री पारित हुई है, हस्बैंड अपियर हो गया, डिग्री को सेट असाइड किया जा सकता है. सेकेंड ग्राउंड इज अगर हस्बैंड फेल कर दे वाइफ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज मेंटेनेंस ना दे. कॉज इज इमेटीरियल, कोई जरूरी नहीं है कि क्या कॉज है, चाहे पॉवर्टी हुई, इनकैपेसिटी हुई, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. Wife is entitled to divorce if the husband has failed to maintain her for 2 years. 2 साल तक के लिए कोई मेंटेनेंस नहीं दिया है ना वाइफ को, तो ये माना जाएगा कि आपने आपने उसको मेंटेन नहीं किया है, उसके पीछे उसकी ड्यू केयर नहीं ली है. शी मे नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ओइंग टू हर बैड कंडक्ट. क्या मैं कह सकती हूँ सेक्शन नंबर 125 जैसा है? अगर वेमेन एडल्ट्री कर रही है, या जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में अगर वो अनचेस्ट है ना, अच्छे प्योर मॉरल वैल्यू की नहीं रही है, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं. वेलकम टू द क्लास राजेश जी. बराबर, क्लियर? तो वैसे के वैसे 2 इयर्स का यहाँ पे आप अगर मेंटेन नहीं किया है तो वुमेन डाइवोर्स ले सकती है. अगर वुमेन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, दैट इज अनचेस्ट है, या कंडक्ट अच्छा नहीं है, यहाँ पे मेंटेनेंस उसको रिफ्यूज किया जा सकता है. थर्ड बोला है इम्प्रिजनमेंट मिला है हस्बैंड को, कितना? 7 इयर्स और मोर, 7 साल या 7 साल से ज्यादा का. ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. आगे 2019 के एक्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है? तलाक के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो इस ग्राउंड पे विमेन क्या कर सकती है? डायवोर्स ले सकती है अगर हस्बैंड को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा मिली गई. नेक्स्ट है फेलियर टू परफॉर्म द मैरिटल ऑब्लिगेशन, मतलब कॉन्जुगल राइट्स को अगर हस्बैंड परफॉर्म नहीं कर रहा है 3 इयर्स तक के लिए, कितने इयर्स के तक के लिए? 3 इयर्स तक के लिए विमेन कैन टेक डाइवोर्स. फिफ्थ पॉइंट बोला है अगर हस्बैंड इंपोर्टेंट हो जाता है, इंपोर्टेंट था या तो मैरिज के टाइम पे एंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, मतलब जब से मैरिज हुई है तब से उसकी इंपोर्टेंसी ठीक नहीं हुई है, वाइफ कैन टेक दी डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. सिक्स्थ इज अगर हस्बैंड इंसैनिटी, लेप्रसी या वेनेरल डिजीज से गुजर रहा है. स्टूडेंट्स एक बार बेरेक चेक करके बताएंगे, एज फार एज आई नो 1939 में से ये लेप्रसी वर्ड हटाया नहीं गया है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में 2019 के अमेंडमेंट से लेप्रसी वर्ड रिमूव कर दिया गया था. बराबर, तो यहां पे अगर इंसैनिटी है हस्बैंड को 2 साल तक के लिए, पागल ये अनसाउंड माइंड का है, वाइफ कैन टेक डाइवोर्स. एंड बाकी जो दूसरे डिजीज है इनका कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, इनका कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि इतने पर्टिकुलर टाइम तक के लिए ये डिजीज से सब्सिस्ट करेगा तो ही आप डाइवोर्स ले सकते हो. पता चला लेप्रेसी है, वेनेरल डिजीज है, कम्युनिकेबल है, नॉन ट्रीटेबल है, वाइफ कैन टेक डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड अंडर मुस्लिम मैरिज ऑफ डिसोल्यूशन एक्ट 1939. रेप्यूटेशन ऑफ मैरिज, अगर विमेन की शादी हुई कब? बिफोर रीचिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जब वो 15 की थी उससे पहले उसकी शादी हो गई, लेकिन जब वो 18 की हो रही है उससे पहले अगर वो मैरिज को डिसॉल्व करना चाहे तो वो कर सकती है, उसको 1939 के एक्ट में अपनी एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी. क्लियर है? सेम ग्राउंड कहां था? सेक्शन नंबर 13(1)A में भी था, जहां हमने वाइफ को राइट दिया है दैट शी हैज राइट अगर मैरिज 15 ईयर से पहले क्या हुई है, शादी करवा दी गई है, चाइल्ड मैरिज हुई है, लेकिन 18 से पहले पहले वो क्या कर सकती है, मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है. अगर हस्बैंड ने क्रुएलिटी किया तो यहां पे डाइवोर्स लिया जा सकता है. एंड एनी अदर ग्राउंड अलाउड बाय मुस्लिम लॉ. सो देयर आर टोटल 9 ग्राउंड्स अंडर विच इन योर 1939 का एक्ट इन विच अ मुस्लिम वाइफ इज एंटाइटल्ड टू टेक द डाइवोर्स. आपको ये 9 के 9 ग्राउंड याद होने चाहिए, और स्पेसिफिकली ये
पांच टाइम पीरियड याद होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ हस्बैंड्स, 4 ईयर्स, फेलियर टू मेंटेन, कितने साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए ध्यान नहीं दिया, हस्बैंड को इंप्रिजनमेंट मिल गई 7 साल या 7 साल से ज्यादा, एंड फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशंस 3 ईयर्स, क्लियर है? ओके कुमार जी, इस पे मैंने शॉर्ट बना के भी भेज दिया है, बस प्रिपेयर हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं बोला था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या बोला है, नो मैटर इवन इफ हस्बैंड इज अ प्रोफेशनल बेगर, इट इज द लीगल एंड द मॉरल लाइबिलिटी ऑफ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ। छोटा सा एक ऑर्डर है, 2-3 पेजेस का ऑर्डर निकाला है, पर शानदार ऑर्डर निकाल दिया। बट वॉट अबाउट द हस्बैंड्स भाई, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, प्रोफेशनल बेगर है तो भी हस्बैंड वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? ओके चलो, सो इट वॉज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। ओके चले आगे, सबको ये पॉइंट अगर क्लियर है तो अब आएंगे हम कहां पे स्टूडेंट्स, शायरा बानो केस पे। किस पे आएंगे? शायरा बानो केस पे। शायरा बानो का केस किस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे लिए? ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, किस पॉइंट से? ट्रिपल तलाक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिपल तलाक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, बराबर? सुनो, नाम है केस का सायरा बानो वर्सेस, सायरा बानो वर्सेस, पूरा नाम बताओ। अब देखो 2017, ठीक है, जब मैं बात करूं इस एक्ट की तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ये एक्ट आपके आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। सायरा बानो का जो केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार ऐसे ही राइटिंग आता है भले ही आपके यहाँ पे मुस्लिम लॉ आए या नहीं आए। ओके क्या हो गया? अच्छा, अरे डोंट बी सॉरी, यस यस, वीकली जो है, जो आकृति मैम आपको वीकली सुप्रीम कोर्ट का जो करवाती है, राउंड अप करवाती है, दैट इज मोर देन इनफ। देखा करो मैम, कुछ अच्छे अच्छे केस लॉज लेके आ रही जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो हाई कोर्ट वगैरह का आया तो हमारी टीम कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता देती है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया कि अमेंडमेंट हो गया या एक्ट पास हो गया, तो शॉर्ट के माध्यम से दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। तो वो वीकली राउंड अप जरूर देखा करो मैम, बैक डेट से उसको कवर कर रही है, आई थिंक जनवरी से मैम उनको कवर करने का कोशिश कर रही है, तो जरूर देखा करो, हार्डली 30-35 मिनट्स में शॉर्ट में मैम उनको कंप्लीट करे, दैट इज मोर देन इनफ, उसकी पीडीएफ भी ले लिया करो, ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो इट इज यूनियन ऑफ इंडिया, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब देखो मैंने बोला है कई बार आपको कंफ्यूज होता है शाह बानो और दूसरी कौन सी है, शायरा बानो। शायरा बानो हमको पता है तलाक का मामला अभी अभी आया था, तलाक का मामला अभी अभी आया था, मतलब 2017 में आया है। शाह बानो का मामला कब आया था? शाह बानो का मामला कब आया था? शाह बानो का मामला आया था बहुत ज्यादा पहले, आई थिंक इट इज 1987 और समथिंग। तो ये हमको पता है कि शाह बानो किससे डील करती है, मेंटेनेंस से डील करती है। अगर हम रोल नंबर वाइज इसको लगाएंगे, एस एच ए पहले आएगा, एस एच ए वाई बाद में आता है, मतलब सायरा बानो बाद में आई है, लेटेस्ट आई है, अब भी आई है, तलाक से डील करती है, क्लियर है ये चीज? ओके अब सुनो अच्छे से, बताइए शुभम जी। शुभम जी मैं समझा हिंदी में ही रही हूं, है ना, तो थोड़ा आप मेक श्योर करें कि आप भी दोनों लैंग्वेजेस को कवर करने की कोशिश करें, विद टाइम वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम टर्मिनोलॉजीज भी हिंदी में डेफिनेटली कवर करें, ठीक है? हाँ जी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि इस सेशन की पीडीएफ, जो भी माइनर लॉज वन शॉट है उसकी पीडीएफ आपको लॉ वाला चैनल पे मिल जाएगी, है ना। हाँ थोड़ा आई नो 2 दिन डिले हो गया था बीच में, आई डोंट नो व्हाई टीम कुड नॉट अपलोड इट एंड टीम वॉज नॉट अवेलेबल, तो जेजे एक्ट और लिमिटेशन की एक साथ डलवाई मैंने, नहीं जेजे एक्ट और हिंदू लॉ की एक साथ डलवाई, ठीक है। चलो अब देखो शायरा बानो में बेसिकली इन्होंने 3:2, दैट इज 5 जज बेंच थी, 5 जज बेंच में, बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला कि ट्रिपल तलाक क्या है, इलीगल है, इलीगल है और वॉइड है, इलीगल है और वॉइड है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 14 क्या हो रहा है, विमेन का वॉयलेट हो रहा है, जहां पे हम राइट टू इक्वालिटी किसको दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को दे रहे हैं, हम विमेन का नेचुरल जस्टिस, चाहे नेचुरल जस्टिस हो गया है, रूल ऑफ लॉ हो गया है, उसके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, यहां पे इन्फ्रिंज कर रहे हैं, इसीलिए इस ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। और क्या बोला, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 इज वॉइड वेर इट रिकॉग्नाइजेस एंड एनफोर्सेस ट्रिपल तलाक।
तो 1937 का जो एक्ट है, दैट इज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, वो वॉइड है जो कि ट्रिपल तलाक को अलाउ करता है। वो क्या है स्टूडेंट्स, वो वॉइड है जो कि ट्रिपल तलाक को अलाउ करता है। इसीलिए इन्होंने ये बोला, देखो अब इनका क्या कहना था कि आर्टिकल नंबर 25, मुस्लिम रिलीजन का कहना था कि आर्टिकल नंबर 25 के तहत हमारे पास राइट है कि हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि तलाक उल बिद्दत को अगर प्रैक्टिस करते हो तो इट इज नॉट प्रोटेक्टेड, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 एज इट इज नॉट एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इस्लामिक रिलीजन, एज इट इज नॉट एसेंशियल एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अगर कोई चीज रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग एसेंशियल है तो उसको हम राइट टू रिलीजन के अंडर कवर करेंगे, अदरवाइज हम उसको कवर नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? सो दिस वाज योर शायरा बानो वर्सेस यून ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रिपल तलाक को क्या डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। बराबर। और शाहबानो में क्या बोला गया, शाहबानो में यह बोला गया है, नो मैटर इवन इफ वाइफ इद्दत पीरियड ऑब्जर्व कर रही है या नहीं कर रही है, इद्दत पीरियड के दौरान भी वाइफ इज एंटाइटल टू व्हाट, एंटाइटल टू मेंटेनेंस। अभी हम आएंगे जब मेंटेनेंस की बात करेंगे तब आएंगे, ठीक है? क्लियर? तो ये एक्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे एज ऑफ प्यूबर्टी की। एज ऑफ प्यूबर्टी आपको मैरिज के कॉन्टेक्स्ट से पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ मैरिज के कॉन्टेक्स्ट से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए एक ऐसा माइनर जिसकी 15 साल से पहले शादी कर ली गई है तो उसको क्या ऑप्शन है, क्या राइट है कि वो मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है या नहीं करवा सकता है, ठीक है? टेबल्स क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, लॉ मेड इजी। ओके, मुस्लिम लॉ अगर देखोगे तो बहुत इजी है ना, ठीक है? अब सुनो अच्छे से, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, 15 ईयर्स इज एज ऑफ द प्यूबर्टी। मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स, 15 की एज पे मिच्योर हो जाता है, मेजर हो जाता है, जिसको कि मुस्लिम लैंग्वेज में बोला गया है खैर उल बलक, दैट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। किस चीज का ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है आपको कि या तो आप अपनी मैरिज को वैलिड ठहरा सकते हो या वॉइड ठहरा सकते हो, मतलब कैंसिल करवा सकते हो। वैलिड जो, सॉरी, इनका जो जनरल रूल है वो आप समझना, प्यूबर्टी के टाइम पे अगर आप अपनी मैरिज को कैंसिल करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, लेकिन प्यूबर्टी से पहले, दैट इज बिफोर 15 ईयर्स ऑफ एज, अगर किसी की मैरिज उसके फादर या ग्रैंडफादर ने कॉन्ट्रैक्ट करवाई है, क्यों, क्योंकि कंसेंट वहां पे किसकी ली जाएगी, पेरेंट्स की ली जाएगी, गार्डियंस की ली जाएगी, और अगर गार्डियंस ने वहां पे कंसेंट दे दी, मैरिज करवा दी, तो वो मैरिज कैसी होती है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग होती है। कैसी होती है, बाइंडिंग होती है। वो फिर प्यूबर्टी पर आने पर भी मैरिज को कैंसिल नहीं करवा सकते हैं, लेकिन लेकिन अगर ये पता चले कि फादर या ग्रैंडफादर ने फ्रॉडेंटली या नेग्लिजेंटली मैरिज करवाई है तो माइनर क्या करा सकता है, उस मैरिज को रेप्यूडेट करवा सकता है, जब वो कहां पहुंचे, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की एज पे उस मैरिज को वॉइड घोषित करवा सकता है, उसको रेप्यूडेट कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। ग्राउंड क्या है, अगर फादर या ग्रैंडफादर ने फ्रॉडेंटली या नेग्लिजेंटली मैरिज करवाई है। ध्यान रखना, एक माइनर की शादी करवाने के लिए मुस्लिम लॉ में सिर्फ और सिर्फ फादर या फिर ग्रैंडफादर ही कंसेंट दे सकते हैं, अगर वो माइनर है तो। शादी हुई है, बाइंडिंग है, लेकिन फ्रॉड कमिट हुआ है नेग्लिजेंटली। अब पता चला कि जिसके साथ शादी करवाई गई है, जिस लड़के के साथ शादी करवाई है, वो तो 50 साल का था, फ्रॉड कमिट हुआ नेग्लिजेंटली, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इससे लड़की का फ्यूचर खराब हो जाएगा ना। सो व्हेन शी अटेन्स द एज ऑफ 15, दैट इज प्यूबर्टी की एज पे आती है, तो वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे मैरिज को रेप्यूडिएट कर सकती है। 15 की एज पे आते ही शी कैन, लेकिन शादी 15 से पहले होनी चाहिए। 15 की एज पे आते ही शी कैन रिप्यूडिएट, लेकिन कब से पहले रिप्यूडिएट करनी, 18 से पहले हो तब से, उससे पहले पहले आपको मैरिज रिप्यूडिएट कर देनी है। दैट इज टू से यू हैव 3 ईयर्स ऑफ टाइम टू रिप्यूडिएट योर मैरिज। तो ये राइट कब एक्सरसाइज किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ये राइट तब एक्सरसाइज किया जा सकता है जब मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है। देर हैज बीन नो सच रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, मैरिज को अगर कंज्यूमेट नहीं किया गया है, प्लस मैरिज कब हुई थी, बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स, तो 15 की होते ही एंड बिफोर टर्निंग 18 शी कैन रेप्यूडिएट द मैरिज। लेकिन अगर मैरिज को रेप्यूडिएट करने में आपने डिले किया
तो फिर आपका ये राइट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है. आप अपने इस राइट को, दैट इज मैरिज को रेप्यूडेट करने के राइट को एक्सरसाइज नहीं करवा सकते. एंड व्हेन यू हैव नो राइट टू रेप्यूडेट द मैरिज, अगर मैरिज फादर या ग्रैंडफादर ने क्या की थी, स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करवाई थी, बाइंडिंग है माइनर पे. बस एक्सेप्शन क्या है कि फ्रॉडेंटली और नेग्लिजेंटली अगर उन्होंने करवाई है मैरिज को, ऐसा तो वो रेप्यूडेट की जा सकती है. ठीक है, आई थिंक इट इज खैर उल बुलग, ख्याल उल बुलग है तो वो भी कर सकते हो. सब जगह अलग अलग दे रखा है, लेकिन एज फार एज आई नो मेरी बुक्स में इट वॉज खैर उल बलग. ठीक है, ओके, डन. यस, सेक्शन नंबर 125 इज सेक्युलर इन नेचर ऑफ सीआरपीसी. इट इज सेक्युलर इन नेचर एंड इट अप्लाइज टू ऑल द रिलीजन. मेंटेनेंस पे मैंने क्लास ले रखी है सीआरपीसी में, तो आप जरूर जाके देखिएगा, लगभग आधे घंटे की ही क्लास है. कौन से ग्राउंड्स है, कब कैंसिल किया जा सकता है, कौन से कोर्ट में अप्लाई करना है, ज्यूरिसडिक्शन, ऑल्टरेशन, सब कुछ दे रखा है उसमें. और मैंने वहां पे आपका शाहबानो का केस भी डिस्कस किया है. क्लियर है? ओके देवेश जी, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा. हो सकता है देखो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है. कुछ ऐसे कह सकते हैं कि हम इस्लामिक वर्ड है ना, इस्लामिक कहते हैं, कौन से वर्ड्स कहते हैं, मैं नाम भूल गई. ठीक है, तो क्या होता है कि काफी जगह आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है. ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, जहां पे अब हम पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस. अब मेंटेनेंस पे यहाँ पे मैं आपको पूरा इनका प्रोसीजर समझाने वाली हूँ, कैसे शाहबानो का केस आया, फिर 1986 का एक्ट आया, फिर डैनियल लतीफी आया एंड पोस्ट डैनियल लतीफी. ठीक है, अब सुनो अच्छे से. जब हम बात करें मेंटेनेंस की, दैट इज खर्चाए पानदान की बात करते हैं. क्या बोला जाता है इसको मुस्लिम लॉ में, इसको बोला जाता है, दैट इज उर्दू शब्द है ना, उर्दू शब्द खर्चाए पानदान बोला जा रहा है. तो पहले हमें ये देखना है कि देवेश जी यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड कौन कौन है. हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल है. वाइफ किससे लेती है, हस्बैंड से लेती है. अब सुनो, अगर हम बात करें चिल्ड्रन की तो वो किनसे लेंगे, पेरेंट्स से लेंगे. बात करें हम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की तो वो किससे लेंगे, चिल्ड्रन से लेने वाले हैं. तो यहाँ खर्चा दे सकते हैं, खर्चा लिया जा सकता है. तो जब वाइफ को हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो वाइफ को कुछ चीजें एंटाइटल करेगी और कुछ चीजें डिस एंटाइटल करेगी. डिस एंटाइटल में सीधी सी चीज है, अगर वो एडल्ट्री में है, अनचेस्ट कैरेक्टर की है, या उसने रीमैरी कर लिया, या तलाक मिल गया, तो एक बार आप मेंटेनेंस दे दीजिए. एक बार मेंटेनेंस दे दिया, दैट इज होलसम अमाउंट दे दिया है, तो उसके बाद आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है. प्रोवाइडेड कि आपका कोर्ट डिक्री अगर बोले कि एनुअल सम अगर डिसाइड किया गया तो आपको देना पड़ेगा. लेकिन होलसम एक साथ अमाउंट डिसाइड कर दिया गया, एलिमनी डिसाइड कर दी गई, तो आपको उसके बाद मेंटेनेंस अलग से देने की जरूरत नहीं है. वाइफ कब एंटाइटल होती है, अगर मैरिज वैलिड है, अगर उसने अटेन कर ली है कितनी प्यूबर्टी की एज, दैट इज 15 ईयर्स, एंड इफ शी रिमेन्स फेथफुल. इफ शी रिमेन्स फेथफुल, फेथफुल मतलब अगर वो अनचेस्ट नहीं है, अगर वो अडल्ट्री कमिट नहीं कर रही है, तो उसको यहाँ पे मेंटेनेंस मिलेगा. लेकिन इन ग्राउंड्स पर वो अपना मेंटेनेंस का राइट लूज नहीं कर देती. कौन से वो ग्राउंड्स है, इफ शी रिफ्यूजेस टू एक्सेस टू हस्बैंड, हस्बैंड को खुद को एक्सेस करने के लिए मना कर देती, दैट इज शी डजंट अलाउ हर हस्बैंड टू कम क्लोज टू हर. लेकिन ग्राउंड्स कौन से हैं, लॉफुल ग्राउंड्स हैं. लॉफुल ग्राउंड्स हो सकते हैं, मतलब अगर फिफ्थ वाइफ के साथ शादी की है, अगर हस्बैंड इज यू नो सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, चाहे वो वेनेरल डिजीज हो, चाहे वो इलनेस हो, तो इन ग्राउंड्स पे अगर वो हस्बैंड को खुद के करीब आने से मना कर दे, तो भी वो मेंटेनेंस लेने के अलाउ है, अलाउड है. ऐसा नहीं हस्बैंड कैन नॉट से दैट शी इज नॉट लेटिंग मी परफॉर्म द कॉन्जुगल राइट्स. मैरिज अगर कंज्यूमेट नहीं हुई है बिकॉज हस्बैंड ने प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, हस्बैंड अभी भी माइनर है, तो हस्बैंड अगर माइनर है और इस वजह से मैरिज कंज्यूमेट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है दैट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस. ओके, नेक्स्ट इज अगर हस्बैंड एब्सेंट है, हस्बैंड 4-5 महीने 10 महीने से घर ही नहीं आए हैं, तो दैट हस्बैंड कैन नॉट से कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, सो मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा. नो, यू हैव टू गिव. एंड इफ हस्बैंड इज इल, सो दैट डजंट मीन दैट शी विल रिफ्यूज टू गिव मेंटेनेंस टू वाइफ. ओके, ने पैसे लेकर माइनर की, हाँ तो फ्रॉडुलेंट हुआ ना, फ्रॉडुलेंट हुआ अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लग रहा है. यू सी, पहली बात तो यहाँ पे कंसिडरेशन अलाउड है, हालांकि कंसिडरेशन किसको देते हैं, कुमार गौरव जी, वाइफ को जाता है. लेकिन अगर मान लीजिए पेरेंट्स ने ले लिया, तो एक तरीके का सौदा हो गया ना, बेचना हो गया. अगर ऐसा एलिमेंट लग रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह का ऐसा कुछ एलिमेंट लग रहा है, तो डेफिनेटली शी कैन रिफ्यूज. ओके ओके, अनजस्ट मीन्स राजेश जी वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं रही है, मॉरल वैल्यूज एथिक्स उसने खो दिए हैं. ठीक है, तो वो कुछ ऐसा प्रोफेशन करने लगी है, प्रोफेशन को प्रोफेस करने लगी है, या कंटिन्यू करने लगी है, या उसको प्रैक्टिस करने लगी है, जो उनके रिलीजन के या उनके कम्युनिटी या उनके धर्म के या उनके कास्ट के कॉन्ट्ररी है. ठीक है, इमोरल है थोड़ा. ओके,
चलिए आगे, जहां हम पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस। तैयार हो जाइए, अब हम यहां पे पढ़ेंगे क्या पूरा प्रोसीजर है, क्या जो है पूरा सीक्वेंस रहा था इस स्टोरी का। तो ये समझने के लिए जरूरी है कि हम ये समझें कि सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई थी। देखो, स्टार्टिंग हुई थी 1985 से। मैंने आपको एक्ट क्या बोला था, उस वक्त केस का क्या नाम बताया था, 1987 बताया था ना। इट इज नॉट 1987, इट इज 1985। ठीक है, 1985। चलिए स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑन 6th of April वी आर गोइंग टू डू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड 8th of April को सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, लॉ रिलेटिंग टू मेंटेनेंस पहले देखो। बिफोर शाहबानो केस 1985 में शाहबानो का जजमेंट आया था, उससे पहले क्या था, उससे पहले मुस्लिम वेमेन हैड नो राइट ऑफ मेंटेनेंस। कोई राइट था ही नहीं उनका मेंटेनेंस का, हैड नो राइट ऑफ मेंटेनेंस। क्लियर है, इद्दत पीरियड वहां डेफिनेटली ऑब्जर्व करती थी वो, इद्दत पीरियड डेफिनेटली वहां पे क्या करती थी, ऑब्जर्व करती थी। सो अंडर सेक्शन नंबर 125, अच्छे से सुनना सारे स्टूडेंट्स, ओके, अंडर सेक्शन नंबर 125, उस सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी, शी वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। नाउ सी, मेंटेनेंस इज डिफरेंट, डावर एंड मेहर इज डिफरेंट। ठीक है, सो बेसिकली एक डाउर और मेहर तो आपने मैरिज के वक्त डिसाइड कर लिया। मान लो आज से 50 साल पहले मैरिज हुई है, तो उस वक्त आपने डिसाइड किया कि 100 रुपए डाउर मेहर रहेगा अगर मैरिज को डिसॉल्व करना है। और आज 50 साल बाद 100 या 500 रुपए में कुछ होता है क्या? नहीं होता। 50 साल बाद अगर मैरिज को डिसॉल्व किया जा रहा है और आप बोल रहे हो कि हमने तो डाउर इतना ही डिसाइड किया था, नो। सो मेंटेनेंस लेने के लिए 125 में वुमेन एंटाइटल्ड ही नहीं थी। डाउर और मेहर डेफिनेटली उनको अपने कस्टमरी राइट्स या रिलीजियस राइट्स के अकॉर्डिंग मिलता था, लेकिन मेंटेनेंस के लिए ऐसा कोई भी राइट नहीं था। So, क्या हुआ, शाहबानो केस में एक जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ये बोला कि अंडर सेक्शन 125 आफ्टर इद्दत पीरियड आल्सो विमेन इज एंटाइटल्ड, विमेन ऑफ ऑल रिलीजन आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। समझ आ गया, 1985 से नो मेंटेनेंस, से पहले नो मेंटेनेंस। 1985 में जब शाहबानो का जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि सारी विमेन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। क्लियर है। तो अब यहां सुनो क्या क्या अब यहां हुआ। ऐसा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इस डिसीजन से खुश नहीं थी कि भाई दिस इज नॉट अलाउड। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या कहा, मुस्लिम कम्युनिटी ने यहाँ पे 1986 में एक लॉ बनाया। कौन सा लॉ था, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ये एक्ट बनाया। अब जब इस एक्ट को बनाया स्टूडेंट्स, तो इसमें इन्होंने किया क्या, इसमें इन्होंने एक सेक्शन मेंशन किया, दैट इज योर सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें इन्होंने बोला कि एक विमेन को मेंटेनेंस तो मिलेगा, दैट इज टू से मुस्लिम विमेन को मेंटेनेंस तो मिलेगा, बट ओनली टिल इद्दत पीरियड, कि हम सिर्फ और सिर्फ विमेन को उन 3 महीने या 4 महीने तक के लिए मेंटेनेंस देंगे, उसके बाद कभी कोई मेंटेनेंस देंगे ही नहीं, कभी कोई मेंटेनेंस देंगे ही नहीं। एक चीज और मेंशन की यहाँ पे कि अगर सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी का अगर किसी को मेंटेनेंस लेना है तो यह जरूरी है कि हस्बैंड कंसेंट करेगा। अगर हस्बैंड कंसेंट करता है तो ही वाइफ सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी में जाकर क्या कर सकती है, ये एप्लीकेशन दे सकती है मेंटेनेंस की। मतलब हस्बैंड कंसेंट करेगा, ओके फाइन, हम दोनों सेक्शन नंबर 125 से गवर्न होना चाहेंगे, तो ही वो 125 में मेंटेनेंस ले सकती है, अदरवाइज नॉट। एंड नाउ टेल मी व्हिच हस्बैंड विल एग्री टू गिव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन नंबर 125, जहां उसको लग रहा है कि भैया ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कोई हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा। तो 1986 में क्या किया मुस्लिम कम्युनिटी ने, पार्लियामेंट, दैट इज टू से मुस्लिम कम्युनिटी ने एजिटेशन किया, तो पार्लियामेंट ने 1986 में एक अमेंडमेंट, नॉट अमेंडमेंट, एक एक्ट बना दिया, जहां बोला सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ने ये बोल दिया मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही मिलने वाला है। तो 1986 के एक्ट के बाद ये हुआ कि डैनियल लतीफी 2001 में एक जजमेंट आया। जजमेंट क्या आया, डैनियल लतीफी का ही वो जजमेंट था, दैट इज डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 2001 का केस है, जहां पे 5 जज बेंच ने एक डिसीजन दिया।
और फाइव जज बेंच ने क्या डिसीजन दिया है कि हम 1986 का पूरा ही एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करते हैं, बस हम जो वर्ड है इद्दत अंडर सेक्शन नंबर, वर्ड इद्दत कहां दे रखा है, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंडर जो ये वर्ड दे रखा है, हम इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं, वेयर आफ्टर मुस्लिम वाइफ कुड क्लेम द मेंटेनेंस अंडर 1986 एक्ट इटसेल्फ इवन बियॉन्ड इद्दत पीरियड। तो वर्ड आफ्टर इद्दत पीरियड हटा देंगे, सिर्फ वर्ड आफ्टर इद्दत पीरियड को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हो गया, इवन आफ्टर इद्दत पीरियड विमेन अंडर कौन सा एक्ट, 1986 का, इनका खुद के पर्सनल लॉ के अंडर मुस्लिम विमेन इज एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। समझ आया। विद ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सेड एक्ट दस मेकिंग 1986 एक्ट मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू सेक्शन नंबर 125 ऑफ सीआरपीसी। तो 1986 का एक्ट क्या हो गया, और ज्यादा फेवरेबल हो गया सेक्शन नंबर 125 से, क्योंकि वहां पे मुस्लिम विमेन के लिए क्या कर दिया, और ज्यादा स्कोप ब्रॉडन कर दिया है, और ज्यादा स्कोप क्या हो गया है, ब्रॉडन कर दिया है। सो नाउ आफ्टर पोस्ट डैनियल लतीफी जजमेंट, क्या है पोस्ट डैनियल लतीफी जजमेंट, नाउ मुस्लिम विमेन इज एंटाइटल्ड अंडर 1986 का एक्ट ऑल्सो, बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी उसको मेंटेनेंस मिलता है, एंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी ऑल्सो शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। सबको समझ आया, नहीं आर्यदेव जी ऐसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। सोचो मेंटेनेंस मिलता क्यों है, मेंटेनेंस इसलिए मिलता है बिकॉज वाइफ इज अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, शी डज नॉट होल्ड सफिशिएंट मींस। मेंटेनेंस आप इसलिए नहीं देंगे कि आपको हस्बैंड को परेशान करना है, या क्योंकि हस्बैंड ने मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, हो सकता है ना वाइफ की भी गलती हो इसलिए हस्बैंड मैरिज को डिसॉल्व कर रहा है। सो यहाँ पे हमें कोई हस्बैंड को कल्प्रिट नहीं बनाना है, या उसको परेशान या टॉर्चर करने के लिए हमें उसे मेंटेनेंस उसके ऊपर मेंटेनेंस नहीं डालना है। बेसिकली मेंटेनेंस सिर्फ इसलिए मिलेगा बिकॉज जो पर्सन मेंटेनेंस की डिमांड कर रहा है उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है खुद को मेंटेन करने के लिए। ये हमारा 125 सीआरपीसी भी बोलता है, ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी बोलता है, ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी बोलता है। पढ़ के आए हैं ना हम ये सारी चीजें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नहीं एलएलबी वाला, ए टू जेड एलएलबी वाला, अभी तक सीपीसी पूरा नहीं हुआ है, सीपीसी इसरा मैम ले रहे हैं, इसरा मैम सीपीसी ले रहे हैं और सीपीसी अभी चल रहा है, सीपीसी भी अभी 1.5 महीने चलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये पूरा आपको सीक्वेंस समझ आया। 1985 में शाहबानो का केस आया, बोला कि भैया वेमेन को मेंटेनेंस मिलेगा, 125 सेक्युलर इन नेचर है, तो इससे परेशान होके या इससे दुखी होके एक नया लॉ बना, ये कम्युनिटी दुखी हुई, उन्होंने क्या बोला कि भैया हम नया लॉ बनाएंगे, कौन सा बनाया, 1986 का लॉ बना दिया जहां पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट भी नहीं गए, लेकिन क्या किया, 1986 के जजमेंट में बोलते कि सिर्फ और सिर्फ विमेन को हम क्या करेंगे, इद्दत पीरियड तक के लिए यहाँ पे मेंटेनेंस देंगे, बट आफ्टर योर दिस 1986 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था 2001 में डैनियल लतीफी के केस में, अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करते हुए, जुडिशियल रिव्यू का ही पावर यूज किया, जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करते हुए इस एक्ट में से वर्ड इद्दत ही हटा दिया है। सो दैट मींस नाउ विमेन इज एंटाइटल्ड टू दी मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत पीरियड ऑल्सो। क्लियर, सबको समझ आ गया, ये सीक्वेंस याद रखना। शाहबानो 1985, शाहबानो 1985 के बाद क्या है, 1986 का एक्ट आया, 1986 के एक्ट को किसने चैलेंज किया, डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में चैलेंज किया गया, एंड डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 के बाद नाउ विमेन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, मुस्लिम विमेन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर 1986 का एक्ट ऑल्सो एंड 125 ऑल्सो, बराबर? ओके मैम, विल द वुमेन बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द मैरिज? ओके देवेश जी, इफ शी हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, तो इफ शी हैज रिनाउंस द रिलीजन, है ना, मतलब कन्वर्जन कर लिया, तो इस एक्ट में मेंटेनेंस नहीं ले सकती, इस एक्ट में मेंटेनेंस नहीं ले सकती, बट शी कैन डेफिनेटली गो अंडर 125। नाउ यू नीड टू सी वेदर शी कन्वर्टेड बिफोर द डिसॉल्यूशन और आफ्टर द डिसॉल्यूशन। देखो आफ्टर द डिसॉल्यूशन ऑफ द मैरिज से तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन बिफोर द डिसॉल्यूशन ऑफ द मैरिज इफ विमेन कन्वर्ट्स, तो वहां क्या हो जाता है देवेश जी, मुस्लिम मैरिज में मैरिज खत्म हो जाती है। अगर मैरिज के बाद, अगर मैरिज होने का, वी ऑल नो
कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी अगर पर्सन रिलीजन चेंज करता है तो मैरिज डिसॉल्व तो नहीं होती है, बट दूसरे स्पाउस के पास ग्राउंड है कि वो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 1 में क्या कर सकता है, डाइवोर्स फाइल कर सकता है कन्वर्जन के ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने के लिए। लेकिन मुस्लिम लॉ में क्या है, एज सून एज द पार्टी कन्वर्ट्स द रिलीजन मैरिज उनकी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। सो द पार्टी हु इज डूइंग और जिसको की जिसने की वो कंडक्ट किया है जिसके बेसिस पे क्या हो रही है मैरिज डिसॉल्व हो रही है, तो दैट पार्टी वोंट बी एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। सो यू हैव टू सी द डिफॉल्ट ऑफ द पार्टी, व्हिच पार्टी इज कमिटिंग द डिफॉल्ट। ओके ठीक है, क्लियर है। स्पेशल मैरिज एक्ट में तब रिलीफ मिलेगी जब स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है, बराबर क्लियर है। ओके हिंदू मैरिज एक्ट में शादी तब मिलेगी जब हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग शादी की गई है। देवेश जी एनी मोर क्वेश्चन? क्लियर, इतना तो कंफर्म है ना कि मुस्लिम्स में मुस्लिम मैरिज में जैसे अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग शादी हुई है तो जैसे ही कन्वर्जन करते हैं ऑटोमेटिकली मैरिज डिसॉल्व हो जाती है वहां पे, ऑटोमेटिकली मैरिज वहां पे डिसॉल्व हो जाती है। क्लियर ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे चलेंगे जहां पे अब हम पढ़ने वाले हैं गिफ्ट, दैट इज हिबा। गिफ्ट बताओ टीपी एक्ट में कहां दे रखा है, सेक्शन नंबर 122 टू 129 टीपी एक्ट में हम गिफ्ट किसका किसका कर सकते हैं, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों का हो सकता है ना, दान दोनों का हो सकता है। अब त्योहार नहीं होता है, नहीं गिफ्ट को और क्या बोलते हैं, तोहफा नहीं होता है ना, दान होता है ठीक है। अब गिफ्ट को मुस्लिम लॉ में क्या बोला गया, हिबा बोला गया। एसेंशियल्स क्या है, डिक्लेरेशन होना चाहिए डोनर के द्वारा एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए डोनी के द्वारा। ये तो सेम वही हो गया जैसे हम टीपी एक्ट में पढ़ते थे, और टीपी एक्ट में क्या बोला आपको एक्सेप्टेंस कब तक करना है, जब तक कि डोनर जीवित है या जब तक कि डोनर इज केपेबल ऑफ मेकिंग द गिफ्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, बराबर चीज। एंड अगर डोनी या फिर गिफ्ट एक्सेप्ट किया जा रहा है कब, किसकी डेथ के बाद, डोनर की डेथ के बाद, तो फिर क्या होगा, वॉइड हो जाएगा गिफ्ट यहां पे ठीक है। बट किसी किसी जजमेंट में मेंटेनेंस दिया है कि अगर वाइफ को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ये बोला गया है कि हस्बैंड की लाइबिलिटी है मेंटेन करने का, मतलब क्या बोलना चाह रहे आर्य जी, किसी किसी जनरल मेंटेनेंस दिया गया है कि वाइफ को सुप्रीम, हाँ हस्बैंड की लाइबिलिटी है। देखो आपको जब भी ऐसे जजमेंट्स आते हैं हमको सिचुएशन समझिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे हस्बैंड को हर बार बोला गया कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा वाइफ को, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑल्सो। इफ वाइफ इज नॉट अर्निंग सफिशियंट तो यहाँ पे हस्बैंड को बोला जाएगा कि आपकी लाइबिलिटी, बट वाइफ बहुत अच्छे से अर्न कर रही है तो जबरदस्ती हस्बैंड को हम जहाँ हस्बैंड पे लाइबिलिटी नहीं डाली जाती है। आप एक बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया है कॉन्ट्रेरी बोला गया, एक बार फैक्ट उठा के देखना। जो आप पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अभी देखोगे प्रोफेशनल बेगर वाला केस, आपको रियलाइज होगा वहां वाइफ इज नॉट अर्निंग, अगर बच्चे भी हैं बहुत सारी चीजें हैं दैट शी हैज टू लुक आउट, जॉब भी कर रही है बट सफिशियंट मींस नहीं है, और हस्बैंड के पास है सफिशियंट मींस, अच्छा खासा कमा रहा है, सो डेफिनेटली हस्बैंड इज गोइंग टू गिव द मेंटेनेंस टू द वाइफ, और कोर्ट भी ये बोलने वाला है ठीक है। सो बेसिकली मेंटेनेंस देते हुए कोर्ट बहुत चीजों को ऑब्जर्व करता है, लाइफस्टाइल ऑफ वाइफ, द कैपेसिटी टू विच द हस्बैंड इज अर्निंग, बच्चे कौन सी स्कूल में जा रहे हैं, कौन सी क्लास में, अभी मान लो थर्ड फोर्थ में है, आज से 10 साल बाद 11th 12th कॉलेज में होंगे, तो बच्चों को भी फिर मेंटेनेंस देना पड़ेगा अलग से, हस्बैंड फादर दे सकता है अगर वो मान लीजिए मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है एज पर सेक्शन नंबर 25 125। ओके यस इट डिपेंड्स ऑन, वेरी गुड पूनम पूनम राव जी, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस। हमको यहाँ पे जनरल रूल को फॉलो करना है, जो जनरल रूल स्पेसिफिकली रिलीजन या सेक्युलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है वो है हमारा शाह बानो का केस विद रिस्पेक्ट टू योर मेंटेनेंस, ओके, एंड ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हमारा सायरा बानो है। बाकी जब आप जजेस बनेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा, मान लीजिए कोई वाइफ है जज है, हस्बैंड कुछ नहीं कमा रहा है, मान लो उसका एक नॉर्मल दिहाड़ी पे जा रहा है, नॉर्मल मान लो कहीं पे भी रोज की 300 400 रुपए की ही कमाई कर रहा है, और मान लो हस्बैंड को बच्चों की कस्टडी दे दी गई, डेफिनेटली हस्बैंड कैन आस्क फॉर द मेंटेनेंस फ्रॉम द वाइफ अंडर योर हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर है ओके चलिए। सो एसेंशियल्स क्या है, डिक्लेरेशन होना चाहिए डोनी के द्वारा, एक्सेप्ट करेगा कौन, एक्सेप्ट करेगा यहाँ पर डोनी, डिक्लेरेशन कौन करेगा डोनर की, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं, और डोनी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक आप किसी को गिफ्ट जबरदस्ती नहीं दे सकते हो, और गिफ्ट की हमेशा पोजेशन आपको डोनर देगा, डोनर देगा किसको, डोनी को। हमें एसेंशियल कंडीशन समझना है, डोनर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, डोनर यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, एज वेल एज कोई रिस्ट्रिक्शन लगा के नहीं देना चाहिए। कैन आई से एब्सोल्यूट राइट देना चाहिए, एब्सोल्यूट राइट देना चाहिए, कंप्लीट राइट देंगे, रिस्ट्रिक्टेड एलियनेशन या रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन या पार्शियल ट्रांसफर नहीं होगा, ये तो हमारा टीपी एक्ट भी कहता है,
ये तो हमारा टीपी एक्ट भी कहता है। एंड डोनी दैट इज जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो साउंड हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है, मेजर हो सकता है, माइनर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है अगर हम डोनी की बात करें। और डोनी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अनबॉर्न पर्सन को आप गिफ्ट नहीं दे सकते। मुस्लिम लॉ में अनबॉर्न पर्सन को हम गिफ्ट नहीं दे सकते, ठीक वैसे जैसे टीपी एक्ट में। टीपी एक्ट में हम क्या अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, एज पर सेक्शन नंबर 13 हम उसके बेनिफिट के लिए उसको डेफिनेटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में एक सवाल आएगा, क्या विल हम अनबॉर्न पर्सन को दे सकते हैं? क्या विल कहूं या वसीयत कहूं, जो अगला सेगमेंट रहने वाला है, क्या हम विल या वसीयत एक अनबॉर्न पर्सन के फेवर में बना सकते हैं? क्या आंसर इज यस, डेफिनेटली बना सकते हैं। और कितनी बना सकते हैं या कितने टाइम में उस अनबॉर्न पर्सन को जन्म लेना है वो पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट, हमेशा प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं करना है। फ्यूचर प्रॉपर्टी का क्या या कंटिंजेंट गिफ्ट क्या, इट इज नॉट अलाउड। कोई भी चीज का गिफ्ट हो सकता है, एनीथिंग, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, मूविंग टू टाइप्स ऑफ गिफ्ट। टाइप्स ऑफ गिफ्ट में सबसे पहले आता है हिबा बिल इवाज, मतलब दिस इज फॉर सम कंसिडरेशन। कोई प्रतिफल के लिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, गिफ्ट किया जा रहा है। मतलब हिबा इवाज मीन्स द गिफ्ट फॉर द कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन। There is no system where there is a consideration for the gift, but under Muslim law there is a system of gift with the exchange. मतलब क्या? Basically आप gift दे रहे हो consideration में, क्योंकि मैंने आपके लिए कोई act किया था तो आप खुश हो गए, इसलिए आपने मुझे gift दे दिया। आपने देखा कि मैम ने हमको ना 3 घंटे हिंदू लॉ पढ़ाया, 3.5 घंटे मैम ने मुस्लिम लॉ पढ़ाया, तो आप खुश हो गए। तो मैंने आपको कोई सर्विसेज दी, मैंने आपसे पैसा मांगा नहीं, बट बिकॉज यू फेल दैट आई हैव गिवन यू समथिंग, तो उसके रिटर्न में आप मुझे मान लो सोने की चेन दे रहे हो, स्कूटी दे रहे हो, मिठाई दे रहे हो, है ना, कोई भी ऐसी चीज दे रहे हो जो कि मैं उसको ओन कर सकती हूँ, जिसकी मैं ओनरशिप ले सकती हूँ, तो दैट इज सेट टू बी अ गिफ्ट इन कंसिडरेशन। मैंने मांगा नहीं लेकिन आपने उसको एज अ कंसिडरेशन दिया, क्योंकि मैंने आपको कोई सर्विसेज ऑलरेडी दे दी, ठीक है, तो आपने बाद में खुश होकर जो दिया, दैट इज सेट टू बी हिबा बिल इवाज। ओके, नेक्स्ट इज हिबाबा शरतुल इवाज। शरतुल इवाज मतलब यहां पे कुछ कंडीशन है। क्या है? कुछ कंडीशन है, या मैं कह सकती हूं कुछ स्टिपुलेशन है। कुछ स्टिपुलेशन है मींस अ गिफ्ट मेड विद स्टिपुलेशन फॉर रिटर्न। ये स्टिपुलेशन किस चीज के लिए है स्टूडेंट्स? ये रिटर्न के लिए है, ध्यान रखना। ये स्टिपुलेशन ऐसा नहीं है कि मैम आप कुछ काम करोगे तो आपको मैं दूंगा, ना ना ना, ये कंडीशन है रिटर्न करने के लिए। रिटर्न करने के लिए मतलब कि यहां पर कुछ टाइम बाद मुझे वो चीज आपको वापस दे देनी पड़ेगी, वो चीज आपको वापस दे देनी पड़ेगी। दैट इज टू से आपने अपनी स्कूटी दे दी मुझे, मैम 2 साल तक मजे करो, आराम से चलाइए, है ना। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर, मैम सारे आर्टिकल्स याद करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले बताओ जुडिशरी के लिए जा रहे हो, क्लैट के लिए जा रहे हो, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी देवेश जी, इस क्लास की पीडीएफ अवेलेबल, सारे क्लासेस की पीडीएफ अवेलेबल होगी, अच्छे से सुनो। अगर मैं माइनर लॉ वन शॉट की यहाँ प्लेलिस्ट है, आपको सीधा सीधा थंबनेल पे दिख जाएगा, वन शॉट में जो मैंने सब्जेक्ट्स कराए उन सब की पीडीएफ आपको लॉ वाला टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और जो फाउंडेशन बैच में हम सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं उन सब की पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप में मिलेगी। लॉ सेगमेंट में जाना पड़ेगा, लॉ फाउंडेशन बैच को एनरोल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज वहां पे फोल्डर्स दे रखे हैं, हर सब्जेक्ट को क्लिक करोगे, सीआरपीसी को क्लिक करोगे तो डेट वाइज आपको वहां पे सेशंस की पीडीएफ मिलेगी, बराबर है। और वहां पे डीपीपीज भी हैं, क्विज लग रहे हैं, रोज डेली बेसिस पे जा रहे हैं, सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी हम खुद ही भेज रहे हैं, जाके उनको अटेंड किया करो, अपना परफॉर्मेंस चेकआउट किया करो। क्लियर है, अंडरस्टूड? ओके, जुडिशरी के लिए कुछ कुछ सेक्शंस आपको और कुछ कुछ आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। देखो कैसे होते हैं आर्टिकल्स याद, अगर आप बैठोगे तो नहीं होंगे, मुझे भी नहीं होंगे याद, ऑब्वियसली बात है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज पढ़ेंगे, एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे, गलती करोगे, पीछे जाओगे, आंसर देखोगे, फिर करेक्ट करोगे, 4-5 सवाल बाद फिर से वो क्वेश्चन आएगा, फिर से अटेम्प्ट करोगे, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल्स याद रहने वाले हैं। क्लियर, कुछ चार्ट्स बनाएंगे, चार्ट्स बनाने के बाद आप उनको रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू पढ़ो। एमसीक्यू जब तक नहीं करोगे, चाहे आप कितना भी रटोगे स्टूडेंट्स, आंसर्स आपको याद नहीं होंगे, आपको सेक्शंस आर्टिकल्स कुछ टाइम तक के लिए याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे। तो इट इज वेरी नेसेसरी एक एमसीक्यू की बुक खरीदो, जिसमें अगर 10,000 क्वेश्चंस है उसको कम से कम एग्जाम में जाने से पहले 3-4 बार एक बार उसको क्या करना है, आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, क्लियर है। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी स्कूटी मुझे दे दी कि मैम आराम से चलाओ, है ना, कॉलेज वॉलेज जाओ, अपना
साइकोलॉजी पढ़ो, 2 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती चलाओ, लेकिन वापस दे देना बाद में, अच्छे से उसको मेंटेन करना। मेरा चलो ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट इज अरियत। इट इज अ गिफ्ट ऑफ द राइट टू यूज द प्रोडक्ट फॉर अ सर्टन पीरियड ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट एंड मे बी रिवोक टू द ग्रांटर्स डिलाइट। बेसिकली यहां पर भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए आप गिफ्ट को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन ये कंप्लीटली किसके ऑप्शन पे है, डोनर के ऑप्शन पे है। वो चाहे तो वापस ले भी सकता है, वो चाहे तो वापस नहीं भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। बट ओनली ऑन द रेवेन्यूज डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी दे आर रिवोकेबल एंड कॉन्फर नो राइट ऑन द ग्रांटर इन द कॉर्पस। सो बेसिकली यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, उससे कोई आपको बेनिफिट आया तो वो आप बेनिफिट एंजॉय कर लीजिए, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो डोनर कभी भी वापस ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी गाय मुझे दे दी, क्या किया, अच्छे से सुनो, आपने अपनी गाय मुझे दे दी, मैम गाय रखो हमारे अपने पास, मेरा ठीक है, तो गाय का जो भी दूध है वो मैं इंजॉय करूंगी, वो बेनिफिट मुझे आपको वापस लौटाने की जरूरत नहीं, जब आपकी मर्जी होगी आप वो वापस ले जाओगे, दैट इज अरियत। व्हेन इट कम्स टू सदका, सदका क्या होता है, ये स्टूडेंट्स रिलीजियस गिफ्ट होता है, क्या होता है, रिलीजियस गिफ्ट होता है, रिलीजियस गिफ्ट होता है, जहां पे आप भगवान के चरणों में कह सकते हैं लव या अफेक्शन, या बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर गॉड में, दैट इज अल्लाह में बहुत ज्यादा फेथ है, इसलिए आप उस चीज को क्या कर रहे हो, गिफ्ट कर रहे हो, एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन या रिलीजियस तरीके से आप गिफ्ट कर रहे हो, दैट इज सेड टू बी सदका। वॉइड गिफ्ट कौन से होते हैं, अगर गिफ्ट इन फ्यूचर, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो कि आज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अगर आपने ऐसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया, वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कंटिंजेंट गिफ्ट मतलब क्या, कि कोई कंडीशन फुलफिल करोगे मैम तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मैम हमको पूरा मुस्लिम लॉ पढ़ाओगे तो फिर हम आपको कुछ अमाउंट पेटीएम करेंगे, नॉट अलाउड, ऐसा गिफ्ट नहीं होता है। बेस्ड ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और फुलफिलिंग एनी कंडीशंस, दिस इज नॉट अलाउड, क्लियर है, ओके, यस यस बिल्कुल। चलिए अब हम चलेंगे डेथ बेड गिफ्ट, दैट इज मर्ज उल मौत। मुझे ये बताओ टीपी एक्ट में सेक्शन नंबर कौन सा आपको बताता है कि मर्ज उल मौत, डेथ बेड गिफ्ट, या फिर गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ, या फिर मुस्लिम लॉ पे टीपी एक्ट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 129 क्लियरली बोल दिया कि टीपी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो डेथ बेड गिफ्ट या फिर मुस्लिम लॉ के जो भी गिफ्ट के प्रोविजंस हैं उस पे अप्लाई नहीं होता है। डेथ बेड गिफ्ट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक पर्सन ये एप्रिहेंशन में है या बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसको लग रहा है कि भैया मेरी कभी भी मृत्यु आ जाएगी, मेरे कभी भी प्राण निकल जाएंगे, हमें जो है यमराज जी कभी भी लेने आ सकते हैं, तो वो उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी का गिफ्ट करता है, सो दैट इज अलाउड। लेकिन कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, जरूरी है कि इलनेस होनी चाहिए, बुढ़ापे की वजह से नहीं कि बूढ़ी है अम्मा तो पता है कभी भी निकल सकती हैं, ऐसा नहीं, बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, इलनेस है, तो लग रहा है कि भैया किसी भी टाइम अंतिम सांस जा सकती है, उस वक्त अगर कोई गिफ्ट किया गया है तो दैट इज वैलिड, ठीक है। अरियत बताए ना आयुष जी मैंने, ये रहा पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है जहां पे बेनिफिट्स आप एंजॉय करो, और जो डोनर है वो आपसे प्रॉपर्टी, उसकी ओनरशिप कभी भी वापस लेके जा सकता है, आप एक पर्टिकुलर टाइम तक के लिए क्या कर सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हैं, बेनिफिट्स बराबर एंजॉय करो। कैन आई से इट इज टाइप ऑफ अ यूसुफिक ट्री मॉर्गेज, जहां पे हमारा जो मॉर्गेजी है वो बेनिफिट्स एंजॉय करता है, वैसे ही वैसे यहाँ पे आप बेनिफिट्स एंजॉय करो, प्रॉपर्टी की ओनरशिप और प्रॉपर्टी कभी भी आपका डोनर वापस लेके जा सकता है, ओके। चलो नेक्स्ट है, जेन्युइन एप्रिहेंशन होना चाहिए डेथ का, आपको लगना चाहिए, दैट इज जो पर्सन उस डेथ बेड पे है उसको लगना चाहिए कि हाँ मेरे सांस निकल जाएंगे, ऐसे ही नहीं कि हाँ बढ़िया सब कुछ खाना पीना खा रहे हैं, बीमार भी हैं लेकिन तबियत भी ठीक है, लेकिन अंतर आत्मा को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो अपन 40-50 साल और जिएंगे, है ना, 100 साल की उम्र में भी लग रहा है कि अभी तो अच्छा खासा जिएंगे, तो उसमें उस माहौल में, उस एप्रीहेंशन में आप जो अगर गिफ्ट करते हैं, दैट इज नॉट वैलिड, यू शुड बी अंडर एन एप्रीहेंशन, नॉट यू बट दैट पर्सन हु इज ऑन द डेथ बेड, दैट पर्सन शुड बी अंडर एन एप्रीहेंशन कि उसकी डेथ कभी भी हो सकती है। नो डेथ, अगर डेथ हुई नहीं, गिफ्ट दे दिया लेकिन बाद में क्या हो गया, चचा जी एकदम चलने फिरने लग गए, एकदम तंदुरुस्त हो गए, बढ़िया कोरोना को मात दे के आ गए, तो ऐसा दिया हुआ गिफ्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नल एंड वॉइड हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ पोजीशन टू द डोनी, जो डोनी है उसको आपको पोजीशन देना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने यहां पढ़ा कि डिलीवरी देनी पड़ेगी पोजीशन की, देगा कौन, डोनर देगा, किसको देगा, डोनी को देगा। डेथ बेड गिफ्ट ऑपरेट कब होता है, डेथ ऑफ द डोनर पे, ठीक वैसे ही जैसे विल कब इफेक्ट में आती है, विल तभी इफेक्ट में आती है जब आपका टेस्टेटर की डेथ होती है, वैसे ही यहाँ पे डोनर की डेथ होती है तो ही आपका डेथ बेड गिफ्ट क्या होगा, इफेक्ट में आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। दोनों में फर्क है,
दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे आप रिटर्न का टाइम पीरियड ऑलरेडी पहले मेंशन करते हो, मैम 2 साल बाद स्कूटी दे देना, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है, बस ये आपको जरूर बताया कि रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। बेसिकली आपने ये बोला है कि आप इंजॉय कीजिए, रिटर्न हो जाएगा, बस पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एट द विल एंड विश ऑफ अ डोनर, जहां पे बेनिफिट आपका दोनी इंजॉय करता है एंड डोनर क्या करता है उस प्रॉपर्टी को कभी भी लेके जा सकता है एट द विल एंड विश। बट हिबाबा शर्त लिवाज मतलब आपने शर्त पहले से ही लगा दी है, एक कंडीशन पहले से ही मेंशन कर दी कि दिस इज द वे दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू आर गोइंग टू रिटर्न दिस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली डोनी की ड्यूटी होती है कि डोनी खुद, मैं खुद आपको आके आपकी स्कूटी दूंगी, लेकिन यहाँ पे डोनर खुद ही आपके यहाँ से स्कूटी वापस लेके चली जाएगा। ठीक है, यस इट इज एट द डिजायर ऑफ द डोनर। ठीक है, यस मर्जुल मौत, समझ आ गया राजेश जी, पूनम जी, ऑल क्लियर। चलिए अच्छा एक और पॉइंट था, मर्जुल मौत दैट इज डेथ बेड गिफ्ट, आप 1/3 से ज्यादा की नहीं कर सकते। चचा को डाउट है कि चचा क्या कर जाएंगे, कभी भी निकल लेंगे, तो ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके 1/3 से ज्यादा की प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकते, गिफ्ट में नहीं दे सकते हैं। वैसे के वैसे आता है हमारे पास वसीयत, वसीयत में भी कंडीशन लगा दी है कि एक पर्सन अपनी 1/3 प्रॉपर्टी से ज्यादा का वसीयत नहीं कर सकता। सो कैन आई से कि यहाँ पे मुस्लिम लॉ में अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन्होंने कुछ पर्टिकुलर राइट रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को या जो भी फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनको राइट दे दिया कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी वसीयत से निकाल दो अगर आपको लग रहा है कि आपके जो बच्चे हैं आपकी सेवा नहीं करेंगे, मतलब 2/3 प्रॉपर्टी तो जनरेशन को जाएगी। क्लियर है ये चीज? ओके मैम, इफ द डोनर डाइज बिफोर द गिफ्ट इज एक्सेप्टेड विल द डोनी, नो नो द इट विल गिफ्ट रिवोक, सेम इफेक्ट आएगा, टीपी एक्ट वाला इफेक्ट आएगा, योर गिफ्ट बिकम्स वॉइड, फिर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, गिफ्ट बिकम्स वॉइड। क्लियर, सेम इफेक्ट आएगा, क्योंकि यहां पर भी एसेंशियल है ना कि इट हैज टू बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस होना चाहिए डोनी के द्वारा वाइल डोनर इज अलाइव, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके चलिए, सो पहले देखेंगे विल बना कौन सकता है, वसीयत बना कौन सकता है। सो विल इन्होंने बोला मेजर पर्सन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट से, किसी का दबाव नहीं होगा। अगर बात करें हम हु कैन मेक विल, तो मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टूडेंट्स, टेस्टेटर, टेस्टेटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टेस्टेटर की बात कर रहे हैं। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, एंड अगर माइनर के बिहाफ पे उसके गार्डियंस ने विल बनाई है तो ये माइनर उसको रेटिफाई करेगा जब वो मेजर हो जाएगा। रेटिफाई मतलब अप्रूव करना, रेक्टिफाई करने का मतलब क्या होता है, कोई त्रुटि है, कोई एरर है, आप उसको ठीक कर रहे हैं। तो अगर माइनर पर्सन है एंड उसके बिहाफ पे अगर कोई गार्डियन वसीयत बना देता तो चलो बना देगा, लेकिन उसको रेक्टिफाई करना या अप्रूव करना या वो फाइनल कब होगी, जब वो माइनर मेजर हो जाएगा, और अगर वो उस वसीयत को अप्रूव करता है तब तो माइनर की जो विल गार्डियन ने बनाई वो वैलिड होगी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नाउ हु कैन बी अ लेगेटी, लेगेटी का मतलब बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, किसको हम विल दे सकते हैं, किसके फेवर में विल बना सकते हैं, किसी भी पर्सन के फेवर में विल बना सकते हैं, दैट इज अ चाइल्ड इन दी वूम के फेवर में भी हम क्या कर सकते हैं, वसीयत बना सकते हैं, लेकिन वो वैलिड तभी होगी या उस चाइल्ड को वो वसीयत का बेनिफिट तभी मिलेगा इफ ही इज बॉर्न विद इन दी 6 months फ्रॉम द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। जिस दिन टेस्टेटर की डेथ हो रही है उसके 6 months के अंदर अंदर, उसके 6 months के अंदर अंदर अगर हमारा बेनिफिशियरी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आ जाता है धरती पर, पैदा हो जाता है, तो हम कहेंगे कि अब इस अनबॉर्न पर्सन को हम क्या दे देंगे, विल दे देंगे, दैट इज विल का बेनिफिट वो ले लेगा। विल आप मैन के फेवर में, विमेन के फेवर में, माइनर माइनर हो गया, मुस्लिम हो गया, नॉन मुस्लिम, किसी के भी फेवर में विल बनाई जा सकती है। ये चैरिटेबल पर्पस के लिए भी हो सकती है और रिलीजियस पर्पस के लिए भी हो सकती है, जहां मेंशन किया जा सकता है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए यूज करोगे या चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी करने के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट था, मूषा किधर गया, ये देखो ये मूषा देखा करो, है ना, मेरे दिमाग से तो निकल गया। मूषा क्या होता है, मूषा मतलब आप गिफ्ट कर रहे हो अपने उस हिस्से का जो कि अभी तक अनडिवाइडेड है, अनडिवाइडेड शेयर इन द इनडिविजिबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में अभी तक आपका पार्टीशन नहीं हुआ है। बस ये पता है कि आयुष जी का इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में 1/4 शेयर है,
तो क्या 1/4 शेयर का हम गिफ्ट कर देंगे क्या? आंसर इज नो. जो आपकी प्रॉपर्टी डिवाइड ही नहीं हुई है या इनडिविजिबल इन नेचर की है और अभी तक आपका उसमें इंटरेस्ट भी अनडिवाइडेड. इंटरेस्ट अनडिवाइडेड कैसे? क्योंकि आप सब लोग क्या हो, आप सब लोग अभी ज्वाइंट ओनर्स हो. इस प्रॉपर्टी का कभी भी गिफ्ट नहीं किया जा सकता. दैट इज सेट टू बी मूशा. ओके, क्लियर है ये चीज? चलिए, क्लियर. चलो आगे चलेंगे. अब हम एक मिनट, मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते. अरे कर सकते हो, इट इज गिवन वैलिड. वही मैं सोचू मैंने क्या बोला, इट इज वैलिड. कर सकते हो, कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते. डेफिनेटली यहाँ पे मूशा किया जा सकता है. क्या नहीं कर सकते हैं वो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मूशा या फिर जो अनडिवाइडेड शेयर है उसका आप वक्फ नहीं कर सकते, है ना? अभी वक्फ में पढ़ेंगे, वक्फ में हम पढ़ेंगे. अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स. यस, 10 months, राइट राइट ज्योति जी. वक्फ में हम पढ़ेंगे कि जब भी आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे रहे हो तो वक्फ बोर्ड में मूशा नहीं कर सकते हो. लेकिन मूशा किसका हो सकता है? मूशा गिफ्ट के मामले में हो सकता है. व्हाट इज मूशा? मूशा आपका वो शेयर है, वो अनडिवाइडेड शेयर है जो कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में वो किया जा सकता है. लेकिन ये मूशा कहाँ नहीं किया जा सकता है? वक्फ में नहीं किया जा सकता. प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, है ना? वक्फ और गिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है मेरे दिमाग में कंफ्यूज हो गया था. मतलब मुझे बोलना वक्फ था और मैं आपको गिफ्ट बोल रही थी. क्लियर है? तो मूशा गिफ्ट में किया जा सकता है, मूशा का गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मूशा का वक्फ नहीं किया जा सकता है. क्लियर? चलो, सो सॉरी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमें पढ़ना है फॉर्मेलिटीज ऑफ विल. विल की क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए? रिटन हो सकती है, ओरल हो सकती है. कोई भी यहां पर पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दे रखा है. कोई यहां पर पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दे रखा है, मतलब यहां पे कोई आपको अलग से डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है. क्लियर है? आप चाहे तो ये जेस्चर से भी हो सकती है, बट प्रोवाइडेड कि आपके जेस्चर कैसे होने चाहिए. वक्फ पे मैं आती हूँ, है ना? इट इज फॉर योर रिलीजियस पर्पस आती हूँ मैं. ठीक है, वक्फ क्या होता है? तो बेसिकली जेस्चर से भी क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जेस्चर से भी यहाँ पर वक्फ क्रिएट की जा सकती है, वक्फ क्रिएट की जा सकती है. ओके, क्लियर है? ओके, अब देखो, अगर मैं बात करूं 6 months की, तो 6 months किसमें होना चाहिए? सुन्नी में. और 10 months किसमें होना चाहिए स्टूडेंट्स? 10 months शुड बी इन केस ऑफ शियाज. क्लियर है ये चीज? ओके, डन. देखो यहां पे एक पॉइंट मेंशन करना, जो चाइल्ड इन वूम्ब है उसको विद इन 6 months में बर्थ लेना है इफ इट इज अबाउट सुन्नी लॉ. एंड अगर बात करें हम शियाज की, तो शियाज में ये चाइल्ड कितने मंथ में आना चाहिए? 10 months में इसका बर्थ हो जाना चाहिए इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ जेस्टेशन. क्लियर है? 10 months में इस, 10 months मतलब मैक्सिमम 10, ज्यादा ज्यादा एक बच्चा क्या 10 महीने ले सकता है पैदा होने के लिए. तो शियाज में विद इन 10 months ही शुड कम इनटू एग्जिस्टेंस या बर्थ ले लेना चाहिए. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग ज्योति जी. क्लियर है? ओके, आगे चले. सो कैसी हो सकती है विल? हमारी ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है. कोई पर्टिकुलर डिक्लेरेशन का फॉर्म नहीं दे रखा है आपको. जेस्चर से भी दी जा सकती है, बनाई जा सकती है, बट प्रोवाइडेड कि यहाँ पे आपका जेस्चर क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली प्रॉपर्टी का विल बनाना चाह रहे हैं. सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल कैसा हो सकता है? कॉर्पोरल हो सकता है, इनकॉर्पोरल, मूवेबल, इमूवेबल, लेकिन एग्जिस्टेंस में होना चाहिए. नॉन एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी का कभी भी आप विल नहीं बना सकते हैं. क्लियर? रिवोकेशन कैसे करेंगे विल का? विल को कभी भी रिवोक किया जा सकता है. हम इंडियन सक्सेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं कि विल को हम कभी भी रिवोक कर सकते हैं, लेकिन टेस्टेटर की डेथ से पहले अगर टेस्टेटर रिवोक करना चाहता है तो कर सकता है. लेकिन जैसे ही टेस्टेटर की डेथ होती है, जो आखिरी विल उसने बनाई थी वो इफेक्ट में आने वाली है. तो रिवोक हम एक्सप्रेस तरीके से कर सकते हैं. एक्सप्रेस में कैसे करेंगे? एक्सप्रेस में हम करेंगे जला के या फिर उसको फाड़ के. ठीक है, वॉन्ट टू कहां पे? अच्छा, पूनम जी. ओके, आप पूनम जी से पूछो. बताओ पूनम जी, क्या हुआ? एक्सप्रेसली या तो आप फाड़ के कर सकते हैं या फिर जला के कर सकते हैं. इम्प्लाइडली अगर आप ऐसा कोई एक्ट कर रहे हैं जो कि विल्स के इनकंसिस्टेंट है, तो यहां पे क्या किया जा सकता है? विल को रिवोक किया जा सकता है. विल में ये मेंशन था, विल में मेंशन था कि अगर हमारा बेटा LLB करेगा तो हम उसको वसीयत में ये प्रॉपर्टी देते हैं, क्योंकि लॉ करेगा, समझदार बनेगा, कानून को समझेगा. लेकिन बेटे ने क्या कर लिया? इंजीनियरिंग कर लिया. तो विल में जो लिखा था उसके इनकंसिस्टेंट एक्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? विल रिवोक हो जाएगी. ठीक है, यस, इट इज सफिशियंट.
एक बार पूनम जी, अगर आपको कभी ऐसा डाउट लगता है ना वेदर द सेशन इज सफिशियंट और नॉट, तो एक बार पहले अपने पीवाईक्यूज देख लो, मुस्लिम लॉ के जो जो क्वेश्चंस आए वहां पे पीवाईक्यूज देख लो, फिर सेशन को देखो तो आपको समझ आएगा वेदर यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस और नॉट, और वेदर यू नीड सम मोर लेक्चर्स और सम मोर टॉपिक्स टू बी कवर्ड और नॉट. क्लियर है? बट आई फील दैट इज दिस इज सफिशियंट, इसीलिए मैंने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है इसमें. ओके आगे चलेंगे, समझेंगे वक्फ का मतलब क्या होता है. वक्फ का मतलब होता है कि आप परमानेंटली प्रॉपर्टी को डेडिकेट कर रहे हो रिलीजियस, पायस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, और किसके नेम में? गॉड के नेम में. ध्यान रखना, गिफ्ट में और वक्फ में फर्क है. जब हम बोल रहे हैं कि गिफ्ट कर रहे हैं आप चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो मतलब आप किसी पर्सन को वहां ओनर बना रहे हैं, लेकिन वक्फ में गॉड के नेम में प्रॉपर्टी वेस्ट होती है, मतलब अल्लाह के नाम में प्रॉपर्टी वेस्ट होती है, वहां कोई पर्सन का नाम नहीं आता है. ठीक है, क्लियर ये चीज? तो गिफ्ट फॉर रिलीजियस पर्पस एंड वक्फ फॉर रिलीजियस पायस या चैरिटेबल पर्पस में ये फर्क है. ओके ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर हम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वक्फ आप किस ऑब्जेक्टिव से कर सकते हो? कोई रिलीजियस पर्पस है ना, कहीं आपने इमामबाड़ा बना दिया, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं कोई स्कूल बना दी, कोई हॉस्पिटल बना दिया. सॉरी, हॉस्पिटल तो किसमें? रिलीजियस में नहीं आता है. इमामबाड़ा हो गया, मस्जिद हो गया, ये किसमें आता है? रिलीजियस. पायस ऑब्लिगेशन है. पायस ऑब्लिगेशन क्या होता है? सन्स पायस ऑब्लिगेशन सेक्शन नंबर 6 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. पायस ऑब्लिगेशन मतलब सन और ग्रैंड सन के ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो अपने फादर या ग्रैंड फादर ने जो भी डेट लिया है उसको वापस क्या करेंगे, उसको वापस रीपे करें, ताकि उनके फादर या ग्रैंड फादर को क्या प्राप्त हो सके? मोक्ष प्राप्त हो सके. अगर किसी के ऊपर कर्जा है और वो कर्जा बिना दे मर जाता है तो क्या होगा? ऐसा ही लगेगा कि वो नरक में जाएगा, पाप चढ़ता है. ओके क्लियर है? तो यहां पे बोला गया है, यस वेरी गुड, राइट राइट अंकिता जी. ठीक है, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए बच्चा या लड़का या कोई भी पर्सन फॉर दैट पर्पस अपने पूर्वजों का कोई डेट को, कोई ऋण को खत्म करने के लिए, या वो चाहे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, परमात्मा का आत्मा से मिलन हो, तो उस पर्पस के लिए वक्फ में प्रॉपर्टी अपनी दे सकता है. चैरिटेबल पर्पस के लिए भी दे सकता है कि भाई बच्चों में चैरिटी हो, गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, इनके लिए स्कूल खोला जाए, इनके लिए अनाथालय खोला जाए, उसके लिए भी दिया जा सकता है. टू एक्वायर द मेरिट्स इन द आईज ऑफ द गॉड्स. मेरिट्स मतलब पुण्य कमाने के ऑब्जेक्टिव से. मेरिट्स इन द आईज ऑफ द गॉड्स का मतलब क्या होता है? मतलब आप ये चाहते हो कि भगवान आपको एक अच्छा व्यक्ति माने, इसीलिए आप अच्छा कार्य करते हो पुण्य कमाने के लिए. ओके क्लियर है? नाउ मैसेज ऑटोमेटिकली रिमूव किया, क्या मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है. ओके देर माइट बी सर्टन यू नो बैंड वर्ड्स, जो कि यूट्यूब बैन कर सकता है, या फिर पर्टिकुलरली चैनल पे कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, या तो ऐसे वर्ड्स, अब मुझे नहीं पता क्या है, वो यूट्यूब टीम देखती है. कई बार ऐसी चीजें जो होती है, आई नो दिस इज कम्प्लीटली फाइन है ना, आपने उस इंटेंशन से नहीं किया होगा, बट ऑटोमेटिकली कई बार ऐसे हो जाते हैं. ठीक है, या कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है. मेरे हाथ में अभी यूट्यूब का कुछ नहीं है. ठीक है, मैं अभी अपनी क्लासेस चैनल से ही देख रही हूँ आप सबको. ठीक है, यस यस होता है, बिल्कुल होता है. उनके लिए भी फाइनली अल्लाह के पास जाना अल्टीमेट वही होता है. आप देखो हज यात्रा देखो उनकी, तो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं? मुस्लिम रिलीजन में भी यही माना जाता है, कोई भी रिलीजन देख लो, सबका अल्टीमेट गोल यही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ताकि जो ये जीवन काल का जो चक्र है, बार बार मनुष्य जीवन लेना है ना, जो आपके करोड़ों योनियों में आपको बार बार आना, जन्म लेना, आने जाने, जीवन मरण के जो काल है, उससे आपको मुक्ति मिल सके, आप फाइनली गॉड के पास चले जाओ. क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य जीवन या धरती पे जन्म लेना किसी भी फॉर्मेट में बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, क्लियर है? ओके अब सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वक्फ के. प्रॉपर्टी हमेशा किस में वेस्ट करती है स्टूडेंट्स? गॉड में वेस्ट करती है. यही फर्क है गिफ्ट फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, रिलीजियस पर्पस, या फिर वक्फ में भगवान के नाम में प्रॉपर्टी दे दी जाती, परमानेंट हो जाता है, इसको रिवोक नहीं किया जा सकता, इट इज इररिवोकेबल, वापस नहीं ले सकते आप एक प्रॉपर्टी अगर आपने वक्फ दे दिया है तो. वेरी गुड देवेश जी, अल्टीमेट सैल्वेशन. इन एलियनेबल होती है प्रॉपर्टी. एक छोटी सी चीज बताऊंगी मैं आपको मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, इन एलियनेबल होती है मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में चली गई तो वक्फ बोर्ड आगे उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता. आपको जिस पर्पस के लिए दिया आप उसी पर्पस के लिए यूज करो. एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वक्फ में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यूज किया जाए, किसी भी मैनकाइंड पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. एम आई राइट इन सेइंग दिस और नॉट? यस, वक्फ बोर्ड के नेम पे प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कुमार गौरव जी उसमें यह होता है कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी भगवान को दे दी है. किसको दे दी है? भगवान को दे दी है. इट वेस्ट इन दी गॉड, मतलब ओनर ऐसा माना जाता है. आप भगवान का माना नाम थोड़ी लिखते हैं,
जैसे हिंदूज में ऐसे थोड़ी देखते भगवान श्री कृष्ण के नाम पे, भगवान श्री राम, भगवान श्री, नो नो, वो एक ट्रस्ट होती है उसके नाम पे देते हैं। वैसे के वैसे यहाँ पे वक्फ बोर्ड का नाम डेफिनेटली आता है, लेकिन ऐसा माना जाता है नाउ गॉड इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड नो वन इज, एंड जिस चीज पे भगवान का अधिकार है वो चीज आप कभी एलिनेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। मंदिर में अगर भगवान के सामने कोई आपने प्रसाद चढ़ाया या ऐसा कुछ भी है या कोई मूर्ति, तो हम किसी को ट्रांसफर थोड़ी कर सकते, बेच थोड़ी ना सकते कि भगवान की मूर्ति मैं तुमको बेचता हूँ, नहीं, है ना, क्लियर है ये चीज। ओके, लैंडमार्क केसेस जहां पे निकी जी लगेगा वहां पे करवाऊंगी मैं, है ना। लैंडमार्क केसेस जनरली आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड एज वेल एज इद्दत पीरियड से रिलेटेड एंड मैरिज से रिलेटेड, सॉरी मैरिज क्या, तलाक से रिलेटेड थे जो मैंने करवा दिया है, ठीक है, क्लियर है। आगे सुनो, बाकी जब हम मेंस का पर्सपेक्टिव डील करेंगे तब देखो, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इनका पेपर बहुत अलग है, इनका जुडिशरी का पैटर्न ही अलग है, इनका पढ़ने का भी तरीका अलग है, पढ़ाने का भी तरीका अलग है, क्योंकि यू डो नॉट हैव डायरेक्ट क्वेश्चंस इन द मेंस, आपके बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, सिचुएशन दी जाती है आपको अच्छी खासी। आई हैव सीन, आई हैव गॉट दिस पेपर सॉल्व, हरियाणा का, दिल्ली का, और हमने प्लस क्लासेस भी ले रखी है इसमें, तो मैंने देखा है वहां पे पेपर्स। सो वहां पे आपको कुछ ऐसे केसेस देखने पड़ेंगे जिनका, जो कि लैंडमार्क भी नहीं है, देखा है ना, हरियाणा और दिल्ली का पेपर लैंडमार्क नहीं है, बट स्टिल वो लोग कहीं ना कहीं से केस लाके देखें। तो उस केस में जनरली मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा बोला, अगर आपको लैंडमार्क जजमेंट पता है तो उसको साइट करके अपने प्रोविजंस देके दे सकते हो आंसर, तो वेल एंड गुड, वरना अपना गुड कंसाइज एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को बैक करके अपना रीजन देके आना, वहां पे कुछ भी इररिलेवेंट मत पढ़ना या इररिलेवेंट मत लिख के आना, जहां लग रहा है कि मेरे पास प्रोविजंस कम पड़ रहे हैं या मुझे याद नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस वहां डाल सकते हो, क्लियर। ओके, यस, चलो, ओनरशिप किसमें होती है, वकिफ में, मतलब ओनर नहीं, ओनरशिप ऑफ वकिफ क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। वकिफ कौन होता है, जो वक्फ क्रिएट कराए, जिसने प्रॉपर्टी वक्फ में दिया है वो कौन हो जाता है स्टूडेंट्स, वकिफ है, तो उसकी ओनरशिप क्या हो जाती है, इमीडिएटली खत्म हो जाती है। यूसुफ्रिक्ट्स फॉर मैनकाइंड कैन बी यूज्ड, यूसुफ्रिक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स होते हैं, उस प्रॉपर्टी में से कोई भी बेनिफिट आ रहा है तो पूरी मैनकाइंड के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर वक्फ, क्या कंडीशंस है वक्फ के लिए, पहला है कैपेसिटी टू मेक वक्फ, दैट इज हमें वकीफ की कैपेसिटी देखनी है जो कि वक्फ में प्रॉपर्टी दे रहा है, मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वक्फ में देने वाले प्रॉपर्टी की, दैट इज सब्जेक्ट मैटर की एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होती है, मूवेबल हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, आप कार दीजिए, जमीन दीजिए, घोड़ा दीजिए, कुछ भी दीजिए, यस, इवन एनिमल्स कैन बी गिवन, अगर लग रहा है कि हमें कुछ पर्पस के लिए, है ना, कुछ पर्पस के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ एनिमल्स, गाय चाहिए, बकरी चाहिए, उसका दूध किसी के यूज के लिए आएगा, किसी अनाथ आश्रम में देंगे, किसी वृद्धाश्रम में देंगे, दैट कैन बी गिवन। टैंजिबल प्रॉपर्टी और इनटैंजिबल, टैंजिबल इज वॉट विच कैन बी टच, इनटैंजिबल इज वॉट विच कैन नॉट बी टच। इनटैंजिबल में क्या आ सकता है, इनटैंजिबल मतलब क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हालांकि देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल मतलब विच यू कैन नॉट टच, विच यू कैन नॉट सी, बट यू कैन ओनली सेंस इट, और यू कैन दैट प्रॉपर्टी विच हैज अ रेप्यूटेशन इन द आईज, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, पेटेंट्स, ये क्या होते हैं, इनटेंजिबल राइट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये आया पॉइंट मोशा का, देखो मैं उसे बार बार गिफ्ट वर्ड यूज कर रही थी, मुझे विल यूज करना था, मोशा वैलिड नहीं है क्योंकि आप प्रॉपर्टी वक्फ में दे रहे हो और अपना इंडिविजिबल राइट दे रहे हो, तो क्या वक्फ बोर्ड आपके राइट के लिए वहां लड़ता रहेगा क्या, नहीं, तो मूशा दिया, मूशा का आपने वक्फ किया, इट इज नॉट वैलिड। प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए हमेशा स्टूडेंट्स, इट हैज टू बी ऑलवेज इन एग्जिस्टेंस। ओके, फॉर्मेलिटीज ऑफ वक्फ, वक्फ कैसे क्रिएट होने वाली है, इट कैन बी मेड इंटर वाइवो, मतलब विल से भी बना सकते हो वक्फ को, लेकिन अगर विल से बनाया तो 1/3 से ज्यादा का वक्फ आप नहीं कर सकते हो, 1/3 से ज्यादा का वक्फ हम नहीं कर सकते हैं। देखो 1/3 का पॉइंट कहाँ कहाँ था, 1/3 का था डेथ बेड गिफ्ट में, 1/3 का था वसीयत में, और 1/3 अब वापस कहाँ आया है, वक्फ बाय विल। अगर वक्फ बाय विल करें तो वहां पर भी 1/3 से ज्यादा का नहीं कर सकते। कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दे रखा है कि आपको ये लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन हाँ आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर आपकी जो प्रॉपर्टी जो आप वक्फ में दे रहे हो उसकी वैल्यू अबव 100 है। मूशा का मतलब अंकिता जी हमने डिस्कस किया था, मूशा मतलब आपका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है कोई इनडिविजिबल प्रॉपर्टी में, अभी तक वो प्रॉपर्टी डिवाइड ही नहीं हुई है, आपका उसमें राइट है, अंकिता जी आपको 1/4 शेयर आपका इसमें है, लेकिन अभी तक आप इस प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनर हो, आप आपके चार भाई बहन सब लोग क्या हो उस प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनर हो, तो आपका अभी तक राइट इंटरेस्ट ही डिवाइड नहीं हुआ है।
सो जहां पे आपका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है इनडिविजिबल प्रॉपर्टी में, जो अभी तक डिवाइड नहीं हुई, जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी का मूशा नहीं कर सकते हो. सॉरी, ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? मूशा कहलाती है. ऐसा राइट क्या कहलाता है? मूशा कहलाता है. और मूशा का गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन मूशा का क्या नहीं हो सकता? वक्फ नहीं हो सकता. समझ आ गया? क्लियर है अंकिता जी? वेरी गुड निकी जी. गुडविल है ना, रेप्यूटेशन, कॉपीराइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है आपने. आगे चलेंगे. जब वक्फ की बात होती है स्टूडेंट्स, तो एक मुतावली होता है. कौन होता है? मुतावली होता है. मुतावली का क्या पॉइंट होता है? देखो, वक्फ एक्ट की बात करूं तो वक्फ एक्ट आपके जीजीएस में पूछा नहीं गया है फिलहाल अभी तक, तो वक्फ एक्ट को अभी हमने छोड़ दिया. बहुत लंबा चौड़ा एक्ट है, उसको हम कभी और कवर करने वाले हैं. ठीक है, ओके. अब सुनो, मुतावली वो पर्सन होता है जो कि मैनेज करता है वक्फ प्रॉपर्टी को. वक्फ प्रॉपर्टी के लिए एक मुतावली होता है. सब जगह अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग वक्फ बोर्ड मिलने वाले हैं, और हर वक्फ बोर्ड में मुतावली होता है. वो बेसिकली सारी वक्फ प्रॉपर्टी को देखता है, किससे कितनी इनकम आ रही है, किसी को लीज पे दे दिया, किसी प्रॉपर्टी को हमने किसी प्रॉपर्टी को हमने किस पर्पस के लिए जो है वहां पे डिसाइड किया है या अलॉट किया है, वो सब कुछ देखने का राइट किसका होता है? मुतावली का होता है. मुतावली अपॉइंट कैसे किया जा सकता है? फाउंडर ऑफ वकीफ, दैट इज जो प्रॉपर्टी को वक्फ में दे रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं? मुतावली को यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं. क्लियर है ये चीज? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज ओके. ऑन गोइंग जो मुतावली है, मतलब अभी तक जिसका जो अभी था, जो आपका प्रीवियस कह सकते हैं कि मुतावली था, वो क्या कर सकता है? न्यू मुटावली को अपॉइंट कर सकता है, कोर्ट मुटावली को अपॉइंट कर सकता है, या कॉन्ग्रीग्रेशन से अपॉइंट किया जा सकता है, दैट इज असेंबली ऑफ पर्सन्स. कुछ लोग इकट्ठे होके क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे मुटावली को अपॉइंट कर सकते हैं. अब ये पर्सन्स कौन हो सकते हैं? ये जनरली आपके मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो मिलके मुटावली को अपॉइंट कर सकते हैं. क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए. एंड अगर हेरिडेटरी मुटावली है, जनरेशन बाय जनरेशन मुटावली अपॉइंट की जा रही है, तो वहां पे फीमेल को भी मुटावली के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है. क्लियर है? अगर हेरिडेटरी मुटावली, जैसे हम लोग देखते हैं ना मंदिर में, पंडित जी है, पंडित जी के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, ऐसे आए जा रहे हैं वो लोग, है ना, तो उस मामले में फीमेल भी मुटावली बन सकती है. क्लियर है? ओके, राइट देवेश्री. पावर्स क्या है मुटावली के? प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन का इंश्योरिटी करना है, प्रॉपर्टी को, दैट इज वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे यूटिलाइज करना है, जिस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी का वक्फ किया गया है उसी पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करें, ये मेक श्योर करना है. पोजेशन के लिए स्यू कर सकते हैं, मतलब अगर वक्फ प्रॉपर्टी पे किसी ने इलीगल पोजेशन ले लिया है, तो मुतावली क्या कर सकती है? स्यू कर सकती है, प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, लेकिन ओनली एंड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. और ये मेक श्योर करना है कि आप मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए, या फिर जो कम्युनिटी है पर्टिकुलर, जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया, उस पर्पस, उस ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टी को एलिनेट कर रहे हो. कोर्ट की परमिशन जरूरी है. अगर कोर्ट की परमिशन के बिना प्रॉपर्टी को एलिनेट किया, वो कैसा हो जाएगा? वो आपकी वॉइड एलिनेशन माने जाने वाली है. ठीक है, क्लियर है? क्या कर सकता है यहाँ पे मुटावली? डेट ले सकता है, लेकिन डेट किसके लिए लेगा? फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी. सूट फाइल कर सकता है किसी के अगेंस्ट, सूट फाइल किया जा सकता है. द पावर टू फाइल सूट वेस्ट इन वक्फ बोर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मुटावली. तो सूट तो फाइल करेगा ही, लेकिन किसके नाम में होती है सूट फाइल? वक्फ बोर्ड. हमने देखा है कई बार वक्फ बोर्ड का आपको नाम मिलेगा, है ना. एक काम कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको बोला है ना, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, एक तो वहां का जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आपको पता होना चाहिए, है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी पता होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन कहाँ है ये पता होना चाहिए, आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस कहाँ है ये पता होना चाहिए, फिर आपको ऑब्वियसली अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह, स्पेशल कोर्ट्स है वो पता होना चाहिए. कभी कोशिश करना कि आपके सिटी में वक्फ बोर्ड कहाँ है, वो आप देख के आइएगा कि एग्जैक्टली वक्फ बोर्ड होता कैसा है. पता है कई बार हम अगर उन जगहों पे अंदर एंटर नहीं कर पाते, लेकिन उस बोर्ड को भी पढ़ लेते, तो आपको काफी सारी चीजें क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है. तो वक्फ बोर्ड अपने स्टेट का देखिएगा कहाँ कहाँ पे है. ठीक है, ओके, चलिए आगे. ओके, रिमूवल ऑफ मुटावली. मुटावली को रिमूव हमेशा कोर्ट ही करेगा. देखो, कोर्ट रिमूव करेगा, ग्राउंड्स अलग हो सकते हैं. अगर लगा कि उसने, मुटावली ने कुछ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या मुटावली अनफिट है, अनसाउंड माइंड का हो गया, या फिर इतना माइंडसेट उसका है नहीं कि वक्फ प्रॉपर्टी को अच्छे से मैनेज कर सके, लॉस हो सकता है पब्लिक एट लार्ज या मैनकाइंड को लॉस हो सकता है, कोर्ट उसको रिमूव कर सकता है. कोर्ट रिमूव कर सकता है अगर ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में कोई नेग्लिजेंस कर दिया है. तो क्लियर. अब आएंगे गार्डियनशिप पे. गार्डियनशिप पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कौन कौन गार्डियन होता है,
तीन तरीके के गार्डियन होते हैं, नेचुरल गार्डियन, गार्डियन बाय कोर्ट एंड टेस्टामेंट्री गार्डियन। नेचुरल गार्डियन सबसे पहले हमेशा एक फादर ही होता है बच्चे का, एंड बच्चे के बाद, दैट इज फादर के बाद ग्रैंडफादर होता है। गार्डियन कौन होता है? गार्डियन मतलब उस पर्सन को पावर है कुछ डिसीजंस लेने का। वो प्रॉपर्टी एलिनेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो बच्चे के स्कूल के डिसीजंस, मैरिज के डिसीजंस। गार्डियन क्या होता है स्टूडेंट्स? गार्डियन मतलब संरक्षक, उस बच्चे का बॉडी का संरक्षक, उसके प्रॉपर्टी का संरक्षक, उस बच्चे के बेनिफिट के लिए जो डिसीजन लेता है उसको गार्डियन कहते हैं। कस्टडी अलग है, कस्टडी मतलब वो किसके साथ रहने वाला है। ओके, तो गार्डियनशिप में नेचुरल गार्डियन हमेशा फादर होते हैं मुस्लिम लॉ में, जहां पे फादर को राइट है सारा डिसीजन लेने का। फादर नहीं है तो फिर ग्रैंडफादर होने वाले हैं, और फादर के रहते रहते कभी भी ग्रैंडफादर नेचुरल गार्डियन नहीं होते हैं। एंड गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, दैट इज कोर्ट मतलब जो गार्डियन काजी अपॉइंट कर दे वो क्या होता है? गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, या जिसे हम कह सकते हैं, हाँ, जिसे हम कह सकते हैं कि गार्डियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या होता है? जो कि विल के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिंदू अडॉप्शन, सॉरी हिंदू माइनॉरिटी इन गार्डियनशिप एक्ट में, वहां पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 6, 7, 8, 9 बराबर। सेक्शन नंबर 11 भी पढ़ा, दैट इज डी फैक्टो गार्डियन। सेक्शन नंबर 6 में नेचुरल गार्डियन पढ़ा, 8 में उसके पावर्स पढ़े हैं। क्लियर? तो टेस्टामेंट्री गार्डियन सबसे पहले कौन अपॉइंट करेगा? फादर करेगा, और फादर नहीं है तो उसके बाद ग्रैंडफादर टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं बाय विल। पावर्स क्या है नेचुरल गार्डियन और एक टेस्टामेंट्री गार्डियन के? तो सबसे पहले पावर आता है कि वो हर ऐसा एक्ट करेंगे जो कि बेनिफिशियल है माइनर के लिए। दूसरा, वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं लेकिन माइनर के बेनिफिट के लिए, प्लस नेसेसिटी हो तो। और यहां पर भी देखो, उनको कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है, कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरिंग बिजनेस। मदर नहीं होती है, निक्की जी मदर नहीं होती। ओके, कैरिंग बिजनेस, अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस को कैरी करना है तो किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है गार्डियन अगर उनको लग रहा है कि नेसेसिटी है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, प्रॉपर्टी को अगर लीज करना है या फिर कुछ अमाउंट को उस माइनर के बिहाफ पे हमें इन्वेस्ट करना है, तो गार्डियन कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये नेसेसरी है। मान लीजिए माइनर के एजुकेशन से रिलेटेड, उसके हेल्थ से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने हैं, तो वो डेट भी ले सकता है। माइनर की पढ़ाई से रिलेटेड, अब्रॉड भेजना है माइनर को, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, तो इन सारी चीजों के लिए वो डेट भी ले सकते हैं। कौन? गार्डियन। नाउ विल कम टू कस्टडी, हिजानत, जिसे क्या बोला गया, हिजानत। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली जो माइनर है वो किसके साथ रहने वाला है, किन लोगों के साथ रहेगा? तो कस्टडी में हमेशा एक माइनर चाइल्ड की कस्टडी मदर को दे रखिए, कि वो हमेशा अपनी मदर के पास रहने वाला है। लेकिन लेकिन अगर मदर नहीं है तो एक लिस्ट आई है फीमेल्स की, उनके पास रहेगा। ये इस लिस्ट में कुछ फीमेल्स मेंशनड है, ये सारी फीमेल्स के पास रहेगा। अगर ये फीमेल्स नहीं है तो कस्टडी किसके पास जाएगी? फादर के पास जाएगी उस चाइल्ड की। सो ये एक आपका सर्कल है जहां पे पहले हमेशा क्या होना है, पहले हमेशा क्या होना है, मदर के पास हमेशा कस्टडी होती है। अगर मदर नहीं है तो एक पर्टिकुलर लिस्ट है जिसमें अगर मेंशन फीमेल्स है तो या तो उनके पास चली जाएगी कस्टडी, और अगर वो एब्सेंट है तो ही फादर के पास कस्टडी जाएगी। अगर हम सन या डॉटर की कस्टडी की बात करें तो अलग अलग स्कूल्स में स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पीरियड मेंशन कर रखा है। हनफी स्कूल ये कहता है कि अगर सन 7 साल तक का है तो उसकी कस्टडी मदर के पास रहेगी। शियाज ये कहते हैं कि अगर, देखो हनफी मतलब हनफी, मलिकी, ये हनबली कौन हो गए? सुन्नी हो गए, बराबर। तो शिया क्या कहते हैं? शिया कहते हैं कि अगर, शिया स्कूल के अकॉर्डिंग, अगर सन 2 साल तक का है तो उसकी कस्टडी सन के पास, उसकी, उस सन की कस्टडी मदर के पास रहेगी। मलिकी स्कूल के अकॉर्डिंग अगर सन एज ऑफ प्यूबर्टी तक है तो एज ऑफ प्यूबर्टी तक मदर के पास उस सन की कस्टडी रहने वाली है। डॉटर के मामले में हनफी स्कूल ये कहता है कि डॉटर की कस्टडी मदर तक एज ऑफ प्यूबर्टी तक रहेगी। मलिकी शफी एंड हनबली स्कूल क्या कहते हैं कि एक डॉटर की कस्टडी मदर के पास उसकी शादी तक रहने वाली है। और इतना अशारिया स्कूल क्या कहती है कि एक डॉटर की कस्टडी उसकी मदर के पास 7 साल तक रहने वाली है। कब तक रहने वाली है? 7 साल तक के लिए रहने वाली है। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब जानेंगे एक बार लिस्ट की कौन कौन सी वो फीमेल्स है। अगर ये फीमेल्स नहीं है तो फादर के पास रहेगी, और फादर भी नहीं है तो किसके पास चली जाएगी? ग्रैंड फादर के पास। लेकिन ये लिस्ट आपके लिए ध्यान रखना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में से आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। हनफी स्कूल में यह माना गया है कि अगर, इफ फॉलोइंग फीमेल्स आर एंटाइटल्ड टू हिजानत ऑफ द माइनर चाइल्ड अप टू ऑफ द एज अप टू विच द मदर इज एंटाइटल्ड, जितने टाइम पीरियड तक के लिए मदर एंटाइटल्ड है उतने टाइम पीरियड तक के लिए ये 10 की 10 फीमेल्स एंटाइटल तो हैं।
लेकिन अगर ये सब नहीं है तो फादर के पास जाएगी, और इन सब के पास भी कब जाएगी? आफ्टर दी मदर, जब मदर नहीं है तो इन 10 में से किसी के पास जा सकती है। पहले कौन है? मदर्स मदर, हाउ हाई सो एवर, कि अब कोई भी एज हो, कुछ भी हो, यहाँ पे मदर्स मदर मतलब नानी के पास जाएगी, फादर्स मदर दादी के पास, फुल सिस्टर के पास जाएगी, किसके पास जाएगी? फुल सिस्टर मतलब उस चाइल्ड के बहन के पास, यूटराइन सिस्टर उस बच्चे के बहन के पास उसकी कस्टडी हो सकती है, कौन सैंग्वाइनरी सिस्टर, फुल सिस्टर्स डॉटर के पास जा सकती है, यूटराइन सिस्टर्स डॉटर, कौन सैंग्वाइनरी सिस्टर्स डॉटर, मैटरनल आंट और फिर पैटर्नल आंट हो सकता है। फादर्स राइट ऑफ इजानत कब होता है? दो केसेस में, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द एज बाय चाइल्ड अप टू विच मदर इज एंटाइटल्ड। एक बार मदर के पास जिस एज तक चाइल्ड रह सकता है वहां तक मदर के पास रह गया, उसके बाद कस्टडी किसके पास जाने वाली है? फादर के पास। और दूसरी कौन सी सिचुएशन हो सकती है? इन द एब्सेंस ऑफ मदर और अदर फीमेल्स। ये सब कौन है? ये सब अदर फीमेल्स है। अगर मदर नहीं है तो ये अदर फीमेल्स के पास जाएगी, अदर फीमेल्स नहीं है तो फिर फादर के पास यहाँ पे कस्टडी जाती है एक चाइल्ड की। ओके, मूविंग ऑन टू शूफा, दैट इज प्रीएम्प्शन, और फिर फाइनली आएंगे 2019 के एक्ट पे। ठीक है, शूफा क्या होता है? प्रीएम्प्शन, मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ाया स्टूडेंट्स, तब मैंने आपको प्रीएम्प्शन के बारे में बताया, मैंने जब आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के बारे में बताया। फटाफट बताओ राइट ऑफ प्रीएम्प्शन क्या होता है, नहीं तो फिर मैं ही बताती हूँ आपको कि राइट ऑफ प्रीएम्प्शन क्या होता है। राइट ऑफ प्रीएम्प्शन का मतलब सीधा है कि जब भी हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि ये दो ब्रदर्स हैं, है ना, ये दो क्या है, हेयर है, इसमें से कोई एक अपनी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो दूसरे हेयर का क्या बनता है, एक प्रायोरिटी राइट बनता है कि वो चाहे तो पहले इस प्रॉपर्टी को परचेज करने का या लेने का, दैट इज ट्रांसफरी बनने का राइट सबसे पहले दूसरे हेयर का होता है, प्रोवाइडेड कि ये वो हेयर जो एंटाइटल्ड है ये उतना कंसिडरेशन पे करे, उतना कंसिडरेशन पे करे जितना की डिमांड की जा रही है, या फिर जितना की कोर्ट क्या करे, जितना की कोर्ट यहाँ पे अलाउ करे। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, यस, प्रायोरिटी राइट पहले भाई को। और लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है पूनम जी? लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि बेसिकली राइट ऑफ प्रीएम्प्शन ये कहता है कि पड़ोसी को पहले अधिकार होने वाला है, पड़ोसी को पहले अधिकार होगा। वैसे के वैसे अब देखो प्रीएम्प्शन कहता है दैट इज राइट ऑफ शूफा इज अ राइट व्हिच द ओनर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी पोजेसेस टू एक्वायर बाय परचेसिंग अनदर इमोबल प्रॉपर्टी व्हिच हैज बीन सोल्ड टू अनदर पर्सन। सो बेसिकली ये एक इमोवेबल प्रॉपर्टी का ओनर है। कौन है ये? एक इमोबल प्रॉपर्टी का ओनर है, ये भी ओनर है एक इमोबल प्रॉपर्टी का, इसको हम करेंगे ट्रांसफरर। ये अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो इस पर्सन का क्या राइट बनता है? इस पर्सन का राइट बनता है कि ये पर्सन क्या कर सकता है, इस पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज ये पर्सन इस ब्लू वाली प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वो इस पर्सन को बोल सकता है कि भैया अपनी प्रॉपर्टी पहले हमें ट्रांसफर करो। लेकिन यहाँ पे हमें ये जानना है कि हु कैन प्रीएम्प्ट, हु कैन प्रीएम्प्ट मतलब कौन अपना प्रीएम्प्शन का राइट पहले एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे तीन तरीके के प्रीएम्प्शन है। पहला है शफी ए शरीक, क्या है स्टूडेंट्स? पहला है शफी ए शरीक, दूसरा आता है शफी ए खलित, एंड तीसरा है शफी ए जार। शफी ए शरीक का मतलब है को ओनर इन परचेजर इन प्रॉपर्टी और राइट ऑफ को शेयरर इन द प्रॉपर्टी बाय फुल ओनर एंड नॉट बाय लीज होल्डर। मतलब कि को ओनर इन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी में को ओनर है ना पहले उसका राइट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं और अंकिता जी क्या है इस प्रॉपर्टी में 1/2 का शेयर होल्ड करते हैं। तो अगर अंकिता जी अपना ये राइट सोल्ड करना चाहती है, नॉट सोल्ड, सेल करना चाहती है, तो मेरा राइट बनेगा क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी में क्या हूं, को ओनर हूं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन अपेंडेजेस, अच्छे से वर्ड सुनना, इट इज पार्टिसिपेशन इन अपेंडेजेस। एग्जाम्पल राइट टू वे हो गया, राइट टू डिस्चार्ज वाटर हो गया, क्योंकि मेरे प्लॉट और अंकिता जी के प्लॉट के बीच में से एक रास्ता जा रहा है, या हम दोनों एक कॉमन रास्ते को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मान लीजिए ये मेरा प्लॉट है या अंकिता जी का प्लॉट है, क्योंकि हम एक कॉमन रास्ते को यूज कर रहे हैं, राइट हम दोनों को क्या है, कॉमन है, इसीलिए मेरा यहां राइट बनेगा बाय द रीजन ऑफ पार्टिसिपेशन इन अपेंडेजेस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज शफी एजार, ओनर ऑफ एन एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, क्या है? ओनर
ऑफ एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पे ना तो मेरा कोई वाटर, कॉमन वाटर यूज करने या कॉमन वे यूज करने से राइट अराइज हो रहा है, ना ही मैं उस प्रॉपर्टी में को ओनर हूं। बस क्योंकि मेरा घर अंकिता जी के घर में बगल में बना हुआ है, तो मैंने अंकिता जी को बोला, अंकिता जी अपना आप घर वैसे ही बेच रहे हो तो मैं ले लेती हूँ ना, कहाँ प्रॉब्लम है मेरे, मैं अपना घर को क्या कर लूंगी और एक्सटेंड कर लूंगी आपके वाले घर को, आप जो प्लॉट देंगी मैं वहां अपनी गाड़ी पार्क कर लूंगी, एक और छोटा सा घर बना लूंगी, वहां क्लासेस लगा लूंगी, बराबर। सो दिस इज सेड टू बी शफी एजाज। इस शूफा के राइट को एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ेगी, जहां सबसे पहले अगर प्रिया जी अगर वैलिड कंसिडरेशन नहीं दे जितना कि पर्सन डिमांड कर रहा है, या अगर आपका आर्ग्यूमेंट है वो कंसिडरेशन पे, तो डेफिनेटली कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर आप वैलिड कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तो डेफिनेटली नहीं देगा। वो पर्सन बोला 10 लाख में दूंगा, मैं मियरली क्योंकि पड़ोसी हूं तो बोल रहे, नहीं, मैं तो 1 लाख दूंगी, ऐसे नहीं होगा ना, उस पर्सन का नुकसान हो जाएगा, राइट, बराबर है। यस, वेरी गुड निकी जी, इजमेंट राइट भी एक्सरसाइज होता है ना, क्योंकि वो पर्सन मेरा घर बना हुआ है या अंकिता जी का खाली प्लॉट है, तो मैंने बोला अंकिता जी वैसे ही लाइट आ रही है अच्छी, क्यों किसी और को सेल कर रहे हो, मुझे दे दो, मैं यहाँ पे 2-4 पेड़ उगा के थोड़ा बगीचा भी उगा दूंगी और गाड़ी खड़ी करूंगी, बढ़िया मेरे घर में लाइट हवा आएगी। ओके, क्लियर। अब सुनो, फॉर्मेलिटीज में आपको ये 3 तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मेलिटी इज दैट आपको फर्स्ट डिमांड करनी पड़ेगी, जिसको बोला गया है तलब ए मुसाविबत, तलब ए मुवासिबत। इसका मतलब क्या होता है? His claim immediately on hearing of the sale. जैसे ही आपको पता चला कि ऐसी सेल अंकिता जी कर रहे, फटाफट जाके आप अपने पड़ोसी से, दैट इज अंकिता जी से डिमांड कर लीजिए, मैडम मुझे सेल आउट कर दीजिए। सेकेंड डिमांड, अभी भी उन्होंने नहीं माना, देन एज सून एज प्रैक्टिकेबल अफर्म द इंटेंशन ऑफ असर्टिंग हिज राइट। आप अपना इंटेंशन दिखा दीजिए अंकिता जी को कि मैं अपना राइट असर्ट कर सकता हूं, आई हैव द राइट, आई हैव द राइट, बाय मेकिंग द क्लेम ऑफ योर राइट इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस एंड बायर। जो बायर है दूसरा, जो खरीद रहा है, मतलब जो थर्ड पार्टी यहाँ पे खरीदने आ रही है, दैट इज द सेकंड पार्टी, हम लोग हो गए थर्ड पार्टी, जो बायर यहाँ खरीदने आ रहा है उसके सामने और 2 विटनेसेस के सामने हमें उस प्रॉपर्टी के ओनर, दैट इज ट्रांसफर को बोलना है कि भैया देखो मेरा राइट एक्सरसाइज होता है, मैं यहाँ बिल्कुल खरीदना चाहता हूँ, तुम जो मुंह मांगी रकम बोलोगे या जो तुम्हारा बनता है उतना देने को मैं तैयार हूँ। ये हो गया सेकेंड डिमांड। सेकेंड डिमांड पे भी नहीं मांगा, सेकेंड डिमांड पे भी नहीं माना है, आफ्टर मेकिंग 2 डिमांड्स हमको थर्ड डिमांड मांगनी पड़ेगी, दैट इज तलब ए तमलिक। क्या करना पड़ेगा? तलब ए तमलिक करना पड़ेगा, दैट इज अब हम सूट फाइल करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द थर्ड डिमांड। इट विल अराइज ओनली व्हेन द फर्स्ट 2 डिमांड्स आर मेड। डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। पहले आपको जैसे ही सेल के बारे में पता चला, अच्छा ग्राहक ढूंढ रहे, फटाफट जाके उनको अंकिता जी को बताओ कि मेरे को दे दो। नहीं मानी, जब बायर आ गया, 2 विटनेसेस आ गए, उनके सामने बोलो कि भाई मैं खरीदना चाहता हूँ, खरीदार का इच्छुक हूं, नहीं माने अभी भी वो, अब जाके सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर है। इजमेंट खलित में, खलित में होगा, है ना, ठीक है। यस, राइट रमेश जी, है ना। अब क्या किया जा सकता है? देखो सिंपल सा है, सब लोग अगर अब लाइफ का पर्पस समझ लें या ऑब्जेक्टिव समझ लें तो आई थिंक सेटिस्फाइड है सब लोग, बट पता नहीं क्यों लोग ना लाइफ, जीवन का मर्म नहीं समझने से पहले इररिलेवेंट मुद्दों पे झगड़ते हैं, है ना। अब किसको पता कि हम पिछले जन्म में कौन से रिलीजन में थे? मान लो किसी दिन ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जहां आपको ये पता चल जाए कि पिछले जन्म में आप कोई और रिलीजन में थे, यू विल रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स। सो ये सबका अपना अपना माइंड सेट है ना, सारे रिलीजन को अच्छे से रिस्पेक्ट करो, फॉलो करो। इफ वी रिस्पेक्ट समबडी तो वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक, तो जो चीज हम देंगे वही वापस आएगी। ये 4 प्लॉट है, मैंने कचरा यहां से यहां डाला, यहां से यहां आया, यहां से यहां, वापस मेरे प्लॉट में आएगा, घूम फिर के वही चीजें आनी, क्योंकि वर्ल्ड इज व्हाट सर्कुलर, तो घूम फिर के चीजें वापस आएगी और हमारे पास ही आएगी। तो जैसी मानसिकता फैलती है वो अल्टीमेटली वापस आती है, हमारे आसपास ही रहता है। कोरोना है ना, अगर हम नहीं माने, हम बाहर निकले तो अल्टीमेटली आएगा वापस, हमारे पास ही आएगा, राइट। चलो हाँ, थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े डिफिकल्ट है, एक दो बार देख लेना, समझ आ जाएगा। वैसे शूफा से आता नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी ध्यान रखना कि भाई 3 डिमांड्स होती है, थर्ड डिमांड तब तक आप कोर्ट में नहीं जा सकते जब तक आपने पहली 2 डिमांड्स कंप्लीट नहीं किया। फटाफट से आएंगे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, फिर उसके बाद हम लोग फाइनल सक्सेशन पे आ जाएंगे। आधे घंटे का और सेशन है,
मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019, मतलब ये किससे रिलेटेड है? ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, अच्छे से समझना। यहाँ पे पनिशमेंट का पॉइंट दे रखा है, इतने से आप ये 5 कॉलम्स पढ़ लो, मोर देन इनफ, छोटा सा एक्ट है, दैट इज इट। ठीक है, अच्छे से सुनो, हमने ट्रिपल तलाक के बारे में किसमें डिस्कस किया था? शायरा बानू में डिस्कस किया। क्या बोला कि ट्रिपल तलाक क्या है? हमारा कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 14 को वॉयलेट करता है, एंड इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ अ इस्लामिक रिलीजन। दैट इज आर्टिकल नंबर 25 को कुछ भी ये वॉयलेट नहीं करता है। ठीक है, आगे सुनो, बराबर। देखो, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है कि सब लोग थोड़ा ये वोट बैंक का चक्कर हो जाता है ना। आप देखो, जिस दिन ये सारी चीजें हट जाए, है ना, दैट इज जिस दिन आपका ये कास्टिज्म, जिस दिन आपका ये रिलीजन, ये सब हट जाएगा, सोचो कितनी पीसफुल दुनिया होगी। रिजर्वेशन हट जाएगा, सब लोग इक्वल माने जाएंगे। बट ठीक है, अब इंडिया में क्योंकि ट्रेडिशन ही ऐसा चला है कि सदियों पुराने जमाने से सबको ऑक्यूपेशन उनके कास्ट के अकॉर्डिंग दिया गया। एक बात बताओ, है ना, कई बार आई स्टिल पुट दिस क्वेश्चन बिफोर माय फैमिली में जो भी एल्डर लोग डांट भी खाते हैं। अब क्या उनको, आप क्या होता है कि कई बार आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग कुछ पर्टिकुलर माइंडसेट होल्ड कर सकते हैं, तो आप ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते। क्यों नहीं? बिकॉज यू नो कि लाइफ बहुत बड़ी, अपने भी लाइफ में एम है, तो क्या किसी को बैठ के किसी के माइंडसेट चेंज करना। सब अपना अपना जब सोचना है सोचो, अपने किसी का ठेका थोड़ी लिया है किसी को परिवर्तित करने का, जब तक कि वो पर्सन खुद नहीं चाहता। ठीक है, सो बेसिकली आई ऑलवेज पुट अ क्वेश्चन बिफोर देम दैट अगर आपका ये कहना है दैट हम लोगों की कास्ट इसलिए डिसाइड हुई क्योंकि हम क्या काम करते थे, है ना, हमारे काम के अकॉर्डिंग ही कास्ट डिसाइड हुई है। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि कोई पर्सन का इस पर्टिकुलर कास्ट को, क्योंकि क्योंकि उनको उस वक्त एक पर्टिकुलर वक्त में वही काम दिया गया था, तो उनकी पहचान बन गया, उनका काम उनकी पहचान बन गया, और पहचान उनकी कास्ट बन गई। तो आज तो वो पर्सन वो काम नहीं करता। हु नोज माई कास्ट? आई एम टीचिंग, सो टीचर्स की कास्ट अलग करो। यू डोंट नो कि कोई पर्सन प्रेसिडेंट है, कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर है, कौन सी कास्ट का है। तो अब कास्ट के बेसिस पे तो लोग प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस ही नहीं करते। लॉयर्स, जजेस, सब अलग अलग कास्ट से हैं। तो व्हाई डोंट यू मेक अ न्यू कास्ट दैट इज टीचर कास्ट? व्हाई डोंट यू मेक अ न्यू कास्ट दैट इज एडवोकेट कास्ट, लॉयर्स कास्ट, इंजीनियर्स कास्ट? ये कास्ट क्यों नहीं हो सकती? बट ठीक है, एंड ये आपका लॉ भी कहता है कि आपका शादी की वजह से आपकी कास्ट या कम्युनिटी चेंज नहीं होती, बिकॉज कास्ट एंड कम्युनिटी इज डिसाइडेड बाय द बर्थ। तो जिस कास्ट या कम्युनिटी में आपने बर्थ ले लिया वो आपकी कास्ट रहेगी। रिलीजन पर्सन चेंज कर सकता है, कास्ट चेंज नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर है? सो ठीक है, अब ये है कि आपके ऊपर है ये कंप्लीटली कि हम मन में ये भावना रखे नहीं रखे। अगर आप मानोगे कि सब समान है, सब एक लोग है, जैसे हम है वैसे ही वो है, इंसान को इंसान समझोगे, इंसानियत को इंपॉर्टेंस दोगे, तो सब सुकून में है। चलो आगे शुरू करेंगे। अब सुनो, सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है आर्य जी? अच्छे से सुनो, सेक्शन नंबर 3 ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल। ये क्या बोल रहा है, कौन से तलाक के बारे में बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 3 ने बोला तलाक टू बी वॉइड एंड इलीगल, तो फिर इतने सारे तलाक मेंशन करके आए, इला, जिहर, तलाक ए तफवीज, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, तलाक ए सुन्नत, तलाक ए बिद्दत, लियान, खुला, और क्या डिस्कस किया था हमने, एक और था मुबारक। तो क्या सब वॉइड होंगे क्या? आंसर इज नो। यहां पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ तलाक इसके एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया। सुनो, इफ अ हस्बैंड प्रोनाउंसेस अ तलाक टू हिज वाइफ बाय वर्ड्स, जो कि स्पोकन हो सकता है, रिटन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब व्हाट्सएप किया या मेल भी किया, शैल बी वॉइड एंड इलीगल। और सेक्शन नंबर 2C में इन्होंने डिफाइन किया है कि तलाक क्या होता है। अब ये सेक्शन नंबर थ्री में क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि सेक्शन नंबर 2C में बेसिकली जो तलाक डिफाइंड है वो इलीगल और वॉइड होगा। तो 2C में तलाक का क्या मतलब? इन्होंने बोला तलाक ए बिद्दत, मतलब ट्रिपल तलाक। तो कौन सा तलाक वॉइड और इलीगल हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ तलाक ए बिद्दत हो रहा है। ये 2C में साफ साफ मेंशन बोला है, तलाक ए बिद्दत और एनी अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ तलाक हैविंग इफेक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड इरिवोकेबल डाइवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय अ मुस्लिम हस्बैंड। एक तो तलाक, ट्रिपल तलाक को तो किया ही किया, प्लस साथ में और ऐसा कोई भी तलाक जो कि इरिवोकेबल है इमिडिएटली, तो वो सब क्या होते हैं? वॉइड एंड इलीगल होते हैं, उसका कोई एनफोर्समेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट बोला गया है सेक्शन नंबर 4 में। सो थर्ड में क्या बोल दिया, ऐसा तलाक प्रोनाउंस किया तो वॉइड और इलीगल होगा, और फिर भी प्रोनाउंस कर दिया आपने तो पनिशमेंट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 3 इयर्स मिलेगी एंड फाइन मिलेगी। और ऑफेंस का नेचर कैसा है? सेक्शन नंबर 7 ने बताया कॉग्निजिबल एंड कंपाउंडेबल है, कॉग्निजिबल है एंड कंपाउंडेबल है, शमनीय है, ओके।
अब देखो इन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 5 में, क्या बोला सेक्शन नंबर 5 में, मेंटेनेंस, नॉट मेंटेनेंस, सबसिस्टेंस अलाउंस, कि जिस विमेन के ऊपर आपने ऐसा तलाक प्रोनाउंस किया, जिस विमेन पर आपने ऐसा तलाक प्रोनाउंस किया है, शैल बी एंटाइटल टू रिसीव सबसिस्टेंस अलाउंस फॉर हरसेल्फ एंड फ्रॉम हर हस्बैंड, खुद के लिए और बच्चे के लिए वो क्या कर सकती है, हस्बैंड से ऐसा सबसिस्टेंस अलाउंस ले सकती है. क्लियर है? ओके. क्या हो रहा है भव्या जी? ओके. देखो क्लास में आते हो तो थोड़ा अपना ऑब्जेक्टिव लेके आओ, है ना? ओके. मेरी क्लास में एक पर्सन भी किसी का डिस्टरबेंस, किसी के थ्रू डिस्टरबेंस मैं अलाउ नहीं करूंगी. वो फिर चाहे मुझे हो या हमारे लॉ वाले चैनल पे आने वाले किसी भी स्टूडेंट का हो. लाइव क्लास इसीलिए कंडक्ट की जाती है ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंच सके, है ना? स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं. तो लाइव क्लास में तो मैं डेफिनेटली ध्यान रखूंगी. ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? चलो, डू नॉट फोकस ऑन एनीवन, चलो क्लास में फोकस करो. अब सुनो, तो हमने क्या बोला, सबसिस्टेंस अलाउंस. ओके, आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे ना, तो रिपोर्ट कर दिया करो. वैसे आई हैव इन्फॉर्म द टीम. ठीक है, अब सुनो, तो सबसिस्टेंस अलाउंस मिलने वाला है किसके किसके लिए ले सकती है, खुद के लिए ले सकती है और चिल्ड्रन के लिए ले सकती है, जिसके ऊपर ऐसा तलाक प्रोनाउंस किया गया है तो वो ले सकती है. बराबर. सेक्शन नंबर 6 ने बोला है कस्टडी ऑफ अ माइनर चिल्ड्रन. माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी किसके पास रहेगी, विमेन के पास रहेगी, अगर प्रोनाउंस किया गया क्या तलाक, मतलब निकी जी हिजानत अगर प्रोनाउंस किया गया है तो कस्टडी किसके पास रहने वाली है, चाइल्ड के पास रहने वाली है. क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो गया ना जेल. अब मुझे एक पॉइंट बताओ, हमने हमने 1939 के एक्ट में ग्राउंड पड़ा था कि अगर हस्बैंड को कन्विक्शन हो गई, हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट हो गया 7 इयर्स और मोर, तो वाइफ क्या कर सकती है, वाइफ क्या कर सकती है, डायवोर्स ले सकती है. लेकिन यहां पे हस्बैंड को क्या मिल रहा है, इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है. हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है ना, हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट क्यों मिल रहा है स्टूडेंट्स, हस्बैंड को इम्प्रिजनमेंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने तलाक प्रनाउंस कर दिया. लेकिन कितना मिल रहा है, मैक्सिमम 3 ईयर, सिर्फ 3 साल तक के लिए. सोचो यहाँ पे 7 साल दे दिया होता, तो 7 साल दे दिया होता तो हस्बैंड तो खुद ही तलाक प्रोनाउंस कर रहा था और एक वाइफ को और एक और ग्राउंड दे देता कि तुम मुझसे 1939 के एक्ट में डाइवोर्स ले लो. बराबर, क्लियर है? तो यहाँ पे हस्बैंड को हमने कितने टाइम तक के लिए डाइवोर्स दिया है, थ्री, नॉट डाइवोर्स, कितने तक के लिए पनिशमेंट दी है, 3 इयर्स एंड फाइन तक के लिए पनिशमेंट दी है. लेकिन ये ग्राउंड वाइफ के लिए डाइवोर्स का नहीं बनेगा अंडर 1939, क्योंकि वहां पनिशमेंट का क्या ग्राउंड है कि अगर हस्बैंड को 7 इयर्स या मोर किसी भी लॉ में पनिशमेंट मिली है तो वाइफ क्या कर सकती है, उससे डाइवोर्स ले सकती है. ठीक है, क्लियर है? ओके. मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू मुस्लिम ऐसे राइट्स में इन्वॉल्व हो तो उनका सारा कुछ कैंसिल हो जाए, नहीं होता आर्य देव जी, क्योंकि सबके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होते हैं कि क्यों वो है. एक कम्युनिटी बोलेगी कि उन्होंने हमारे रिलीजन के बारे में ऐसे बोला, बिकॉज वी हैव फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. एट द सेम टाइम हमको ये भी ध्यान रखना है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी हैं, है ना? तो ठीक है, अब कैंसिल तो नहीं कर सकते. देखो बहुत ज्यादा हार्श भी नहीं हो सकता स्टेट, बट हाँ ठीक है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जहां पे यू नो इंटर रिलीजन या हेट स्पीच देने के लिए डेफिनेटली ऐसे कुछ कड़े कानून बना दिए जाएंगे. ठीक है, बट अब नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन पीपल की वो लोग कितना उसको फॉलो करते हैं. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है लेकिन यू सी दिल्ली में सारे आम वकीलों को मार दिया है ना, तो लोगों को आजकल पनिशमेंट से डर नहीं रहा है, पैसा बहुत चल रहा है हर जगह, यू सी करप्शन. सो अंटिल एंड अनलेस पर्सन रिफॉर्म्स हिमसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, लॉज नो डाउट बहुत अच्छे हैं, कड़े हैं कानून, जेल में जाके इंसान आराम से सुकून से रह रहा है, बाहर गरीब आदमी इस चीज के लिए तरस रहा है कि वो एक अच्छा किराए का मकान नहीं ले पा रहा. पर्सन ऑफेंस करके जेल में जा रहा है, खाना भी खा रहा है, कुछ उसको टेंशन नहीं है, बढ़िया पंखा वगैरह सब कुछ लगा रखा है, आराम से सो रहा है, सुरक्षा और मिल रही है कि उसको कोई मार से जान से मार ना दे. थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज. ओके, सो बी हैप्पी, बी एट पीस, है ना? ज्यादा अपने को चीजों में इन्वॉल्व मत करो, बिकॉज चीजें बहुत स्ट्रेच हो जाती है कई बार, एंड देन यू रियलाइज क्या सच में आपका टाइम इन सब चीजों के लिए डिवोट करना जरूरी है. अपनी लाइफ को अच्छा सा एमफुल लाइफ बनाओ, उसके लिए स्ट्राइव करो, खुश रहो, सेटिस्फाइड रहो, जहां हो मस्ती में रहो. ठीक है, चलो बताओ. ओके,
ठीक है, तो ये हो गया, फटाफट चलेंगे हम कहाँ, मुस्लिम सक्सेशन की तरफ। फटाफट से मैं आपको ये टेबल समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान देना। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सुन्नी लॉ के बारे में। सुन्नी लॉ में देखो शेयरर्स होते हैं, रेजिड्यूरी होती है, ठीक है। शेयरर्स मतलब जो कि प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड है। अब शेयरर्स नहीं है तो फिर जो बचे हुए लोग होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिड्यूरी, फिर उनको प्रॉपर्टी जाती है। सुन्नी लॉ में 12 शेयरर्स हैं, 12 शेयरर्स में से 4 मेल हैं और 8 फीमेल हैं। मेल में कौन कौन आता है, फादर आता है, ग्रैंड फादर आता है, हस्बैंड आते हैं एंड यूटराइन ब्रदर आते हैं। यूटराइन ब्रदर मतलब कि मदर सेम थी, फादर डिफरेंट थे, बराबर। तो ये क्या हो गए हमारे, 4 शेयरर हो चुके हैं। यस यस, दिस इज फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स ऑल्सो, एंड क्लैट एस्पिरेंट्स सिर्फ आप लोग हफ्ते 10 दिन के लिए रुक जाइए, आपके लिए बैच आ रहा है। ओके, यस, यूनिफॉर्म सिविल लॉ इज नीडेड, यस। कौन हो रहा है भाई पॉलिटिकल, आई एम एनीवेज नॉट इंक्लूडेड इन दिस थिंग्स, मैं उल्टा और मना ही कर रही हूँ। ओके, क्लियर है, ठीक है, बराबर। रमेश जी, ऐसी चीजों को हम कभी और डिस्कस करेंगे ना, डिबेट वगैरह में। ओके, बराबर, इस पे कभी शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे कि वैसे वॉयलेंस वगैरह हो तो क्या करना चाहिए। बाकी यू सी, स्टेट इज देयर, पुलिस मशीनरी इज देयर, कोर्ट इज देयर टू गिव देयर बेस्ट डिसीजन। ओके, चलो आगे सुनो, आगे सुनो। तो 4 क्या है, फीमेल्स, 4 क्या है, मेल है, और 8 क्या है, फीमेल है। विमेन है, विमेन में कौन है, वाइफ है, मदर है, ट्रू ग्रैंड मदर, डॉटर है, सन्स डॉटर है, यूटराइन सिस्टर है, फुल सिस्टर है, एंड कॉन्सेंगुइनाइन सिस्टर है, बराबर है ये चीज। तो 12 शेयरर्स हैं। अब इन 12 शेयरर्स में आप सोचोगे सन कहां है, सन को हमेशा डॉटर का डबल राइट मिलता है। सन बाय डिफॉल्ट शेयरर होता है, कौन है, सन बाय डिफॉल्ट शेयरर होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब इन शेयरर के पास सब कुछ चला जाता है उसके बाद जो कुछ बचता है वो सन के पास जाता है। सन को प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट है। ओके, सन के पास प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट है, ठीक है। आगे चलेंगे, अब हमें देखना है कि किसको कितना राइट है। अगर प्रॉपर्टी किसकी है, अगर प्रॉपर्टी वाइफ की है और हस्बैंड का शेयर कितना होगा, बाय डिफॉल्ट 1/4। नॉर्मल शेयर बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 1/4 होता है। 2 और मोर शेयरर्स नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड है और साथ में कोई नहीं है, बाकी शेयरर नहीं है, दैट इज चाइल्ड हो सकता है या चाइल्ड ऑफ सन। कंडीशन क्या है, चाइल्ड है या चाइल्ड ऑफ सन है, तो हस्बैंड को कितनी मिलेगी, 1/4। लेकिन ये शेयर क्या हो जाएगा, वेरिएशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अगर यहां पे कोई सन नहीं है या मतलब कोई बच्चा नहीं है, ना तो डॉटर है, ना सन है, ना ही चाइल्ड का कोई सन है, तो यहां पे कितना मिल जाएगा, हस्बैंड का शेयर इंक्रीज हो जाएगा, हाफ मिल जाएगा। अदरवाइज क्या मिलेगा, जब चाइल्ड या चाइल्ड ऑफ सन है तो फिर हस्बैंड को सिर्फ और सिर्फ 1/4 मिलेगा। अगर ये लोग नहीं है तो हस्बैंड का राइट इंक्रीज हो जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज वाइफ, वाइफ को कितना शेयर मिलता है स्टूडेंट्स, 1/8। मतलब हस्बैंड की प्रॉपर्टी अगर डिवॉल्व हो रही है तो फिर हस्बैंड वाइफ को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। 2 और मोर शेयरर से मतलब एक से ज्यादा वाइफ, अब यहाँ पे डैश क्यों लगाया स्टूडेंट्स, क्योंकि मुस्लिम लॉ में कभी भी हस्बैंड एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, वाइफ पॉलियंड्री नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ वाइफ में बोला 2 और मोर शेयरर्स, मतलब एक से ज्यादा वाइफ है तो सब लोग 1/8 ही लेने वाली है। सेम वैसे जैसे हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा था ना कि अगर एक से ज्यादा वाइफ है तो दे ऑल विल टेक 1 शेयर बिटवीन देम, बराबर, क्लियर है। तो सब मिलके 1/8 लेने वाली, कब, अगर बच्चे हैं या बच्चों का सन है तो, क्लियर। लेकिन अगर चाइल्ड नहीं है या चाइल्ड सन नहीं है तो कितना शेयर हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा और बाकी सब भी मिलके 1/4 लेंगे, क्लियर है। अगर चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड सन नहीं है, तो बेसिकली शेयरर्स का इंक्रीज हो जाता है इंटरेस्ट। ओके, डॉटर का शेयर बाय डिफॉल्ट 1/2 होता है, आधा शेयर होता है, क्लियर। अगर एक से ज्यादा डॉटर है, क्या है, एक से ज्यादा डॉटर है, सब मिलके कितना लेने वाली है, 2/3 लेने वाली है। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, जब सन नहीं है, जब माँ या बाप का बेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेटी है, तो बेटी को हाफ शेयर जाएगा। एक से ज्यादा बेटी है, 2/3 शेयर जाने वाला है, क्लियर है ये चीज। कितना शेयर लेंगी पूरे में से, 2/3 शेयर लेंगी। ओके, लेकिन मान लो अगर सन है, अगर सन है तो सन को जितना, जो डॉटर को जाएगा, जितना भी डॉटर को शेयर जाएगा उसका डबल, 2x। मान लीजिए डॉटर को x शेयर जा रहा है तो सन को 2x जाएगा। कितना जाएगा, सन को 2x जाने वाला है, मतलब सन को हमेशा डॉटर का डबल मिलेगा, क्लियर है ये पॉइंट। ओके, बात करें अगर फादर की, अगर फादर है, दैट इज डॉटर या सन की डेथ हुई है, तो फादर को कितना शेयर जाएगा स्टूडेंट्स, 1/6 जाएगा। फादर क्या,
वन से मोर फादर हो ही नहीं सकता, फादर एक ही होता है, लेजिटिमेट फादर, दैट इज बायोलॉजिकल फादर. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर चाइल्ड है या चाइल्ड सन है, जो पर्सन डेथ हुई है उसका चाइल्ड है या उस चाइल्ड का सन है, तो फादर को कितना जाएगा, 1/6 जाएगा. एंड मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ सन, अगर चाइल्ड नहीं है या सन नहीं है उस चाइल्ड का, तो हस्बैंड फादर क्या हो जाएंगे, रेजिड्यूरी में आ जाएंगे. मतलब उस सन या डॉटर के अगर बच्चे नहीं है तो उसके वाइफ या फिर जो मदर है या फिर जो हस्बैंड है, उनको जाने के बाद जितना भी बचेगा वो फादर को जाएगा, बचा हुआ सारा फादर को जाएगा. बात करें मदर की, तो मदर को कितना मिलता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल 1/6 मिलता है. कितना मिलता है, 1/6 मिलता है नॉर्मल को. मदर एक ही होती है, फादर भी एक ही होता है, बस वाइफ एक से ज्यादा हो सकती है. और मदर को ये 1/6 कब मिलेगा स्टूडेंट्स, जब जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है उसका अगर कोई बच्चा है, डॉटर या सन है, या उस डॉटर या सन का कोई सन है, या उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी हैं, तो मदर को 1/6 जाएगा. और मान लीजिए ये है ही नहीं, ना तो उस मरने वाले व्यक्ति का ब्रदर है, ना सिस्टर है, ना चाइल्ड है, ना चाइल्ड के बच्चे हैं, बट उस मरने वाले पर्सन का या तो वाइफ है, हस्बैंड है या फादर है, तो उस मरने वाले व्यक्ति की मदर को कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा. मान लो ये एक वाइफ थी, ये एक लेडी थी, इस लेडी की डेथ हुई, तो इस लेडी की मदर को कितना मिलेगा, 1/6 मिलेगा, ठीक है. लेकिन मान लो इस लेडी का ना तो फादर है, ना इस लेडी का हस्बैंड है, और ना ही इस लेडी के बच्चे हैं, तो इसकी वाइफ को कितना, इसकी मदर को कितना जाएगा, 1/3 जाने वाला है, ठीक है, क्लियर है, ओके, क्लियर है, बराबर. चलिए, सो दिस इज दी स्पेसिफिक, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, हस्बैंड का ध्यान रखना, वाइफ का आपको एब्सेंस वाला वेरिएशन वाला याद रखने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल शेयर याद रखना, हस्बैंड का 1/4, वाइफ का 1/8, डॉटर का हाफ होता है, और अगर सन है वहां पे तो सन को हमेशा डॉटर का डबल मिलेगा. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डॉटर को हमेशा सन के प्रेजेंस में सन का हाफ मिलेगा, फादर को 1/6 एंड मदर को 1/6, दैट इज इट. इससे ज्यादा आपको मुस्लिम लॉ में PYQs, that is your preliminary के point of view से याद रखने की जरूरत नहीं है. क्लियर है ये पॉइंट, ओके. बात करें ट्रू ग्रैंड मदर, ट्रू ग्रैंड फादर की, सन्स डॉटर, या फिर हम यूटराइन ब्रदर, यूटराइन सिस्टर, फुल सिस्टर, कॉन्सेंग्नर सिस्टर, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं. आपको एक लैंडमार्क क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टेट जुडिशियल में देखा गया है, यहां से पूछा जा सकता है. डॉटर का जनरल शेयर हाफ होता है, एक से ज्यादा डॉटर है 2/3 होता है. अगर डॉटर के साथ सन भी है तो डॉटर हमेशा सन का हाफ लेगी, मतलब सन हमेशा डॉटर का डबल लेगा. क्लियर है, ओके. ये शेयर है आपके शिया लॉ का. शिया लॉ से आपसे नहीं पूछा जाता है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछे जा सकते हैं. कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, 9 शेयर्स होते हैं, जिसमें से 6 फीमेल्स होती हैं एंड 3 मेल्स होते हैं. अब 3 मेल्स कौन कौन से हैं, 3 मेल्स हो गए स्टूडेंट्स, पहले तो हो गया हस्बैंड, हस्बैंड को प्रॉपर्टी जाएगी, फिर जाएगी फादर को जाएगी, एंड देन है यूटेराइन ब्रदर. कौन है, यूटेराइन ब्रदर को प्रॉपर्टी जा सकती है. दिस इज फादर, हस्बैंड एंड यूटेराइन ब्रदर. बाकी 6 क्या हो गई, फीमेल्स हो गई, जिसमें वाइफ आ गई है, जिसमें वाइफ आ गई, मदर आ गई, डॉटर आ गई, सिस्टर आ गई, फुल सिस्टर आ गई एंड कॉन्सैंग्विनाइन सिस्टर आ गई है, ठीक है. शिया लॉ में आपको ये शेयर याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड, नहीं आता है. अगर दिख रहा है कि आया है तो ही ये टेबल याद रखना, अदरवाइज आपको ये टेबल याद नहीं रखनी है, क्लियर है, ओके. और ये ट्रू ग्रैंडफादर वगैरह से नहीं आता है. बस ये आपको कौन सा याद रखना है, ये 5 लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशंस है ना, पति पत्नी, बेटी बेटा, फादर मदर. अब जब आप डॉटर, सन के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप डॉटर का पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप सन का पढ़ लोगे, सन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्लियर है. अगर ये सेशन सभी को पसंद आया है तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे, और कमेंट सेक्शन में, नॉट इन लाइव सेशन, बट सेशन जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर करके बता दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बूस्टअप होता है. और क्या चीजें चाहिए आपको वो भी बता सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन को आई डू रीड, आई डू गो थ्रू ऑल द सेक्शंस, ऑल द कमेंट सेक्शन जो आप कमेंट करते हो, किसने क्या बोला, ताकि मैं आपको अगली क्लास में बता सकूं कि एग्जैक्टली क्या चीजें क्यों हो रही है, या उसका जवाब दे सकूं कि बेटा ऐसे ऐसे होता है, ये प्रोविजन है. अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप लीव कर सकते हो, अदरवाइज हो सकता है कि कई बार वहां पर एड्रेस ना हो. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज शिवानी सोलंकी, वहां पर एक लिंक को मैंने पिनअप कर रखा है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो सीधा मेरे साथ आपके साथ चैट ओपन हो जाएगी, आप वहां मुझे मैसेज डाल सकते हो. पब्लिक चैट मैंने ओपन नहीं कर रखी ताकि कोई भी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो. अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको कोई भी फेक अकाउंट से मेरे नाम से मैसेज आता है, डू नॉट रिप्लाई, बिकॉज मैक्सिमम जुडिशरी फैकल्टीज, जो भी चाहे अदर प्लेटफॉर्म्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, फेक अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं. आई डू नॉट नो व्हाट दे वांट, व्हाई डू दे ऑल आर डूइंग, बट ठीक है, हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डन द कंप्लेंट. आपको सतर्क रहना है, किसी को कोई
नंबर पूछ रहा है, डिटेल्स पूछ रहा है, नहीं देना है. व्हाई विल बी टीचर्स आस्क यू फॉर दैट? ठीक है, आपको नहीं रिप्लाई करना. हम चला के कभी भी कोई टीचर स्टूडेंट को मैसेज नहीं करता है. आई विल रिप्लाई ओनली एंड ओनली इफ यू टेक्स्ट मी. और मेरी जेन्युइन प्रोफाइल कहाँ पे है आपको मेरे ग्रुप में दिख जाएगी, शिवानी सोलंकी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दिख जाएगी, उसी पे मैसेज करना. और मैं जनरली स्टूडेंट्स का डाउट कैसे कह सकते हो एड्रेस करती हूँ, बाय वॉइस नोट. ठीक है, क्लियर है चीज. प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑलरेडी हो चुका है, एनआई एक्ट चैप्टर नंबर 17 हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मॉरल ट्रैफिकिंग चैप्टर नंबर 19, सॉरी एनआई एक्ट पूरा हो चुका है, आरजेएस के लिए चैप्टर नंबर 17 हो चुका है. एसआरए बहुत अच्छे से कर लिया, लिमिटेशन कर लिया, जेजे एक्ट कर लिया, हिंदू लॉ कर लिया, मुस्लिम लॉ कर लिया. अब बचे हुए 2 दिन में हम 6 अप्रैल को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करेंगे और 8 अप्रैल को हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट करने वाले हैं. साथ ही साथ में बता दूं, वन शॉट में आपको पॉश एक्ट मिल जाएगा, पॉक्सो मिल जाएगा, उसके बाद हमारा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा और बहुत सारे एक्ट्स एक बार वन शॉट में जाके देखिएगा. ठीक है, तो वो सारा हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं जो कि हमने यूपी पीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया था. सो डू गो, यस पीसीपीएनडीटी एक्ट भी वहां पे हो रखा है. सो डू गो एंड वॉच दोस सेशंस. ओके, क्लियर है. चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, एंड मेक श्योर कि आप इस पीडीएफ को लॉ वाला टेलीग्राम चैनल से जाके जरूर डाउनलोड करें, या तो आज रात तक आ जाएगी नहीं तो कल सुबह तक आ जाएगी. ओके, और दूसरी चीज, लॉ फाउंडेशन बैच को जरूर देखें. जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली मुझे समझना है, इसका शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो क्लास जाके देख लो. एंड पीडब्ल्यू ऐप में डू अटेंड दी डेली क्विजेस, वहां पे डेली रोज एमसीक्यूज आ रहे हैं, 10 से 15 हर सब्जेक्ट के आ रहे हैं. सीपीसी हो गया है, सीपीसी आईपीसी एंड सीआरपीसी का फाउंडेशन बैच इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है. सो डू गो एंड वॉच दैट. ठीक है, चलिए. यस यस आशुतोष जी, एविडेंस एक्ट का कैप्सूल नंबर 4, जैसे ही मैं वन शॉट से फ्री होती हूँ मैं फटाफट से उसको कवर करवाती हूँ ना. क्लैट बैच जब चल रहा होगा तो मैं, हो सकता है एक दिन आपका 4th कैप्सूल अपलोड करवा देती हूँ. ठीक है, क्लियर है. सो आई विल डेफिनेटली, काफी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा है, सो आई विल डेफिनेटली मेक दैट हैपन. ओके, चलिए. सो दैट वॉज ऑल इन टुडे सेशन. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन. नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच.